हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी आई एम श्री श्रीवास्तव और आज के इस पूरे लेक्चर में हम अपना सीपीसी कवर अप करेंगे तो आप किसी भी स्टेट जुडिशरी को आप टारगेट कर रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट एज uh, ये जो सब्जेक्ट है एज़ यू नो कि एक मेजर लॉ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है सी को लेकर बहुत डर लगता है कि सी में इतना कॉम्प्लेक्स दे रखा है सेक्शन अलग दे रखे हैं ऑर्डर्स दे रखे हैं रूल्स दे रखे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आज का ये सेशन है जहाँ पर हम पूरा सी सी को कवर अप करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या फिर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को तो आप इन हो सकते हैं हमारे बैच के, के हैं यूनिक फीचर्स जैसे कि हम इस, uh, बैच में प्रोवाइड करेंगे आपको 1100 प्लस लाइव आर क्लासेस जहां पे आप टू वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स को फैकल्टी से क्लियर कर सकते हैं क्लासरूम में ही राइट नॉट ओनली दिस आपको हंडरेटेड नोट्स लेक्चर नोट्स डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इतना ही नहीं आपको आंसर राइटिंग सेशंस कराए जाएंगे जजमेंट राइटिंग सेशंस होंगे यहाँ पे वीकली uh, आपका करंट अफेयर होगा चाहे वो लीगल करंट अफेयर हो या फिर जनरल करंट अफेयर हो जी और जीके की क्लासेस भी कंडक्ट होंगी इस लाइफ फाउंडेशन बैच में सो so आपका ये पूरा कोर्स हम एक साल में कवर अप कर देंगे और आपके पास एक साल और के लिए इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी मतलब इस कोर्स की वैलिडिटी आपके पास ट्वेंटी मंथ्स के लिए रहती है तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन में आपको यह कोर्स मिल रहा है दो सालों के लिए राइट और आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे साथ में एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा आपको जो आपके सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व uh, करेगा तो वो इस पूरी जर्नी में आपको हेल्प करेगा आपके स्ट्रैटेजीज से लेकर आपके टाइम प्लान को लेकर आपके मैनेजमेंट को लेकर सब चीज़ों को uh, सब चीज़ों में आपका ये मेंटर आपको हेल्प करेगा तो अगर आप सीरियसली जेनविनली टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशल एग्जामिनेशन को तो आई वुड से लाइफ फाउंडेशन बैच इज बेस्ट फॉर यू एंड ट्रस्ट मी दैट पीपल हैज गिवेन दो स्टूडेंट है रोल इन बैच वन उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है एंड दे आर वेरी हैप्पी इन इन ऑर्डर टू लर्न ऑल दी लॉज ऑल दी लॉ सब्जेक्ट्स ठीक है तो अभी दिन में यहाँ पे इस लाइफ फाउंडेशन बैच में दो क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी आपकी एक होगी मेजर लॉ की एक होगी आपकी माइनर लॉ की तो मेजर लॉ की क्लास आपकी शाम को फोर पी एम ऑनवर्ड्स होगी फोर पी एम टू फाइव फोर्टी फाइव पी एम और दूसरी क्लास होगी आपकी सिक्स uh, से एट पी एम तक राइट और वहाँ पर ही आप क्लास में टू वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आई गो एंड जब एनरोल करना है और एनरोल करते अगर आपको सबसे चाहिए, तो प्रोमो कोड श्री लाइव और इससे आपको ये कोर्स मिल जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन का दो सालों के लिए एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम फिर इंस्टाग्राम पे तो so, टेलीग्राम पे आप इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू डू वॉच इट डू कंप्लीट योर सीपीसी प्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ पे सारापोर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर अप कराया गया है सो जस्ट वॉच दर लेक् ठीक है यहाँ पे पूरा सीपीसी चाहे वो ऑर्डर रूल्स सारी चीजें कवर करा दी गई हैं सीपीसी नो डाउट एक मॉन्स्टर सब्जेक्ट है सबको बहुत टफ लगता है सीपीसी किसी का भी पढ़ने का दिल नहीं करता या अगर मन करता भी है हिम्मत करके उठा भी लेते हैं तो बाय द टाइम आप उसको बंद कर देते हो और कहते हो बहुत बोरिंग है राइट बट वी कैनोट डिनाई दिस फैक्ट कि ये एक आपका कोर सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और चाहे कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जामिनेशन हो इससे जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं राइट right? तो हमें हिम्मत रखनी है हमें एक अपना मोटिव बनाना है कि हम पूरा कवर अप करेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे सीपीसी और इससे भागेंगे नहीं और डरेंगे नहीं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन दिस सब्जेक्ट एज इजी एज पॉसिबल राइट तो देखो प्रोसीजरल लॉ है सिविल सूट के रिस्पेक्ट में वी नो राइट्स जो हैं uh, है हमें सब्सैंटिव लीगल राइट्स देता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताता है पार्टीज के वेयर एज प्रोसीजर जो है हमें हेल्प करता है उन्हीं सब्सटैंडिव लॉ के जो दिए हुए राइट्स हैं उनको एनफोर्स करने में अ वेरी गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग मनीष जी टारगेट अवेरी गुड इवनिंग नगेंद्र चौहान गुड इवनिंग चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले सेक्शन से जो बात करता है इन आ, आपकी एप्लीकेबिलिटी की राइट तो सेक्शन वन में क्या बताया शॉर्ट टाइटल कमेंस और एक्सटेंड इसका क्या होगा अब देखो इस सी को उसका नाम क्या होगा कहां तक ये एक्सटेंड होगा क्या कमेंसमेंट किस दिन ये आया था किस दिन ये एप्लीकेबल हुआ था ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे सेक्शन वन में तो सबसे पहले बताया कि भाई इस किताब का इस एक्ट का क्या नाम है सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन जीरो एट राइट right. क्या नाम है इसका दिस एक्ट जब भी हम अपने राइटिंग करते हैं राइट right? तो जब हम पहला आंसर आंसर लिखने लगे आप सीपीसी का आंसर आपने लिखा मानो तो वहां पे आप अगर मान लो सेक्शन नाइन से कोई क्वेश्चन आया है तो आप आंसर में पहली लाइन में सेक्शन नाइन सीपीसी नहीं लिखते हो आपको लिखना होता है सेक्शन नाइन सेक्शन की भी पूरी शॉर्ट में नहीं लिखना होता सेक्शन नाइन सिविल प्रोसीजर कोड पूरा लिखना होता है सिविल प्रोसीजर कोड हेर एंड आफ्टर सीपीसी और उसके बाद पूरे आंसर में आप जब भी सीपीसी को रेफर करोगे जब भी सेक्शन नंबर को रेफर करोगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ सीपीसी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे हेर आफ्टर की जगह यूज कर लो CPC, तो आप बता दोगे एग्जामिनर को कि आगे अब मैं आंसर में जब भी यूज करूंगा कोई सेक्शन नंबर तो मैं सीपीसी शॉर्ट में लिखूंगा पूरा बार बार सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लिखना होता तो आंसर राइटिंग में ध्यान रखना प्रैक्टिस भी करो तो भी एक हैबिट बना लो कि जब भी कोई रेफर कर रहे हो पहली बार रेफर कर रहे हो तो पूरा लिखना होता है सिविल

तो किस दिन फोर्स में आया ये फर्स्ट जनवरी अब डेट के के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो आप एक काम कर सकते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एक लिस्ट बना लो कि भाई जनवरी के महीने में कौन से कौन से एक्ट आपके एनफोर्स हुए मार्च में कौन से कौन से इन्फोर्स हुए अप्रैल में कौन से इन्फोर्स हुए सेप्टेम्बर में कौन से इन्फोर्स हुए एक लिस्ट बना के जहां भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे स्टिक कर लो आप जब भी उठते बैठते उसको देखोगे आपको याद हो जाएगा इन्फोर्समेंट हर सब्जेक्ट का मोरोलेस राइट तो यहाँ पे सीपीसी का एन्फोर्समेंट डेट क्या

नहीं होता है अब आगे ही इसके रिस्पेक्ट में बताया तो प्रोवाइडेड कर सकता है नागालैंड स्टेट में और आपके ट्राइबल एरियाज में राइट और साथ में एक्सप्लेनेशन में क्या डिक्लेयर किया यहाँ पे जो ये ट्राइबल एरिया है इसका क्या मतलब है तो ट्राइबल एरिया का मतलब ये है कि जो आपका 21 जनवरी से पहले जो एरियाज आपके इंक्लूड किए गए थे ट्राइबल एरिया ऑफ असम में उसको आप क्या कर जो है आपके स्केड्स में ठीक है schedule, uh, schedule 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपका वो एरियाज आपके जो है ट्राइबल एरियाज कहलाएंगे उसका रेफरेंस दे दिया यहाँ पे स्केडूल सिक्स में जो इस तारीख से पहले जो एरियाज इंक्लूड किए थे आसाम में वो आपके ट्राइबल एरियाज होंगे राइट नाउ मूविंग अहेड क्लॉज क्या कह रहा है इन रिलेशन टू दीज आईलैंड विशाखापट्टनम एजेंसीज और इन सारी चीज़ों में ईस्ट गो गोदावरी वेस्ट गोदावरी इन सारे एरियाज के रिस्पेक्ट में कहता है कि यहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल होगा लेकिन अगर मान लो इन एरियाज में ये जो एजेंसीज हैं विशाखापट्टनम एजेंसीज हो गई ईस्ट वेस्ट गोदावरी हो गई

अब ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहां पे आप देखो चाहे कोई भी स्टेट जुडिशरी का पेपर हो कोई भी स्टेट जुडिशरी का वहां पे आप देखना डिक्री से एकaat क्वेश्चन तो आया हुआ होता है ठीक है प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि डिक्री में क्या इंक्लूड होता है डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता है इस पे एक क्वेश्चन आया होता है तो ध्यान रखना

राइट नाउ मे बी आई दिलिमिनरी और फाइनल इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेन एंड द डिटरमिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 144 जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑर्डर्स की राइट right? तो यहां पे ये समझ में आया कि डिक्री क्या है देखो डिक्री क्या है डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी एजुडिकेशन का जो कोर्ट एक्सप्रेस कर रही है किस रिस्पेक्ट में जो मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी है उसके रिस्पेक्ट में राइट्स एंड लाइबिलिटीज राइट्स को पार्टीज के कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है क्या चीज इंक्लूड होती है इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेन जो आपका ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में दे रखा है

ठीक है ये आपका अपील फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर और जहां पे कोई ऑर्डर जो है डिसमिस हो रहा है फॉर डिफॉल्ट दीज आर नॉट डिक्री डिक्री तो आप एक बार को देखो अगर मैं यहां पे लिखूं कि डिक्री में क्या क्या आ जाएगा सबसे पहले यहां पे आएगा, आएगा आपका ये हो सकता है पार्टली इट कैन बी पार्टली पार्टली डिक्री और पार्टली uh, फाइनल और पार्टली ठीक है पार्टली फाइनल साथ में यहाँ पे ऑर्डर जो सेक्शन 144 में आ रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेट ऑर्डर सेवन रूल इलेवन ये सब क्या है डिक्री है ठीक है जहां पे फॉर्मली एक्सप्रेस कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है राइट्स या फिर वो पिलीमरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है नाउ अगर आप एक बार वर्ड्स को देखो यहाँ पे तो डिक्री में सारी चीजें आ रही हैं नाउ विल बी एक्सप्लेनिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट वन बाय वन पार्टली पिलीमरी आपका ये पिलीमरी और फाइनल का क्या मतलब है

अब आगे देखो ये प्रमरी हो गया समझ में आ गया फाइनल समझ में आ गया आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप अगर ये ये बेसिक बात समझ में आई इन रिस्पेक्ट ऑफ डिग्री आई एम फाइन आई एम फाइन तिवारी जी आई एम वेरी गुड ओके okay, आयुष चलो आगे देखते हैं इसमें आगे एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है ये दोनों चीजें आपकी डिक्री नहीं होंगी अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और साथ में डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट आपका डिक्री नहीं मानी जाती है और यही आपसे प्रिलिम्स में पूछा जाता है कि डिक्री की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है और क्या चीज एक्सक्लूड कर रखी है तो यहाँ क्लियरली मैंशन कर रखा है कि आपका जो अपील होगा फ्रॉम दी ऑर्डर और साथ में डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट अगर इस पे कोई कोई ऑर्डर आया है जो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है तो उस केस में आपका वो डिक्री नहीं माना जाएगा अब एक एक्सप्लेनेशन इसमें जो एड किया है वो कह रहा है डिक्री फिल्म री वेन दी फर्दर प्रोसीडिंग है

मान लो कि ए और बी के बीच में कोई सूट हुआ है ठीक है अब ए और बी के बीच में सूट हुआ है किसी लैंड को लेकर ठीक है किसी लैंड को लेकर अब यहाँ पे मान लो अगर ओनरशिप टाइटल को लेकर टाइटल को लेकर कोर्ट ने जो है डिसाइड कर दिया है और अभी इससे जो रेंट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिसाइड नहीं हुआ है एक जो इंपॉर्टेंट इशू था वो डिस्कस डिसाइड कर दिया है डिटाइन कर दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइटल राइट तो उस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो पार्टली प्रेनिमरी और पार्टली पार्टली फाइनल क्लियर नाउ मूविंग अहेड थर्ड देखो uh, जो आपका डेफिनेशन में टू

ऑन दी गवर्नमेंट प्लीडर एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट प्लीडर या कोई भी जो है गवर्नमेंट प्लीडर के अंडर एक्ट uh, कर रहा है उसके डायरेक्शन पे एड कर रहा है एक्ट कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे गवर्नमेंट

जहां पे रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ लीडर्स के बारे में बता रखा है तो वहां से और इस डेफिनेशन क्लॉज से जो है क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पे गवर्नमेंट लीडर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट लीडर की क्या डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे राइट नाउ मूविंग अहेड आगे देखो जजमेंट का क्या मतलब है टू नाइन में बता रखा है जजमेंट का क्या मतलब है तो ये कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट

इन केस ऑफ डिग्री होल्डर उसका पार्टी टू द सूट होना कोई बहुत जरूरी नहीं है राइट नाउ एनी पर्सन अगेंस्ट हैज बीन पास जिसके खिलाफ डिग्री आई है उसको हम क्या बोल रहे हैं

जो मेरे लीगल हायर्स हैं, वो मेरी प्रॉपर्टी को मेरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है राइट लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज सिंपल एज दैट अब यहाँ पे जो ये वर्ड इंटरमीडियल्स यूज किया गया है अब इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ कंफ्यूजन होता है कि भाई इंटरमीडियल्स का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैं हूँ और मेरी डॉटर या मेरा सन है ठीक है तो ग्रांड फादर ग्रांड फादर की प्रॉपर्टी का मैं अगर बीच में भी हूं और मेरा सन है तो उसको भी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहोगे ठीक है तो दैट उसके बीच में जो लोग आ रहे हैं वो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो e को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर नाउ मूविंग अहेड मीन्स प्रॉफिट अब देखो मींस ने प्रॉफिट कोई बोलता है इसको कोई मीन्स प्रॉफिट बोलता है द करेक्ट वर्ड इज मीन्स प्रॉफिट राइट अब मीन्स प्रॉफिट का क्या मतलब है इसको इसको पढ़ने से पहले आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद एन अब समझो कि ए और बी है ठीक है ए और बी है और इनके पास ए जो है इस लैंड का ओनर है इस पर्टिकुलर लैंड का ओनर कौन है ए है ओनर राइट right. अब बी ने क्या किया ए से बाय फोर्स जबरदस्ती बाय फोर्स जो है इसका पोजेशन ले लिया इस लैंड का इस लैंड का पोजेशन ले लिया क्लियर ए और बी Uh, के, के, की बात हो रही है इनके दोनों बीच की बात हो रही है ए की A जो है उसके पास मालिकाना हक है इस लैंड का वो ओनर है अब बी ने ए से छीन के मतलब फोर्स से ठीक है फोर्सफुली इस लैंड का पोजेशन ले लिया अब पोजेशन लेने के बाद बी ने इस पे खेती कर ली फार्मिंग कर ली और फार्मिंग से मान लो पचास हजार रुपए का फायदा हुआ उसे पचास हजार उसने कमाए ठीक है रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज उसने जो है फार्मि फार्मिंग से अर्न किए इस लैंड से जो उसने रॉन्गफुली पोजेशन से रॉन्गफुली पोजेशन में है बी उसके छीन झपट के मारपीट के ऐसे उसने पोजेशन लिया है इस लैंड का तो जो ये प्रॉफिट रिसीव हुआ ना ये जो प्रॉफिट आया पचास हजार रुपए का इस फार्मिंग से रॉन्गफुली पोजेस करके इस लैंड को वो क्या हुआ आपका मीन्स प्रॉफिट हुआ

एनी वन आउट ऑफ यू कैन चेल मी अगर कोई भी अगर बिल्डिंग बनाता है या कोई इंप्रूवमेंट करता है तो क्या वो आपका होगा आयुष नो ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस बेस्ट क्रिएटर टारगेट वेरी नाइस करेक्ट आंसर अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो तो उसको आप मीन्स प्रॉफिट नहीं करोगे ठीक है इम्प्रूवमेंट करने के बाद कोई प्रॉफिट आता है तो उसको आप मीन प्रॉफिट नहीं कहते हो राइट right. एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई नाउ यू रीड आउट सेक्शन पढ़ के देखो सेक्शन आराम से समझ में आएगा इसका ओनर है राइट एक्चुअली रिसीव और माइट विदिनिजेंस है इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट सिर्फ पचास हजार नहीं इसके साथ इसका इंटरेस्ट भी आप उसको क्या कहोगे इसके इंटरेस्ट को भी क्या कहोगे मीन प्रॉफिट कहोगे बट शेल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट मेड द पर्सन इन दी रॉन्ग क्लियर आई होप होप समझ में आया आपको ये प्रॉफिट का। अगर so समझ में आया कि मीन्स प्रॉफिट होता क्या है। इज क्लियर चलो ओके चलो आगे देखो अब एक बार जो क्वेश्चन आया है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ योर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और डिक्री ठीक है तो ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस बता देती हूँ मैं एक बार ऑर्डर और डिक्री ऑर्डर आपका दे रखा है टू फोर्टीन में ठीक है डिक्री दे रखा है आपका टू टू में राइट ऑर्डर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं दे कैन बी मेनी ऑर्डर्स बट डिक्री एक ही आती है बट जहां पे आपने ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन ऐड कर रखे हैं वहां सेवरल डिक्रीज भी आ सकती हैं बट जनरल रूल क्या है एक ही डिक्री आती है राइट right. यहां पे आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्री एक ही डिक्री आती है यहां पे बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं ये आपका क्योंकि uh, ये इसमें जो है सिर्फ सूट होता है ठीक है डिक्री आती है ओनली इन सूट बट यहां पे ऑर्डर आता है सूट या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स में भी दूसरी प्रोसीडिंग्स में भी और अदर प्रोसीडिंग्स में भी क्लियर यहां पे ऑर्डर में आपका बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं आपका ठीक है एक केस में यहां पे कह रहा है एक ही डिग्री आती है डिग्री जो है है सिर्फ सूट में आती ध्यान रखना वर्ड सूट यूज हुआ है वहां पे यहाँ पे कह रहा है सूट सिविल प्रोसीडिंग्स में भी आ सकती है ऑर्डर ऑर्डर uh, जो है आपका सूट में भी आता है सिविल प्रोसीडिंग अदर सिविल प्रोसीडिंग्स में भी आती हैं दूसरा आपका यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये अपीलेबल होते हैं तब जब आपका अपीलेबल uh, होते हैं वेन जब आपका अलाउड होता है ऑर्डर फोर्टी थ्री में रूल वन के हिसाब से और दूसरा सेक्शन वन नॉट फोर के हिसाब सेक्शन वन नॉट फोर के हिसाब से राइट right? तो इस ये आपके तब अपीलेबल होते हैं क्लियर तो ये बेसिक थोड़ा सा छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ योर ऑर्डर और योर

अब यहाँ पे एक कॉमा है क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सबोर्डिनेट होगा, होगा उसके आएगा, होगा, राइट। सी बात सब पता है।, code, code, ठीक है अब यहाँ पे वर्ड एंड यूज हुआ है एंड वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो भी इन्फीरियर कोर्ट होंगे और जो आपका स्मॉल कोजेस कोर्ट होगा वो आपका सबॉर्डिनेट होगा हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ठीक है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मतलब इन दोनों के एंड प्लस इन दोनों के सबॉर्डिनेट होगा वो क्लियर प्रिलियम्स में पूछ लेता है आपका कि आपका स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है

ियल जोशन अभी जो होता है आपका टेरिटोरियल जोशन बता रखा है सेक्शन सिक्सटीन टू सेक्शन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री एक अलग और ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव अलग जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बता रखा है क्लियर

और कोट ई ठीक है अब ये मान लो चार पांच कोर्ट है ठीक है पांच कोट है अब यहाँ पे पहले पहले इस सेक्शन को पढ़ने से पहले भी एक बैकड्रॉप दे रही हूं कि का मतलब क्या होता है आपका अब मान लो ए और बी के बीच में कोई सूट है आपका ए और बी के बीच में सूट है आपका ठीक है अब हर सूट में एक सब्जेक्ट मैटर होता है कोई चीज इन्वॉल्व होती है उसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मान लो या कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है सूट का राइट तो अब यहाँ पे देखो एक बार कि मान लो ए और बी के बीच में जो सूट है और सूट का कोई सब्जेक्ट मैटर होगा कोई सब्जेक्ट मैटर होगा सूट में कोई वैल्यूएशन होगी सूट की भाई कितने वैल्यू का वो सूट है मान लो जो ए और बी के बीच में जो सूट है वो है आपका छह लाख रुपए का इस सूट की वैल्यू वैल्यूएशन क्या निकाली है हमने छह लाख रुपए निकाली है अब यहाँ पे कोट ए बी सी ई ठीक है कोर्ट ए के पास पावर है कि वो एक से तीन लाख रुपए तक का केस देखेगी कोर्ट बी के पास है चार से लाख का, ठीक है कोर्ट सी सी के पास है छह से uh, सात लाख का फॉर एग्जाम्पल एंड सो ऑन ठीक है तो हमारा जो ये केस है हमारा जो ये सूट है वो छह लाख का है तो कौन से कोर्ट में जाएगा एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कौन से कोर्ट में जाएगा ये हमारा जो ए और बी के बीच में जो सूट है जिसकी वैल्यूएशन छह लाख है तो वो कौन से कोर्ट में जाएगा कोर्ट ए कोर्ट बी कोर्ट सी या कोर्ट डी डी में मान लो सात से आठ है और नौ में मान लो आठ से दस है दस लाख तक का ई कोर्ट तक देख सकता है तो आयुष वेरी करेक्ट सी में जाएगा भाई क्योंकि सी में कह रहा है छह से सात लाख तक का है आयुष व्हाट यू सेड सी कोर्ट में जाएगा ओके आई टेल यू वेदर इट इज रॉन्ग और राइट अब देखो यहाँ पे अगर आप सेक्शन सिक्स को रेड आउट करोगे विद सेक्शन तो वो कहता है वो चार से छह तक के मसले सॉल्व कर रहा है चार से छह लाख तक का सब्जेक्ट मैटर का suit, dispute, कर रहा है कोर्ट बी और ये कोर्ट आपका लोअर्स ग्रेट इंफीरियर भी है तो कहा जाएगा आपका बी में जाएगा

आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी important है और सेक्शन नाइन को समझने के लिए ये बेसिकली बात कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्यूरजिक्शन ठीक है इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्यूरिजिक्शन आराम से समझेंगे सेक्शन को इंपॉर्टेंट है मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है पहली बात तो क्या कह रहा है सबसे पहले हेड नोट देखो क्या कहता है टू ट्राई ऑल ऑल सूट अनलेस सिविल सूट अनलेस बार्ड ठीक है कोर्ट ट्राई करेगा आपका सारे सिविल सूट जब तक वो बार नहीं हो जाते अनलेस इट इज बार अगर वो बार है तो आपका सीपीसी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बार नहीं है तो यहां पे कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी ड्यूटी लगाई है कि वो जो है सारे सूट ऑफ सिविल नेचर को एंटरटेन करे राइट सेक्शन नाइन जो है आपका उसको गेट ऑफ सीपीसी भी कहा जाता है गेट ऑफ सीपीसी ठीक है अब गेटवे ऑफ सीपीसी क्यों कहा जाता है एक्सप्लेन यू सबसे पहले एक बार यहाँ पे लैंग्वेज देखो कि द कोर्ट शैल अब ये जो शैल वर्ड है इससे मैंडेटरी हो गया है कोर्ट पे इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ठीक है यहाँ पे ड्यूटी कास्ट कर दी है कोर्ट के ऊपर ठीक तो द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू दोविजन हेर एंड कंटेन ठीक है जो प्रोविजन यहाँ पे जो सेक्शन 9 में दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर ठीक है कि यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि वो ट्राई करे सारे सूट जिसका नेचर क्या है सिविल है जिसका नेचर आपका सिविल है सिविल नेचर के सारे सूट कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है कि वो ट्राई करे इसका मतलब कि पार्टीज को, को राइट दे दिया कि भाई आपके पास अधिकार है कि आप जो है अपने, सूट, अपने सिविल सूट फाइल कर सकते हो राइट नाउ एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली बार अब ये कह रहा है कि उन पे ये सी सेक्शन नाइन एप्लीकेबल नहीं होगा उन प्रोविजन पे जिस पे आपका एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार है अब एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली का मतलब क्या है एक्सप्रेसली मतलब मान लो रेंट अब रेंट एंड रेवेन्यू के मसले क्या होते हैं आपके सिविल नेचर के होते हैं बट देन वी हैव रेंट अकोमोडेशन एक्ट ठीक है रेंट का एक्ट होता है हर स्टेट का अपना अपना रेंट एक्ट होता है रेवेन्यू कोड होते हैं आपके ठीक है अकोमोडेशन एक्ट होता है रेवेन्यू कोड होते हैं या अलग अलग स्टेट के अपने अपने होते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब एक्सप्रेसली बार कर रखा है उन मसलों में इवन दो रेंट और रेवेन्यू का मसला सिविल नेचर का है बट यहाँ पे एक्सप्रेसली बार कर रखा है इसको सीपीसी में यहाँ पे कहा कि भाई रेंट एक्ट की अथॉरिटीज देखेंगी उसको क्लियर एक बात क्लियर हुई ऐसे ही आपका इनकम टैक्स इनकम टैक्स के मसले ठीक है इनकम टैक्स के मसले इनकम टैक्स इनकम टैक्स ट्राइबूनल ही देखती हैं तो सिमिलरली जिस पे आपका एक्सप्रेसली बाढ़ है उस पे सेक्शन नाइन एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर सीपीसी नहीं होगा आप उस उसमें नहीं आओगे आप उस ट्राइबल में जाओगे आप उस कोर्ट में जाओगे क्लियर इट्स इट्स ओके इट्स ओके रितिका यू कैन सी इट अभी कंटिन्यू उसके बाद यू कैन सी दी लेटर पार्ट ठीक है पीछे वाला जो रह गया है आपका कोई बात नहीं अभी देखो एक्सप्रेसली बार मतलब

आई होप इट इज क्लियर सो दैट वी कैन मूव अहिट गिव्या अगर ये बिल्कुल समझ में आया सेक्शन नाइन का इंट्रो पार्ट एक पहरा पहरा ग्राफ समझ में आया हो तो गिव्याप कम ऑन फटाफट ओके चलो ठीक है अब एक्सप्लेनेशन इसमें देखो दो एक्सप्लेनेशन एड किए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है यहां पर क्या बता रहा है द्वारा आपको क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अ सूट इन विच अ राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी सूट है जिसमें राइट इन्वॉल्व है इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट प्रॉपर्टी और इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिस तो उसको उस सूट को आप क्या कहोगे उस सूट को आप कहोगे सूट ऑफ सिविल नेचर उसको क्या कहोगे सूट ऑफ सिविल नेचर

Religious rites or ceremonies. और यहाँ पे दूसरी चीज क्या बताइए आपके एक्सप्लेनेशन वन के कंटिन्यूएशन में ही है आगे कह रहा है कि for the purpose of this section, it is immaterial कि फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन इट इज उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है या वो कौन से प्लेस पे आपके सिचुएटेड है इट इज इमीरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच टू ऑफिस रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन वन जो भी ऑफिस यहाँ पे रेफर किया है ठीक है जो भी ऑफिस यहाँ पे रेफर किया है क्या उस ऑफिस से कोई फीस अटैच है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज एम वो एम है राइट right? पर्टिकुलर प्लेस और नॉट की जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस ठीक है अगर उसमें इन्वॉल्व है ये राइट right आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी और योर ऑफिस तो वो सूट कैसा होगा उसको हम आप सिविल नेचर का मानोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

अब एक एक्साम्पल से समझो इसको कि जो एक्सप्लेनेशन नंबर एक्सप्लेनेशन नंबर टू को ही आगे फर्दर एक्साम्पल से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक्सप्लेनेशन नंबर वन दर मेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफिस ठीक है एक्सप्लेनेशन नंबर वन में प्रॉपर्टी और ऑफिस के रिस्पेक्ट में बात हुई कि भाई अगर कोई भी राइट right, कोई ऐसा सूट है जिसमें आपका राइट right इन्वॉल्व है किसी प्रॉपर्टी या ऑफिस में वो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन नंबर टू ही कहता है कि अगर कोई फीस या कोई सैलरी अगर रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है

नेचर तो आपका वो सूट क्या माना जाएगा सिविल नेचर का माना जाएगा द रीजन बीइंग यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व है ठीक है तो हमारा कंसर्न क्या है हमारा कंसर्न अगर आप एक्सप्लेनेशन समझो कि अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई ऑफिस की बात हो रही है जिसमें कोई राइट right आपका इन्वॉल्व है सूट में तो उस केस में आपको देखना है कि क्या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व है या नहीं राइट अगर है तो वो सूट और सिविल नेचर है

अब एक बात, से, यहां कहीं पे भी रेसुडाइज वर्ड यूज नहीं हुआ है याद करते हैं है? है. पे, कहीं पे भी हेडनोट में ये वर्ड यूज नहीं हुआ है तो जब भी प्रिलिम्स में सेक्शन टेन की बात करें और रेस सब्जुडाइज और स्टे ऑफ सूट ऑप्शन में हो तो क्या मार्क करके आओगे आप स्टे ऑफ सूट

उसमें पार्टीज आपकी सेम है सब्जेक्ट मैटर आपका सेम है सेम सब्जेक्ट मैटर है टाइटल सेम है कॉज ऑफ एक्शन सेम है सब कुछ सेम है नाउ व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन आई वुड लाइक टू टेल यू कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है

पेंडिंग होता है तो यहाँ पे कोर्ट जो है बार करती है सबसिक्वेंट सूट को जब कोई प्रीवियस सूट आपका किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट सूट उसी चीज को लेके सेम पार्टी सेम टाइटल को लेके दूसरे कोर्ट में आपका ट्रायल बार है अब यहाँ पे बहुत क्लियर कहा है कि ट्रायल बार है अगर वो सेम सूट सब्सिक्वेंट सूट में इंस्टीट्यूट होने जाता है तो इंस्टीट्यूशन पे बार नहीं है ट्रायल पे बार है नाउ यू सी सेक्शन टेन क्या कहता है सेक्शन टेन के रिस्पेक्ट में नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद ट्रायल ऑफ एनी सूट विच इन विच द दैटर इन इशू मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सबस्टेंशली द सेम

पेंडिंग है पहले वाले प्रायर जो आपका प्रीवियस सूट है वो पेंडिंग है अभी उसको पर कोई राइट्स एडजुडिकेट नहीं किए गए हैं पार्टी के अब वही पार्टी सेम चीज को लेके दूसरे कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर देती है तो उस केस में आपका सबरेस सबजडाइज लग जाता है मतलब स्टे कर दिया जाता है सूट जो है यहाँ पे ट्रायल को स्टे कर दिया जाता है कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा उसको रोक दिया जाता है राइट ये तो हो गया आपका सेक्शन 10 क्शन इलेवन तो यहाँ पे क्या कह रहा है ना यह ऑलरेडी फाइनली डिसाइड हो चुका है फाइनली डिसाइडेड जो रेजुडिकाटा में क्या होता है कि वो मैटर जो है आपका पहले डिसाइड हो चुका है और उसके बाद वो ऑलरेडी पार्टीज के राइट कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुके हैं

सबसिक्वेंट सूट आपका बार होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेजुडिकाटा ठीक है बार होता है रेजुडिकाटा में ठीक है प्रिंसिपल ऑफ रेजुडिकाटा वहां पे एप्लीकेबल होता है आई होप इट इज क्लियर ओके चलो आगे देखो ये समझ में आया कि सेक्शन टेन में भाई सेम पार्टीज हैं और वहां पे सेक्शन टेन में सूट पेंडिंग है उस मैटर को एडजुडिकेट नहीं किया है अभी तक कोर्ट ने और आप दोबारा सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर और टाइटल को लेके दूसरा सूट ला रही हैं तो क्या होगा दोबारा में, में हो हो आप सूट ला रहे हो तो उसपे किसका नाउ लेट्स सी आपका सेक्शन जो है टेन क्या कह रहा है आगे ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है जो प्रम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है आ, इसमें प्रिलेम से पूछ लिया जाता है दैट इज अगर मान लो कोई मैटर आपका पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में और अगर आप उसका सब्सिक्वेंट सूट लाते हो इंडिया में तो वहां पे सेक्शन 10 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी ये बात बहुत क्लियर आपके एक्सप्लेनेशन में कह दी क्या कहता है कि अगर कोई पेंडेंसी है सूट की फॉरेन कोर्ट में

जो मेजर डिफरेंस है वो ये कह रहा है नॉट ओनली बारिंग दी ट्रायल ट्रायल कोई सिर्फ बार नहीं कर रहा है बट साथ में अगर मान लो किसी प्रीवियस सूट में जो एडजुडिकेट किया है मैटर उसमें कोई इशू भी डिसाइड हो चुका है तो उस इशू पे भी बार है

Uh, to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided. जो ऑलरेडी सुन चुके हो उसको डिसाइड कर चुके हो तो उसका ना ट्रायल होगा और कोई इश्यू अगर पहले ही डिसाइड हो चुका है तो उसका उसको दोबारा नहीं लिया जाएगा उस पर बार होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ का क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ इसमें उसमें जो दे रखे हैं जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं वो कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर वन कि फॉर्मर सूट क्या होता है तो फॉर्मर सूट ये नहीं है कि आपने पहले इंस्टीट्यूट किया फिर आपका सूट बाद में आया तो वो पहले जो इंस्टीट्यूट हुआ है वो होगा इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है डिसीजन से मतलब है जो जो सूट आपका पहले डिसाइड हो जाएगा उसको आप क्या कहोगे फॉर्मर सूट कहोगे क्लियर तो एक्सप्रेशन फॉर्मर डिसाइडेड प्रायर जो सूट आपका पहले डिसाइड हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंस्टीट्यूट कब हुआ है ठीक है मान लो अगर आपका कोई सूट है मान लो आपका कोई सूट है uh, suppose, सूट बी ठीक अब ये दो सूट हैं ये आपका इंस्टीट्यूट हुआ एक मार्च को और डिसाइड हुआ एक अप्रैल को सपोज फॉर एग्जांपल ठीक है ये इंस्टीट्यूट हुआ आपका एक फरवरी को और ये डिसाइड हुआ आपका मान लो आपका एक अगस्त को तो फॉर्मर सूट कौन सा होगा फॉर्मर सूट कौन सा होगा जो आपका पहले डिसाइड हुआ है ठीक है आपका पहले डिसाइड हुआ ये इंस्टीट्यूट फेब्रवरी में बेशक हो गया था बट ये डिसाइड कब हुआ है एक अगस्त को ये इंस्टीट्यूट बाद में हुआ है लेकिन डिसाइड कब हुआ है अप्रैल को तो किसको कहोगे जो डिसाइड हुआ है डिसीजन पर डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक्सप्लेनेशन में बहुत क्लियरली बता रखा है क्लियर नाउ एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि कॉम्पिटेंसी देखो दोनों सेक्शन में

ठीक है कि क्या राइट 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 कोई प्रोविजन है ऑफ ऑफ अपील फ्रॉम डिसीजन कोर्ट या नहीं इस नहीं इससे फर्क पड़ता इस चीज पे डिटरमाइन एक साथ ही मैं बता देती हूं। थर्ड को हम कहते हैं डायरेक्ट रेज्यूडिकाटा और सेक्शन एक्सप्लेनेशन uh, 4 को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा राइट अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी वर्ड कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा लिखा नहीं है बट बाई इम्प्लीकेशन ऑफ दीज वर्ड वी से एक्सप्लेनेशन को कंस्ट्रक्टिव राइट अब देखो क्या कह रहा है आपका ये इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिव दिसाटा और आपका एक एग्जाम्पल uh, से समझो क्या कहता है देखो मान लो एक सूट है आपका ठीक है एक सूट है ये सूट है और ये एक लैंड भी है लैंड के रिस्पेक्ट में है इमोविल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सूट है ठीक है सूट हुआ है ए और बी के बीच में ठीक है दो पार्टीज हैं यहाँ पे ए और बी उनके बीच में ये सूट है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है अब यहाँ पे ए ने कोर्ट में कहा कि मैं ओनर हूं अपना टाइटल ओनरशिप पे बताया उसने कि भाई मुझे इस लैंड का पोजेशन इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इस लैंड का ओनर हूं क्लियर ये है अब सूट केस ने वो सूट आपका डिसमिस कर दिया कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया बोले वो अपनी ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाया ठीक से और कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया खारिज कर दिया बोले खत्म नहीं तुम नहीं ओनर हो क्योंकि तुम ढंग से प्रूव नहीं कर पाए इस बात को नाउ अब एक ग्राउंड और है इसके पास क्योंकि ये बारह सालों से है उस पर तो उसके पास एडवर्स पोजिशन का भी केस आ, मतलब ग्राउंड है तो क्या यहाँ पे ए जो है एक दूसरा सूट ला सकता है ये कहते हुए कि नहीं भाई मेरे पास एडवर्स पोजीशन का भी ग्राउंड है इस पर्टिकुलर लैंड के पोजीशन को लेने के लिए अब यहाँ पे जो मैटर आप जो है रेस कर सकते थे यहाँ पे इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं माइट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ माइट एंड ऑट जो आप रेस कर सकते थे और आपने रेज नहीं किया तो बाद में आप उस इशू को लेके नहीं आ सकते आप उस चीज को लेके नहीं आ सकते कोर्ट में अब ओनरशिप तो रिजेक्ट किया तो वहां ला सकता था वो रेज कर सकता था माइट पे अपनी ओनरशिप प्रूफ करना तो यहाँ पे ये दोबारा नहीं ला सकता और इसको हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा ठीक है इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा कि वो रेज कर सकता था वो ऐसे कोई ग्राउंड जो आप रेज कर सकते थे वो आपको पता था और आपने रेज नहीं किया तो वहां पे आप दोबारा नया सूट नहीं ला सकते ठीक है वहां पे बार लगेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ रेजुडिकाटा उसको हम कहते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा क्लियर अ वेरी नाइस सेफी नहीं ला सकता

से आपका एक्सप्लेनेशन सिक्स बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की ठीक है रिप्रेजेंटेटिव सूट पे आपका रेज्यूडी काटा लगता है रिप्रेजेंटेटिव सूट पे आपका रेज्यूडी काटा लगता है और रिप्रेजेंटेटिव सूट दे रखा है आपका ऑर्डर वन रूल एट में जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं उनका एक common interest होता है 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 तो तो उसमें से कुछ लोग जो है, represent करते हैं हैं उस सूट को on behalf of all, right? तो उसको हम कहते में में दे रखा है इसके बारे में, और साथ में इस पे जो है आपके रेजिडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है सिमिलरली आपका एक्सप्लेनेशन सेवन जो बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग यहाँ पे ये यह कह रहा है कि execution पे भी

तीसरा है आपका ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल रूल वन और आज का होमवर्क है कि इन चारों को आप देखना और देखना कि किन क्या किन किन बातों में आपसे कहा गया है कि आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते आई वुड टेल यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है राइट तो ये चारों ऑर्डर अभी आप जॉट डाउन कर लो अपनी बेराक में और इनमें देखना कि किन किन ग्राउंड पे आपसे कहा जा रहा है किन किन रूल्स के हिसाब से प्लेटिव को प्रीक्लूड किया जा रहा है कि आप फ्रेश इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेकर क्लियर क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ मूविंग अहेड आगे देखो सेक्शन 13 क्या बात कर रहा है कि व्हेन दी फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव एक जनरल रूल कहता है कि फॉरेन जजमेंट जो है आपका वो कंक्लूसिव माना जाएगा

जहां पे वो प्रोनाउंस नहीं किया गया है कोर्ट ऑफ कम्पिटेंट जोरिस्डिक्शन मतलब ऐसे कोर्ट ने दिया है जजमेंट जो कोर्ट कम्पिटेंट नहीं है मतलब इनकम्पिटेंट है दूसरा कहता है वेर इट हैज बीन इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस जहां पे वो जो है केस के मेरिट्स पे नहीं दिया गया है जजमेंट उस केस में आप उस फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानोगे

अपोज तो करके अगर जजमेंट दिया है तो उसकेस में उस फॉरन जजमेंट को आप कंक्लूसिव नहीं मानोगे और कहता है अगर मान लो जजमेंट आपने ऑप्टेन किया है फ्रॉड से और लास्टली कहता है क्लेम

I need to check out that whether uh, Tripura uh, Judicial Service. I need to check it out. I am not aware of this Tripura Judicial Services. I will let you know soon. I will figure it out and I will uh, let you know soon. Meena, I will let you know. Why don't we have classes in English medium? Okay, uh, because I guess key people are uh, more. Comfortable in English language, that is English and Hindi mix. So that is why it is not purely in English. Majority of uh, majority of students won't understand it. That is why. चलो बैक टू दी क्लास देखो सेक्शन 16 क्या कहता है कि मान लो कोई सूट है और वो सूट रिलेट करता है आपका आपका से तो इस केस में में सूट होगा जहां पे वो जिस की jurisdiction में, वो जिस कोर्ट करेगी right? ये सी बात बताई आपके सेक्शन सिक्सटीन में अब यहाँ पे एक जो ये डी तक दे रखा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है आप भी बना सकते हो अपने लेवल से तो ये आर पी एफ डी टी एम आरपीएफ डी टी एम इन रिस्पेक्ट ऑफ ये कह रहा है रिकवरी ऑफ इमोअल प्रॉपर्टी विद और विदाउट द रेंट और प्रॉफिट ठीक है दैट इज योर आर पार्टीशन ऑफ इमोअल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये कहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा जहां पे पर, that particular property जो है सिचुएट कर रही है, है वहीं पे आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा इन सारे मैटर्स में राइट right? एफ से है फॉर योर फोर क्लोजर सेल रिडमशन इन द केस ऑफ मॉडगेज और चार्ज अपॉन इमोअल प्रॉपर्टी डी से है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन एनी

सेक्शन 17 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट होती है सेवरल डिफरेंट कोर्ट्स में जैसे कि मान लो कोर्ट 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 ए ए ये 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 है 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 बी बी सी सी डी डी राइट अब पे प्रॉपर्टी ये है ठीक है, है. Right. है. प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा उसका पार्ट ए कोर्ट में भी जा रहा है थोड़ा सा पार्ट उसका बी कोर्ट में भी जा रहा है थोड़ा सा सी में भी जा रहा है और थोड़ा सा उसका डी में भी जा रहा है तो कौन सा कोर्ट जो है वो सूट कौन से कोर्ट में सूट जो है इंस्टीट्यूट होगा एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कोर्ट कोर्ट ए बी सी या डी कौन से कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा जहां पे प्रॉपर्टी फॉल फॉल कर कर थोड़ा यहां कर रही है है थोड़ा से यहां कर थोड़ा से यहां कर थोड़ा पार्ट रहा सा यहाँ कर रहा है थोड़ा सा यहाँ कर रहा है थोड़ा सा इस कोर्ट में कर रहा है या थोड़ा सा इस कोर्ट में कर रहा है तो कौन सा कोर्ट जो है कम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए वो सूट एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कम ऑन थैंक यू सेफी एनी कोट, ओके, गुड, वेरी नाइस, किसी में भी ओके okay. किसी में भी, ओके, okay, फाइन चलो ठीक है भाई ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोट ए में ज्यादा हिस्सा आ रहा है या कोट बी में कम हिस्सा आ रहा है या डी में बहुत ज्यादा आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता कि यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो सेक्शन 17 की तो ये कहता है कि एनी कोर्ट ठीक है कोई भी कोर्ट इंटरटेन कर सकता है वो सूट वेयर अर सूट इज ऑप्टेन वेयर आर सूट इज ऑपटेन

Provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by the suit. But provided that ये है कि मान लो आपका suit जो है ये जो A, B, C, D में अलग अलग जगह लाई कर रहा है तो कोई भी suit कोई भी court जो है suit entertain कर सकता है बस provided that ये है कि जो ये entire claim है इस property का जो entire value है इस property की वो A court competent हो try करने के लिए B court competent हो try करने के लिए similarly C and D. Right? ये ध्यान में रखना है Clear? I hope it is clear. Now,

सेफी डिपेंड्स डिपेंड्स इट डियर कि कितने वर्ड्स uh, का वहां पे मांगा जा रहा है बट ऑल दो मांगे जाते हैं mark, कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन है दस नंबर का है आठ नंबर का है सिमिलरली उस हिसाब से हम लिखते हैं राइट right? अगर दस नंबर का है या आठ नंबर का है तो इन एमपी जुडिशरी फॉलो कि भाई आठ नंबर का है तो वी यूज टू राइट अराउंड थ्री हंड्रेड वर्ड्स डाउन दी लाइन ठीक है तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स पे राइट राइट इट डिपेंड्स ऑन दी मार्क्स क्वेश्चन एंड दी मार्क्स राइट चलो बैक सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन जहां पे लोकल लिमिट्स जो है उसकी अनसर्टेन है उसके रिस्पेक्ट में तो यहां पे देखो दो ये जो सेक्शन है लैंग्वेज की

कि दे इज अ ग्राउंड ऑफ एलर्ज अनसर्टिनिटी और उस अल, अलर्जर्टिनिटी अंसर्टि, को वो रिकॉर्ड कर देता है ठीक है मान लो ए बी सी डी कोर्ट है ठीक है और वो अनसर्टेन है कि कौन आ, इसको एंटरटेन करेगा इस पर्टिकुलर इमोबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में राइट right? अब यहाँ पे अगर मान लो कोर्ट ए जो है एंटरटेन कर रहा है वो सूट देख रहा है वो सूट डील कर रहा है उस सूट को और उसको लगता है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है कि अनसर्टेनिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इमोबल प्रॉपर्टी और उसके बाद वो रिकॉर्ड कर देता है स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी तो क्या हो रहा है यहाँ पे

आपका राइट right? पे पे उसने ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन किया किया उस रिस्पेक्ट में में कह रहा है कि कि कोर्ट कोर्ट और कोर्ट आपका आपका अलाउ नहीं करेगा जब 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 तक जब तक वो इस ओपिनियन ना आ जाए कि जो जब किया था सूट आपका, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था अनिटी का uh, ये, ये रिविजनल कोर्ट कि भाई

वे जहाँ पे आपने जो है सूट डाला है कंपनसेशन के लिए

सूट uh, इंस्टीट्यूट करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि देखो ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, ए दिल्ली में रहता है बीट्स बी इन कैलकाटा वो बी को जो है कैलकाटा में मार के आता है ठीक है ए कहाँ रह रहा है दिल्ली में रह रहा है और वो किसको मार के आ रहा है बी को कैलकाटा में मार के आ रहा है तो बी जो है वो सू कर सकता है ए को या तो दिल्ली में या फिर कैलकट में एज सिंपल एज right? बी के पास ऑप्शन है कि वो सू कर सकता है या तो A को कैलका में या डेली में राइट सिमिलरली ए Delhi, पब्लिश इन कैलकटा स्टेटमेंट defamatory टू बी ठीक है ए दिल्ली में रहता है उसने पब्लिश किया है कैलकाटा में एक स्टेटमेंट जो डिफेमेट्री है अगेंस्ट बी बी में इंस्टीट्यूट आइदर इन और इन आइदर इन कैलकटा और इन बी ठीक है कर सकता है वो एक या तो कैलकाटा में या डेली में ये इंपॉर्टेंट है कभी कभी प्रिलियम से पूछ ले जाते हैं राइट बहुत बेसिक सी सिंपल सी बात कही गई है क्लियर नाउ सेक्शन ट्वेंटी किसकी बात कर रहा है कि जिसकी बात आपके सोलह सत्रह अठारह में नहीं हुई ठीक है वो आपका फॉल करता है ट्वेंटी में

At the time of the commencement of the suit, actually or voluntary resides or carry on business, you personally work for gain. Right, a coibi defendant where any of more than one at the time of the commencement of the suit actually or voluntary resides or carry on the business, provided that in such case, either with the leave of the court, uh, either the leave of the court is given or defendant who does not reside or carry on the business or personally work for gone for suit acquaintances in the institution of the Uh, औ, और या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां पे होली और पार्टली अराइज हुआ है ठीक है जह, पे रहता है कैरी करता है अपना वर्क अपना बिजनेस कैरी करता है वहां पे, पे आपका cause of action arise हुआ है वहाँ पे हो है पे हो सकता राइट नाउ सेक्शन ट्वेंटी वन देखो ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट uh, चीज है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्शन

ये कह रहा है कि रिविजनल कोर्ट और एपलेंट कोर्ट आपका ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगा वो तभी अलाउ करेगा जब जब या तो फिर आपने वो ऑब्जेक्शन रेस किया है इन कोर्ट ऑफ ठीक है earliest possible opportunity और दूसरा कहता है जहां इश्यूज आर सेटलमेंट ठीक है उस सेटलमेंट uh, से पहले जब सेटलमेंट हो रहा है तब या फिर अगर ऐसा लगता है कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तभी अलाउ करेगा ऑब्जेक्शन अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा so, ये तो बात हो आपकी प्लेस ऑफ सुइंग के रिस्पेक्ट में यहां बात करता है आपके के रिस्पेक्ट में सेम बात है सेम सेम वर्ड्स यूज हुए हैं है आपके तीनों कि या तो आपने वो ऑब्जेक्शन रेस किया हो कोर्ट कोर्ट ऑफ ऑफ एट फर्स्ट इंस्टेंस ठीक है पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे दूसरा या फिर सेटलमेंट के टाइम पे या सेटलमेंट से पहले आपने वो रेस किया हो वो ऑब्जेक्शन रेस किया और तीसरा या तो कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो तो इन तीनों ग्राउंड्स पे अदरवाइज आपका ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगा कोर्ट uh, या रिविजनल

So, टे, ियल के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में या, रिस्पेक या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अगर लैक कर रहा है तो इन तीनों के ग्राउंड पे आपका रिविजनल याड नहीं कर सकता है मेरली लैक ऑफ जरिजिक्शन के

एंडफेंडेंट वॉज नॉट स्लीपिंग ओवर इज राइट वो सो नहीं रहा था उसने जब सेटलमेंट हो रहा था इश्यूज का उस टाइम पे उससे पहले जो है आपका ये ऑब्जेक्शन रेस कर दिया था ट्रायल कोर्ट में या फिर ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ जोजेक्शन ही जस्टिस ठीक है ऑफ जस्टिस हुआ है राइट right? तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो आपका एपिलेंट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट सेटिसाइड कर सकता है अदरवाइज सेटिसाइड नहीं करेगा नाउ सेक्शन 21 ए जो बात करता है वो बार ऑफ सूट तो सेटिसाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ सूइंग अब यहां पे इन रिस्पेक्ट ऑफ कह रहा है कि भाई बार है सूट पे यहां पे क्या कहता है कि नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिग्री

वन कोर्ट पे आपका सूट जो है एक से ज्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गया है तो यहाँ पे पावर किसको दी गई है ट्रांसफर करने की सूट को अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट के लिए पूछ है, कह रहा है, in courts, in court, कोई भी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू दी अदर पार्टी इसको हम फोरम कन्वीनियंस भी कहते हैं इसको हम कन्वीनियंस भी कहते हैं ठीक है

ठीक है, बेसिक सी बात बताई यहाँ पे बेसिकली फोरम right? तो कहता है कि जहां पे पे आपका institute हो सकता है, 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 एक से ज़्यादा में, right? suit institute हुआ, तो वहां पे defendant जो जो कोई भी defendant जो है, notice देने के बाद दूसरी पार्टी को एक एप्लीकेशन लगा सकता है एज अर्ट एज पॉसिबल ठीक है एज अर्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे या फिर इन ऑल केसेस जहाँ पे आपके इश्यूज सेटल हुए अप्लाई कर सकता है ट्रांसफर करने के लिए सूट दूसरे कोर्ट को ठीक है और फिर कोर्ट क्या करेगी जब उसके पास वो एप्लीकेशन आएगी तो अपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे दोनों पार्टीज के अगर कोई ऑब्जेक्शन है दूसरी पार्टी कोई ऑब्जेक्शन रेस करती है उस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तो उसको डिटरमाइन करके डिसाइड कर देगी कौन सा सूट उसको कौन सा कोर्ट उस सूट को सुनेगा क्लियर

बट इट इज इनकन्वीनियंट फॉर दी डिफेंडेंट बट ये जो है इनकन्वीनियंट है डिफेंडेंट के लिए डिफेंडेंट चाहता है कि नहीं प्लेस ऑफ वर्क पे ना हो प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे हो ठीक है डिफेंडेंट चाहता है कि उसका सूट फाइल हो एट एनी प्लेस एनी अदर प्लेस प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे या फिर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस uh, पे, 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 पे सेक्शन तो तो 22 की एप्लीकेबिलिटी कि भाई डिफेंडेंट जो है क्या रेमेडी है उसके पास वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसका सूट जो है ट्रांसफर कर दिया जाए एक्स से या तो वाई में या फिर जेड में जहां पे भी वो कन्वीनियंट है इसी को हम कहते हैं आपका फोरम कन्वीनियंस

Clause third क्या कह रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट so जो भी उसके सबॉर्डिनेट होगा उस हाई कोर्ट के क्लियर अब देखो सेक्शन ट्वेंटी थ्री की लैंग्वेज सेक्शन ट्वेंटी थ्री की लैंग्वेज बस यही बात कन्वे कर रहा है कि जहाँ पे जो कोर्ट जिसके सबॉर्डिनेट होगा उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी

ठीक है 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 अब ये थोड़ा important है, ये पैरा आपका थोड़ा थोड़ा आपका हो गया कि यहां पे कि पे कह रहा जनरल पावर क्या है की की और की किसको है तो सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी विड्रॉ या ट्रांसफर की application लगा सकता है कोई भी पार्टी लगा सकता है अगर एक पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई तो दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा और उनको सुना जाएगा पहली बात या फिर कोर्ट जो है खुद से भी इनिशिएट कर सकती है बिना नोटिस नोटिस दिए विदाउट सच हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे ठीक है एट एनी स्टेज क्या कर सकती है ट्रांसफर कर सकती है कोई सूट अपील या अदर प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है बिफोर इट ठीक है

ट्वेंटी फाइव और लास्ट सेक्शन है ठीक है सेक्शन ट्वेंटी क्या बता रहा है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट यहाँ पे एप्लीकेशन पे पार्टी के या तो पार्टी के एप्लीकेशन पे या और नोटिस देने के बाद दूसरी पार्टी को और उनको सुनने के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है किसी भी स्टेज पे जस्टिस ठीक है अगर उसको लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जस्टिस के इंटरेस्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे है ये सेक्शन ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है एप्लीकेशन में पार्टी के किसी भी स्टेज पे अगर वो उसे लगता है कि इट इज एक्सपीडिएंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस डायरेक्ट कर सकता है किसी भी सूट अपील या दूसरी प्रोसीडिंग को कि वो ट्रांसफर हो जाए एक हाई कोर्ट से टू एक हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट से सिविल कोर्ट इन द इन दी अदर स्टेट ऑफ हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन दी अदर स्टेट मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट क्या उसके हाई कोर्ट के सबोर्डिनेट से दूसरा हाई कोर्ट के सबोर्डिनेट को क्लियर ट्रांसफर कर सकती है नाउ एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय द मोशन व्हिच हैज टू बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट उसको सपोर्ट होना चाहिए आपके एफिडेविट से थर्ड क्लॉज कहता है द कोर्ट टू व्हिच अ सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड शैल सब्जेक्ट टू द स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ इन इन द ऑर्डर ऑफ

Prelims के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमाउंट पूछ लेते हैं और ध्यान रखना नॉट वर्ड पे यूज किया गया है क्योंकि कभी कभी कुछ स्टेट जुडिशीज में बहुत क्लोज ऑप्शन दे देते हैं राइट बहुत क्लोज ऑप्शन दे, दे देते हैं नॉट इस तरीके से तो ध्यान रखना नॉट एक्सीडिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है अगर आपने एप्लीकेशन फॉल्स बनाई तो पा, जो पार्टी ने एप्लीकेशन बनाई है उसको जो है कंपनसेशन uh, देना पड़ेगा नॉट एक्सीडिंग दो हजार रुपए कंपनसेशन नहीं अवॉर्ड किया जाएगा राइट नाउ

आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्टडी आई की जुडिशरी लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच जिसकी क्लासेस आपकी 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है एंड दिस इज योर बैच नंबर टू सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल टू दिस लाइफ फाउंडेशन बैच नौ यहाँ पे आपको मिलती है अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी चीजें जैसे कि इलेवन प्लस लाइव आर क्लासेस हैंड रिटिन नोट्स लेक्चर नोट्स डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी आंसर राइटिंग सेशन होंगे इस लाइफ फाउंडेशन बैच

सो वट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी से जाके एनरोल करें इस लाइफ फाउंडेशन बैच में जिसकी क्लासेस 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ इसी कोड से आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप ये कोर्स ले सकते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन में और ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन आपको पे करने हैं दो सालों के लिए तो यहाँ पे आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा टू ईयर्स के लिए दैट तो इज एक साल में हम आपका पूरा कोर्स कवर अप कराएंगे और नेक्स्ट वन ईयर में आपका जो है आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं और अपने लेक्चर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं राइट लेक्चर नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं सो so, इतना सब कुछ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में जल्दी से जाके एनरोल करें डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड श्री लाइफ फॉर दी मैक्सिमम

और जो भी बात अपने प्लेट में लिखोगे जो भी फैक्ट आप अपने प्लेन्ट में लिखोगे वो फैक्ट आपका प्रूव होना चाहिए एफिडेविट द्वारा अब हम सम सब देखा होगा प्लेन्ट कैसे लिखते हैं राइट जहां पे ऊपर लिखते हैं कोर्ट का नाम फिर उसके बाद पार्टीज की डिटेल्स आती हैं उसके बाद आपका जो है पहले आप ब्रीफली डिस्क्राइब करते हो कि क्या केस है उसके बाद रिलीफ क्या आप मांग रहे हो क्या प्रेयर है वो सारी चीजें आप ऐसे करके प्लेंट में लिखते हो और साथ में आप ये वेरिफिकेशन लिखते हो जहां पे आप लिखते हो कि जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ प्रोवाइड करी है प्लेट में ये मेरे ट्रू टू टू माई नॉलेज है ठीक है दे आर ट्रू टू माई नॉलेज और मेरी तरफ से बिल्कुल करेक्ट और बेस्ट नॉलेज में आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आप कब कहा जाएगा कि आपका सूट इंसट्यूट हो गया है तो जैसे ही आप प्रेजेंट करोगे प्लेन्ट को ठीक है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन्ट से आपका सूट इंसट्यूट माना जाएगा और जो भी फैक्ट्स आप लिखते हो उसको आप एफिडेविट के थ्रू प्रूफ करते हो राइट प्रोवाइडेड दैट मैं आगे क्या लिखा है कि सच एफिडर शल बी इन फॉर्म एंड मैनर जो दे रखा है आपका ऑर्डर 6 रूल 15 ए में उस फॉर्म और मैनर में होना चाहिए जो दे रखा है आपके ऑर्डर 6 15 ए में क्लियर हेलो बेस्ट क्रिएटर

जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसके बाद सम्मान भेजा जाता है डिफेंडेंट को सम्मन जो है कोर्ट इशू करती है डिफेंडेंट को और उससे कहा जाता है कि आओ अपियर हो और आंसर करो क्लेम्स एंड मे बी इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन द डे नॉट बियॉन्ड थर्टी डेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट तो जिस दिन आपका सूट इंस्टीट्यूट होता है उसके तीस दिनों के अंदर जो है यहाँ पे उसको आना होता है और अपना उसको सम्मान भेज दिया जाता है राइट उसको आना होता है उसको आंसर करना होता है अपने क्लेम्स जो भी है क्लियर तो so, 27 में क्या बताया डिफेंडेंट में पे भी सूट आपका ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया है तो समन सर्व किया जाता है डिफेंडेंट को कि भाई वो अपीयर हो कोर्ट में और वो आंसर करे सारे क्लेम्स जो भी हैं और उस तरीके से सर्व किया जाता है जो मैंने प्रिस्क्राइब है आपके ऑर्डर फाइव में जिस तरीके से बता रखा है सर्विस सम, uh, करोगे समन्स की और साथ में बता रखा है ये चीज आपके इंपॉर्टेंट है

राइट right, ये आपका डिफेंडेंट है और ये पटना में रह रहा है और मैं जो है आ, बरेली में रह रही हूं ठीक है मैं बरेली में रह रही हूं पटना में रह रहा है तो यहाँ पे कह रहा है जहां पे डिफेंडेंट रहता है किसी और स्टेट में तो सम्मन कैसे सर्व होगा तो इस स्टेट में जहां पे सम्मान रह रहा है पटना में ठीक है तो जिस कोर्ट के जो में बी रिसाइड कर रहा है उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा फिर वो आगे आपका सर्विस कर देगा समन को यहाँ पे ए कोर्ट बरेली का कोर्ट समन डायरेक्टली तो नहीं कर सकता है इसको क्योंकि दूसरे स्टेट में रह रहा है तो स्टेट के लोकल लिमिट लिमिट में जो भी कोर्ट आता आता है जिसमें आता है जिसमें बी उसको सर्व कर दिया जाएगा समन और वो आगे सर्व कर देगा बी को समन क्लियर तो ये बात दे रखी है आपके आ, क्या कहते हैं इस केस में जहाँ पे आपका डिफेंडेंट डिसाइड करता है किसी दूसरे स्टेट में राइट right? तो अगर लैंग्वेज देखो तो क्या लिखा हुआ है असमन में भी

आइर ऑन इट्स ओन मोशन खुद की मोशन पे खुद से सुओ मोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दी पार्टी क्या ऑर्डर कर सकता है ऐसे ऑर्डर कर सकता है जो नेसेसरी है और रीजनेबल है एंड ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंट्रोगेटरीज ठीक है जहां पे उसको आंसर करना है को या एडमिट करना है कोई डॉक्यूमेंट को या कोई फैक्ट को या फिर डिस्कवर करना है इंस्पेक्शन करना है या प्रोडक्शन करना है या इम्पाउंडिंग करना है एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंसिस इसके लिए ऑर्डर कर सकता है यहाँ पे कोर्ट कभी भी चाहे मोटो से या फिर एप्लीकेशन में पार्टी के ऑर्डर कर सकता है या फिर इशू कर सकता है सम्मान को पर्सन को सम्मन कर सकता है

तो सम्मान दिया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट भी क्लियर एविडेंस देने के लिए और डॉक्यूमेंट देने के लिए भी कोई भी जो मटीरियल ऑब्जेक्ट रिक्वायर है उसको देने के लिए भी आपका सम्बन्ध दिया जा सकता है विटनेसेस को राइट नाउ नेक्स्ट देखो आपका पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रिलिम्स के लिए अगेन सेक्शन थर्टी टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका और ये बात कर रहा है कि कोर्ट चाहे तो कंपेल कर सकता है अटेंडेंस किसी की जिसने उसको सम्मन किया है जिसको इश्यू कर सकता है वॉरेंट फॉर इज अरेस्ट ठीक है अरेस्ट कर सकता है अटैच कर सकता है सेल कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी राइट right? या फिर आपका इम्पोज कर सकता है फाइन नॉट एक्सीडिंग फाइव थाउजेंड रुपीज नॉट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम ठीक है फाइन इम्पोज कर सकता है बट दैट शुड नॉट एक्ट रुपीज फाइव थाउजेंड या फिर ऑर्डर कर सकता है उसको कि वो फर्निश करे सिक्योरिटी फॉर हिज अपेयरेंस ठीक है या फिर ऑर्डर कर सकता है कि वो फर्निश करे अपनी सिक्योरिटी फॉर हिज अपेयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिटेड टू कमिट हिम टू सिविल प्रिजन और अगर वो नहीं कर पाता है सिक्योरिटी तो उसको जो है सिविल प्रिजन में डाल देते हैं पीसीएस का टेलीग्राम चैनल आई टोल्ड यू ना वी है टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन मी द थर्टी डेज में ही थर्टी डेज में ही अगर थर्टी डेज में नहीं जाता है सी अगर आप इसकी बात करो सेक्शन आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन राइट अपेयर होना होता है थर्टी डेज में या yeah, यहाँ पे यू टॉक यू आर आस्किंग ना सेक्शन 27 में उसको अपेयर होना होता है डेज uh, में तो यहाँ पे कह थर्टी डेज में भेज देते हैं जो आप एक्सटेंड कर सकते हो ठीक uh, है उसका रिटर्न स्टेटमेंट में भी ऐसा ही होता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट जो उससे मांगा जाता है उसके लिए भी थर्टी डेज और नाइनटी डेज तक एक्सटेंडेबल होता है वो ठीक है में उसको अपेयर होना पड़ता है तीस दिनों के अंदर ठीक है विच इज एक्सटेंडेबल क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ और अगर वो नहीं अपेयर होता है ठीक है अगर वो नहीं अपेयर होता है रिटर्न स्टेटमेंट भी अगर टाइम पे नहीं देता दैट इज ऑर्डर विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन ठीक है 8, we'll on, अभी यहां पे देखो सेशन में सेक्शन में जो हम uh, सेक्शन आपका डिस्कस दिस्क, uh, कर रहे हैं जहां पेनल्टी वो लगा सकता है डिक्री पे की बात कर रहा है वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट की जजमेंट और डिक्री क्या है जजमेंट तो क्या है यहाँ कहता है कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड कोर्ट ने जो है केस दोनों पार्टीज को सुन लिया उनकी फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए शेल प्रोनाउंस जजमेंट वो प्रोनाउंस करेगा जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शेल फॉलो उसके बाद आपका डिक्री फॉलो होता है एंड दिस सेक्शन हैज़ है ट्वेंटी क्लियर नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन थर्टी फोर अब इसमें इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो इंटरेस्ट कब लगाया जाता है

डिस्क्रिशन पे होता है कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है कॉस्ट जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है नेक्स्ट इज सेक्शन थर्टी फाइव ए जो बात करता है कंपनसेटरी कॉस्ट की अगर आपने फॉल्स ऑफ एवेलियस क्लेम लाए हो कोर्ट में ठीक है अगर आप झूठा ला रहे हो केस फॉल्स है फिवेलियस है ठीक है अगर आप ऐसा के क्लेम ला रहे हो एज ए डिफेंस तो आपको कंपनसेशन देना होता है फॉर द अमाउंट ऑफ थ्री थाउजेंड क्लियर पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग थ्री थाउजेंड रुपीज और एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ दिकोलियर्स एग्जाम के लिए चीज इम्पोर्ट है कितना कम्पनसेशन देना पड़ेगा तीन हजार रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा और वो जो है या फिर या फिर आपका एक्सीडिंग द लिट्स आपका नहीं होना चाहिए तो जो भी लेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट अगर आप जो है as a defense.

है ऑर्डर ट्वेंटी वन ऑर्डर ट्वेंटी वन जो है बात करता है एग्जीक्यूशन की और ये आपका लॉन्गेस्ट ऑर्डर है इन सीपीसी इसमें टोटल आपके वन जीरो सिक्स रूल्स हैं वन जीरो सिक्स टोटल रूल्स हैं आपके इसमें ठीक है अब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन के लिए अफकोर्स विल बी डिस्कसिंग ऑर्डर लेटर ऑन ठीक है अभी हम सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देखो सेक्शन थर्टी क्या बात कर रहा है सेक्शन थर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन है उसको बताया है दैट इज द एक्सप्रेशन द कोर्ट विच पासिस अ डिग्री द कोर्ट विच पासिस अ डिग्री इस एक्सप्रेशन को बताया है और बस तो बताया कि कोर्ट विच पासिस डिग्री कौन सी होगी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसेंट जो को डिग्री पास कर रही है या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसेंट जो अपीलेंट डिग्री uh, uh, में है ठीक है अपीलेंट कोर्ट जो है राइट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसेंट अपीलेंट डिग्री में तो वो आपकी कोर्ट व्हिच पासस द डिग्री होती है क्लियर यहां आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 37 में ये एक्सप्रेशन आपका डिफाइन कर रखा है क्योंकि सेक्शन 38 में एक डिक्लेरेशन कर रखी है कि कोर्ट बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड कौन सी कौन सा कोर्ट जो है डिक्री को एग्जीक्यूट करती है अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात हो रही है तो इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट कोर्ट को

जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है या फिर जिस कोर्ट को भेजा गया है एग्जीक्यूट करने के लिए क्लियर तो क्या कह रहा है डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट पास करी है वो वो एग्जीक्यूट करेगा या फिर बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन या जिस भी कोर्ट को भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए वो उसको एग्जीक्यूट करेगा क्लियर बेसिक सी बात इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट देखो सेक्शन 39 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री की एक इंपॉर्टेंट है आपका आप उसको देखोगे ना इंडेक्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनिशियली किसकी बात करी गई है तो अगर आप सीपीसी के ट्रिक के बारे में बताऊं कि कैसे आप याद कर सकते हो तो देखो इनिशियली सेक्शन थ्री सिक्स और नाइन अब थ्री बात करता है कि कौन किसके सबॉर्डिनेट होगा सिक्स बात करता है पिक्यूनरी रिज्रिक्शन की और नाइन बात करता है आपके कि भाई सूट जो है

इंस्टीट्यूट होगा सेवेंटीन में कह दिया कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट में है तो सारी कोर्ट के पास राइट है कि वो सूट को एंटरटेन कर सकती है एटीन में कह दिया जब अनसर्टेन है तो क्या होगा नाइनटीन में मोबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ऑब्जेक्शन की बात हो रही है ट्वेंटी में अदर सूट जो रह गए वहां पर जहां डिफेंडेंट रहता है कॉज जहां रहता है या कैरी करता है अपना बिजनेस वहां पर सूट इंस्टीट्यूट होगा ट्वेंटी में ऑब्जेक्शन की बात कर रखी है ट्वेंटी 21 में ट्वेंटी ए में उसी के ऑब्जेक्शन के रिस्पेक्ट में बार लगा रखा है ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक ट्रांसफर और विड्रॉल्स की बात हो रही है केसेस की राइट 26 में institution of suited, 27 में है, है आपका summons कर रखा है, defendant को, और इस तरीके से सम्मन, जब witness को बुलाओगे, 30 में order, discovery, और like, इस तरीके से आप एक फ्लो बना रहे लो आपको ऐसे याद हो जाएगा मतलब आए तो अदरवाइज आप एक हैबिट बनाओ कि रोज दस दस सेक्शन पढ़ो और बाकी जब आगे वाले सेक्शन पढ़ो तो दस दस वाले पीछे रिवाइज करते जाओ तो इस तरीके से आपको याद होता जाएगा ऐसा नहीं है कुलवीर जी की सीपीसी में केस लॉस कम है बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी हैव अ मोटिव कि आपको जो है जो भी प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो रिवाइज करा दें तो ऐसा नहीं है कि सीपीसी में आपके केसेस कम है केसेस तो बहुत सारे हैं सीपीसी में भी सीपीसी हो सीआरपीसी हो आईपीसी पी सी हो दे आर लॉट मेनी केसेस टू बी डिस्क राइट तो अभी यहाँ पे बस बेसिक मोटिव ये है हम, हमारा कि हम आपको जो एक रिवीजन करा सके जो एग्जाम में प्रिलिम्स में जिन एरियाज से क्वेश्चन बनते हैं वो एरियाज आपको बता सके ओके ओके एनटीजी टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट केस की विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ओके चलो बैक टू द टॉपिक ट्रांसफर ऑफ डिक्री अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डिक्री की बात हो रही है एग्जीक्यूशन में राइट तो ये क्या कह रहा है कि कोर्ट व्हिच पासड अ डिक्री में जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो में दो पार्टी होती है सिविल सूट जो, जो में जो केस जीतता है उसको हम डिग्री होल्डर कहते हैं जो हारता है उसमें जजमेंट डेफ्टर कहते हैं क्लियर अब यहाँ पे क्या कह रहा है कोर्ट विच पास अ डिग्री कोर्ट जिसने पास करी है डिग्री वो क्या कर सकता है वो चाहे अगर तो मे वर्ड यूज हुआ है 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 पावर कोर्ट की किसके एप्लीकेशन पे डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे सेंड कर सकता है उसको एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट को और वो जो दूसरे कोर्ट को भेज रहा है दैट दैट मस्ट मस्ट कोर्ट हैव अ कॉम्पिटेंट ज्यूरोक्शन उसके पास कॉम्पिटेंट ज्यूरोक्शन होनी चाहिए नाउ कब भेजेगा दूसरे कोर्ट में ठीक है ठीके? जो आपका जजमेंट डेप्टर है वो दूसरे कोर्ट में है तो उसके सकता है इफ सच पर्सन है लोकल लिमिट ऑफ द डिशन या उस पर्टिकुलर जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी जो है जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है उस डिजेक्शन में नहीं है दूसरे कोर्ट के जुरी में है, तो आपकी डिग्री जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए राइट right. अब यहाँ पे कह रहा है कि सच पर्सन हैज हाँ नॉट प्रॉपर्टी द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट विच पास अ डिक्री सफ़िशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री

जोजेशन से बाहर है तो उस केस में आपकी डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी या फिर डिग्री कंसिडर फॉर एनी रीजन अब जिस कोर्ट ने डिग्री पास कर देता है, तो तो कर है, को, कर है ट्रांसफर करी जा रही है डिग्री वो कोर्ट आपका कॉम्पिटेंटेक्शन का होना चाहिए क्लियर तो दिस इज बेसिक थिंग जो इस आपको ध्यान में रखनी है ट्रांसफर ऑफ डिग्री के रिस्पेक्ट में अब आगे देखो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन फोर्टी टू जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री अब इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है course, कि क्या आपका uh, कहां पे दे रखी है पावर ऑफ द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री जो आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जिसको डिक्री ट्रांसफर करी गई है एग्जीक्यूट करने उसकी बारे में बात हो रही है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट शैल हैव द सेम पावर उसके पास सेम पावर होगी इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री एज इफ एज इफ इट है जैसे उस एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने खुद ही पास करी है वो डिग्री राइट ऑल पर्सन इज डिस और ऑब्स्ट्रक्टिंग डिग्री शैल बी पनिशुल्ड बाय सच कोर्ट इन इन द सेम मैनर एज इफ है एज एज एफ हेड पास द डिग्री ठीक है और अगर कोई भी पर्सन उसको एग्जीक्यूशन को रोक रहा है, उसमें कर रहा है तो उस उसके सेम तरीके सेम रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील एज एफ द डिग्री पास बाई इट सेम टू सेम जैसे ऐसे जगह ट्रांसफर कर दी गई है आपके एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट को तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके पास सेम पावर रहती है जैसे आपका ओरिजिनल कोर्ट ने डिग्री पास करी है ऐसा माना जाता है कि उसी ने डिग्री पास करी है क्लियर नाउ मूविंग अहेड आगे देखो क्लास टू में क्या कहता है

तो उसके पास पावर है कि वो कर सकता है डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो और पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है अटैचमेंट का क्लियर और उसके पास पावर दे रखी है कि वो ऑर्डर भेजनी होती है उसकी जिस, उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने डिग्री एक्चुअली पास करी है राइट right? ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए नाउ

जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी है जो लाइबल है अटैच होने के लिए हो सूट एग्जीक्यूट हो, होने के लिए दूसरे कोर्ट में प्रिसेप्ट का ये मतलब नहीं है इट इज जस्ट एन इंटरम अटैचमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेप्टर यहाँ पे क्योंकि एक लिमिटेशन दे रखी है इसके प्रोवाइजो में कि दो महीने के लिए वैलिड होता है आपका

डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पे वेन एवर इट थिंग्स फेट इशू प्रिसेप्ट टू अनदर कोर्ट टू एनी अदर कोर्ट विच वुड बी कम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट, दूसरे कोर्ट को जो कंपिटेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए वो डिग्री च डिग्री टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जजमेंट डेप्टर एंड एंड स्पेसिफाइड इन दी प्रिसेप्ट राइट जो जो प्रॉपर्टी अटैच होनी है जजमेंट डेप्टर की वो उसके दूसरे कोर्ट के जिसे दिया गया है जिसपे इशू किया गया प्रिसेप्ट वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है आपका और वो अटैच कर सकता है प्रोपर्टी जजमेंट डेप्टर की राइट द कोर्ट टू विच द प्रिसेप्ट इज सेंटल प्रोसीड टू अटैच प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रिस्क्राइड इन दिस रिगार्ड

आप टाइम को एक्सटेंड कर देते हो तो इट इज ओके बट अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि दो महीने की लिमिटेशन लगा रखी इस सेक्शन में राइट right? डिक्री so, और अनलेस बिफोर डिटरमिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट बी विच दिन और यहाँ पे ऑर्डर यह जो है आपका दो महीने के लिए वैलिड रहता है एक डायरेक्शन है एक ऑर्डर समझ लो जो एक कोर्ट जिसने डिग्री पास करी है वो कर रहा है दूसरे कोर्ट के और उस कोर्ट के जो जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी है वो

वो कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है अब यहाँ पे बताया कि जो भी कोई क्वेश्चंस आपके अराइज हो रहे हैं बिटवीन टू द सूट या उनके रिप्रेजेंटेटिव तो जो भी कोई क्वेश्चन आपके अराइज हो, uh, हो रहे हैं सबसेक्वेंट टू द पासिंग ऑफ डिग्री डिग्री पास होने के बाद जो भी कोई मैटर अराइज हो रहे हैं बिटवीन द पार्टी टू द सूट इन विच द डिग्री वॉज पास

डिग्री शैल बी डिटरमाइन बाई दूटिंग द डिग्री कौन डिटरमाइन करेगा वो कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है और इसके लिए कोई भी सेपरेट सूट अलाउ नहीं है ट इज देश्जेक्ट बिहाइंडी मिले जल से जल आपको सूट कोई होने के मैटर हो रहे है और वो मैटर अगर रिलेट करते हैं आपके, से, से, या से किसी डिग्री के तो वो कौन डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगा और उसके लिए आपको कोई सेपरेट सूट नहीं लाना है यह ध्यान रखना कोई भी सेपरेट सूट अलाउड नहीं है सेपरेट सूट उसके लिए बार है क्लियर जजमेंट डिक्री को फॉलो करता है पहले जजमेंट आता है और फिर डिक्री आती है सचिन गौतम एनजीटी uh, जो धारा आपकी सेक्शन प्रोसीडिंग्स राइट आपका जो ये सेक्शन 42 है ये बात कर रहा है ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कि जहां पे आप केस को ट्रांसफर डिक्री uh, को ट्रांसफर कर रहे हो एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे कोर्ट को आई होप इट इज क्लियर एनजीटी एन टी जी राइट right. चलो आगे देखते हैं इसमें है सेकंड पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी सच क्वेश्चन शैल फॉर दर्पजस ऑफ दिस सेक्शन में डिटरमाइंड बाई दी कोर्ट नाउ एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें फॉर दर्पज ऑफ दिस सेक्शन

जो जिसने भी परचेस करी है प्रॉपर्टी एट एट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एक्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के टाइम पे सेल पे ने परचेज करी है प्रॉपर्टी उसको क्या मानोगे पार्टी टू द स्कूट मानोगे ठीक है उसको पार्टी टू द स्कूट मानोगे और नेक्स्ट बी में क्या कहता है कि सारे क्वेश्चन

नेक्स्ट देखो ट्रांसफरी सेक्शन 49 किसकी बात करता है की अब यहां पे सेक्शन 49 है बस और बस आपका सेक्शन नंबर सेक्शन 49 में डिफाइन कर रखा है ट्रांसफरी ये कह रहा है एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री शेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज विच जजमेंट डेप्टर माइट द ओरिजिनल डिग्री बात नाउ नेक्स्ट इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 50 बताता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में अगेन सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है इंडेक्स बेस वाले स्टेट्स में पूछ लिया जाता है फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ वाले स्टेट्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ डिफाइन कर रखा है. So, है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है आपका कि मान लो मान लो मैं मर गई तो मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई लीगल हायर ठीक है वो केस लड़ेगा मैं मर गई तो मेरे बच्चे केस लड़ेंगे इस तरीके से ही आपके मेरे बच्चे क्या होंगे फिर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मुझे मेरे केस को रिप्रेजेंट करेंगे डिजीज के ई स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे राइट तो यहाँ पे क्या कह रहा है जजमेंट डाइज बिफोर द डिग्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाइड अगर जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ डिग्री आई है वो मर जाता है डिजीज अगर आपका जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ डिग्री आई है वो मर जाता है अभी आपकी डिग्री फुली सेटिस्फाई नहीं हुई है ठीक है डिग्री फुली सेटिस्फाई नहीं हुई है उससे पहले जजमेंट डेप्टर आपका मर गया तो उसके बाद क्या करता है जो होल्डर है जो डिग्री होल्डर है जिसके फेवर में डिग्री आई है वो अप्लाई करता है कोर्ट में जिसने पास करी है, डिक्री, उस कोर्ट को अप्लाई करता है और कहता है सेम, सेम डिजीज ठीक है उसको करो लीगल उसको, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ इन्फोर्स करो उसको एग्जीक्यूट करवाओ उसको नाउ वेद डिग्रीड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव जहां पर डिग्री एक्जीक्यूट होती है अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव

कोर्ट में ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किन किन तरीकों से या तो बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिग्री ठीक है डिलीवरी करा दे उस प्रॉपर्टी की या अटैचमेंट कराए या सेल कराए या बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट या सेल करा दे बिना अटैचमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी का या अरेस्ट कर सकता है या डिटेन कर सकता है प्रेजेंट में

या फिर कोई दूसरे मैनर में एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर या जैसा आपका रिलीफ है उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए जैसा भी मोड आपका रिक्वायर्ड है है उस तरीके से यहां पे एग्जीक्यूट करा सकता तो दीज आर दी मोड्स जहां पे डिग्री होल्डर चाहे तो इनमें से किसी भी मोड से एग्जीक्यूट करा सकता है ठीक है इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए भी क्योंकि आपके ऑप्शन में आ जाते हैं तो ध्यान रखना क्लियर नाउ नेक्स्ट देखो प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिग्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी पेमेंट ऑफ मनी के रिस्पेक्ट में जहां बात होगी ठीक है जहां पे डिक्री में आपसे कहा जा रहा है, कि आपको करना है पैसे ठीक है पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन By डिटेंशन इन प्रिजेंट shall नॉट बी ordered अनलेस देखो यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है और यहाँ पे ही हमें स्टॉप हो जाना है पहले क्या बताया प्रोवाइडेड डेट में इससे पहले एक बार देखो सेक्शन की मेन मेन बॉडी क्या कहता है कि इन तरीकों से आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और उसमें एक तरीका दे रखा है आपका अरेस्ट और डिटेंशन का भी सिविल प्रिज़न में राइट अब इसके साथ इस सेक्शन के साथ एक प्रोवाइजो आपका एप्रीहेंडेड है और उस प्रोवाइजो में क्या कहता है कि जहां पे भी डिक्री, हो जो है, डिक्री होल्डर को देना है जहां पे, पे पेमेंट ऑफ मनी है उस केस में एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन एंड प्रेजेंट कि आपको डिटेन कर दिया जाएगा प्रेजेंट में इस मोड से एग्जीक्यूशन कराना ऑर्डर नहीं होगा आप ऐसा अलाउड नहीं होगा जब तक जब तक अनलेस

इन्वेस्टर डिग्री वॉज पास जहां पे डिग्री पास हो गई है डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर रहा है या फिर कंसील कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है कोई भी पार्ट अपनी प्रॉपर्टी का या और कमिटेड एनी अदर एक्ट

नेक्स्ट कहता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाता है है रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है राइटिंग में दैट अ जजमेंट सेटिस हैज और हैज हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री द मींस टू पे द अमाउंट उसके पास थे पैसे पे करने के लिए अमाउंट जो अमाउंट उसमें डिक्री में बताई गई है सपोज एक्स अमाउंट जो उसको डिक्री होल्डर को पे करना है उसके पास पैसे हैं वो फिर भी रिफ्यूज कर रहा है और निग्लेक्ट कर रहा है ठीक है

Uh, आपके प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज सेक्शन फिफ्टी टू अ वेरी गुड इवनिंग फिफ्टी क्लॉज वन जस्ट होल्ड ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है तो कहता है कि जजमेंट नेप्टर भारती जी uh, हाँ जी देखो अब यहाँ पे फोकस करो क्या कह रहा है कि 50 क्लॉज वन में कहता है कि वेरा जजमेंट डेप्टर डाइज बिफोर द डिक्री इज फुल सेटिस्फाइड जजमेंट डेप्टर जो है वो मर गया है अभी डिक्री पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करी है उसने मान लो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो आपका जो जजमेंट डेप्टर है ठीक है जो जजमेंट डेप्टर है उसको दस पे करने हैं डिक्री होल्डर को ठीक है ठीक है भारती जी यहाँ पे दस हजार रुपए जजमेंट डेप्टर को पे करने हैं डिक्री होल्डर को ठीक है तो इसकी ये लाइबिलिटी है अब जजमेंट डेप्टर जो है दस हजार पे करने से पहले ही मर गया दस हजार पे करने से पहले ही मर गया नाउ यू रीड दिस लाइन वे द जजमेंट डेप्टर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाइड अभी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुई उसने दस हजार रुपए डिग्री होल्डर को नहीं दिए हैं भारती जी तो उस केस में कह रहा है कि जहां पे अभी डिक्री सेटिस्फाई नहीं हुई है उससे पहले जजमेंट डेप्टर मर गया है आपका देन होल्डर ऑफ द डिग्री जो डिग्री होल्डर है जिसको देने हैं रुपए को, को वो वो क्या करेगा? लगाएगा कोर्ट में, वो करेगा लगाएगा में, में कि भाई करा जाए, इनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा लैंग्वेज पढ़ो अगर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन की क्या लैंग्वेज कहती है जजमेंट डेप्टर, डेप्टर मर गया बिना दस हजार रुपए दिए डिग्री फुली सेटिस्फाई नहीं हुई है होल्डर ऑफ द डिग्री में अपलाई टू दर्ट जो जो आपका ये डिग्री होल्डर है वो अपलाई करेगा कोर्ट को विच पास करेगा अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आपको इसको एग्जीक्यूट कराओ आई होप इट इज क्लियर भारती चलो नेक्स्ट देखो सेक्शन um, uh, आपका फिफ्टी टू इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आप देखो एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री यहाँ पेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आप देखो क्या कहता है यहाँ पे एनफोर्समेंट uh, कैसे होगा जितनी भी जितना भी स्टेट उसके पास आएगा डिजीज का जितना भी स्टेट आएगा वो उसी हद तक आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होता है और यही बात आपके सेक्शन में कह रहा है क्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अब इसमें प्रे क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखो सेक्शन नंबर ऑफ कॉर्स इंपॉर्टेंट है अब ये कह रहे हैं फॉर दर्पज ऑफ सेक्शन और फिफ्टी टू दी प्रॉपर्टी इन दी हैंड ऑफ सन और अदर डिसेंडेंट्स विच इज लाइबल अंडर हिंदू लॉ फॉर देमेंट ऑफ डेप्थ

Of such East State, the partition of the East State or the separation of the share shall be made by whom? कलेक्टर करता है वो पार्टीशन उसका उस स्टेट का कौन करता है कलेक्टर करता है अगर कर, अगर गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू जाता है तो राइट right? और एनी गेजेटेड सबॉर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर डिप्यूटेड हिम इन दिस बिहाफ या कोई भी कलेक्टर से सबॉर्डिनेट जो भी डिप्यूट किया गया इस बिहाफ के लिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स फोर्स रिलेटिंग टू द पार्टीशन और जो भी पार्टीशन से रिलेटेड लॉ है उसके हिसाब से यहाँ पे पार्टीशन कर दिया जाता है फॉर ऑर सेपरेट पोजिशन ऑफ द शेयर ऑफ सच ई स्टेट राइट अब यहाँ पे प्रिलियम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जहां पर मान लो कोई ऐसा अनडिवाइडेड शेयर है ठीक है पार्टीशन की डिग्री हुई है और उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है तो यहाँ पे पार्टीशन कौन कर रहा है कलेक्टर कर रहा है या कोई भी उसके कर रहा है है जिसको डिप्यूट किया गया है इस काम के लिए और पार्टीशन कैसे होगा एज पर दी लॉ जो भी एप्लीकेबल है पार्टीशन का क्लियर सबसे पहले देखो आप कि सेक्शन फिफ्टी फाइव में क्या बात करी अरेस्ट और डिटेंशन की सेक्शन फिफ्टी वन में हमने मोड्स देखे थे आपके एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कराने के लिए आपकी डिग्री को राइट right? बहुत सारे मोड्स देखे हमने वहां पे कि डिग्री होल्डर जो है आपका उसके पास राइट right दे रखा है कि भाई वो चूज कर सकता है कोई भी एक मोड उसमें से जो 51 में दे रखा है डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए तो उसमें से ही एक मोड है आपका अरेस्ट और डिटेंशन का राइट right? अब अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में क्या बताया कि जजमेंट जेप्टर जो है वो किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम और किसी भी दिन जो है अरेस्ट हो सकता है जब एग्जीक्यूट हो रही है आपकी डिग्री तो और उसको अरेस्ट करने के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो सीपीसी में क्या कहता है ऑन एनी डे आप उसको जब आप डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो और अरेस्ट करने के बाद तुरंत आपको उसको प्रोड्यूस करना होता है बिफोर दी कोर्ट राइट नाउ फॉर दर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट जब आप अरेस्ट करते हो उस टाइम पे कोई भी ड्वेलिंग हाउस ड्वेलिंग हाउस कौन सा होता है जहां पे लोग रहते हैं ठीक है जहां पे लोग रहते हैं तो कोई भी ड्वेलिंग हाउस में आप सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले मतलब रात के समय में आप अरेस्ट करने के लिए नहीं जाओगे पर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट नो डिंग हाउस में बी एंटर दिफोर दी सनराइज सूरज के बाद आप किसी भी में करने के लिए नहीं जाओगे एक बात हो गई आपकी फर्दर आगे कह रहा है कि कोई भी आउटर डोर किसी ड्वेलिंग हाउस का आप नहीं तोड़ोगे जब तक जब तक वो ड्वेलिंग हाउस में जो है कौन ऑक्यूपेंट है आपका जजमेंट डेप्टर ऑक्युपेंट है और वो प्रिवेंट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है आपको एक्सेस देने में उस घर के एक्सेस देने में वो अरेस्ट करने से अरेस्ट करने आया है मान लो कोई तो उसको घुसने नहीं दे रहा है तो उस ऑक्यु में अगर उस आ, ड्वेलिंग हाउस की में आपका जजमेंट डेप्टर है और वो प्रिवेंट कर रहा है वो रोक रहा है अरेस्ट करने में आ, क्या कहते हैं रिफ्यूज कर रहा है तो उस केस में आप तोड़ सकते हो आउटर डोर अदरवाइज आप ड्वेलिंग हाउस का आउटर डोर आउटर डोर जो है वो नहीं तोड़ोगे अ वेरी गुड इवनिंग अमित शर्मा अ वेरी गुड इवनिंग राइट आगे देखो

तो वेर अ रूम इज एन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ परदेशी वुमेन हु इज नॉट अ जजमेंट डेप्टर और जजमेंट डेप्टर भी नहीं है तो उसको रीजनेबल टाइम और फैसिलिटी दोगे शुड बी गिवन टू हर टू विदड्रॉ देयर फ्रॉम ठीक है ताकि वो अपने आप को विद्रॉ कर ले वहां से No तो मनी डिक्री है, है, decretal amount, decretal amount है, है और मनी डिक्री में कहा गया की ए जो है आपका डिक्री होल्डर है और बी जो है जजमेंट डेप्टर है और एक मनी डिक्री आई है और इस डिक्री में कहा गया कि बी जो है ए को दो हजार रुपए देगा या मान लो अठारह सौ रुपए देगा ठीक है तो जहां पे ये हो गया आपका अमाउंट कि भाई डिक्री में ये अमाउंट गया है पे करने के लिए डिक्री होल्डर को तो जो ये डिक्रेटल अमाउंट है अगर वो दो हजार रुपए से कम है तो उस केस में आप जजमेंट डेप्टर को अरेस्ट नहीं करते हो क्लियर उस केस में आप जो है जजमेंट डेप्टर को अरेस्ट नहीं करते हो अब गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग नंजना जी

अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ़ अरेस्ट अगर पे जजमेंट डेप्टर अब मैं अरेस्ट करने गई मान लो जजमेंट डेप्टर को और वो अगर पैसे दे देता है जो भी डिक्रेटल अमाउंट है वो दे देता है और साथ में कॉस्ट ऑफ अरेस्ट भी दे देता है तो फिर आप उसको रिलीज कर दोगे तब उसको आप अरेस्ट नहीं करोगे आप उसको रिलीज कर दोगे राशिद जी अ वेरी गुड इवनिंग राइट तो ये प्रोविजन है आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट नाउ इन एन एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेप्टर डेप्टर इन द प्रिजन द डिक्री होल्डर मस्ट स्टेट एंड मस्ट फाइल एन एफिडेविट स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द अरेस्ट इज सॉट अब यहां पे जब ये चाहता है जब एप्लीकेशन लगाई जाती है डिग्री होल्डर द्वारा कि उसको अरेस्ट और डिटेन करना है जजमेंट डेप्टर को सिविल प्रिजन में तो उस केस में यहाँ पे स्टेट करना पड़ता है और साथ में फाइल करना पड़ता है एफिडेविट किसको डिक्री डिग्री होल्डर को स्टेट करते हुए कि किन ग्राउंड्स पे वो अरेस्ट कराना चाहता है एट द सेम टाइम यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऑर्डर डिटेंशन का पास नहीं होगा अगर डिक्रेडल अमाउंट जो है दो से कम है अगर डिक्रेटल अमाउंट आपका दो हजार रुपए से एक्सीड नहीं करता है नॉट एक्सीड टू थाउजेंड रुपीज और ये आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आई होप इट इज क्लियर यह आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नाउ

सेक्शन 57 बात करता है अलाउंस अलाउंस की जो मैंने बताया कि अगर होल्डर नहीं पे करता है तो उसमें जो है डिक्री जजमेंट डेप्टर को अरेस्ट नहीं किया जाता है नाउ व्हाट इज दैट सब्सिस्टेंस अलाउंस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है फिक्स करता है स्किल ठीक है स्केल्स फिक्स करता है अकॉर्डिंग टू रैंक रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ मंथली अलाउंसेस

डिग्री पेमेंट ऑफ समझो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए क्या कह रहा है कि तीन महीने के लिए आप उसे सिविल प्रेजेंट में डाल दोगे अगर डिक्रेटल अमाउंट जो डिग्री में पेमेंट ऑफ मनी का जो अमाउंट है वो आपका पांच हजार रुपए से ज्यादा है तो रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है तो अगेन रीड आउट क्लॉज़ क्या कह रहा है फॉर फॉर पेमेंट ऑफ़ ऑफ़ सम मनी अ पीरियड नॉट थ्री मंथ्स ठीक है तो उसको आप तीन महीने से ज्यादा सिविल डालोगे दूसरा क्या कह रहा है जहां पे डिक्री है दो हजार मतलब से

अगर डिक्रेटल अमाउंट 2000 से ज्यादा है और 5000 तक है तो उस केस में आप उसको छ हफ्तों के लिए डाल सकते हो सिविल प्रिजन में जजमेंट प्रेजर को राइट और अगर दो हजार नहीं कर सकते आप जजमेंट डेप्टर को डिटेन नहीं कर सकते अवेरी गुड इवनिंग प्रशांत शगुन अवेरी गुड इवनिंग एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल राइट तो ये समझो ये आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो आपका ये मंथ है

नॉट मेरली बाय द रीजन ऑफ इस रिलीज में डिस्चार्ज फ्रॉम हिस डे अगर इसको रिलीज कर दिया गया है मान लो जजमेंट डेप्टर को रिलीज कर दिया गया उसके डिटेंशन से इस सेक्शन के अंडर

तो यहाँ पे उसको रिलीज कर देंगे क्या कहता है कि एट एनी टाइम आफ्टर अ वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेप्टर हैज बीन इशूड द कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस अगर सीरियस इलनेस है कोर्ट सेटिस हो जाता है कि सीरियस इलनेस है तो अगर वारंट इशू हो गया उसको अरेस्ट करने के जजमेंट डेप्टर को तो उसको कैंसिल कर सकता है क्लियर नाउ

अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी ग्राउंड ऑफ दिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिज है अगर उसको, ऐसा है, है, तो उस में उसको रिलीज कर देगा या बाई दर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सब ऑर्डिनेट ऑन द्राउंड अगर आप उसको जनरल रूल यह है कि आपने कर तो ये तो दोबारा अरेस्ट नहीं करोगे बट इन केस अगर आप दोबारा उसको रीअरेस्ट कर भी लेते हो तो जो एग्रीगेट तो पीरियड है जो मैंने बताया अभी थ्री मंथ सिक्स वीक्स उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए आई होप इट इज क्लियर गिव मी थम्सअप अगर अब तक क्लियर है तो सो दैट वी कैन मूव अहिट अगर अभी तक ये सारे प्रोविजन क्लियर है तो गिव मी या थम्सअप कम ऑन चलो ठीक है आगे देखो क्या कह रहा है सेक्शन सिक्सटी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अब बात हो रही है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की तो एज आई हैव टोल्ड यू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी जो है वन ऑफ दी मोड्स में आता है आपके जब आप डिग्री को एग्जीक्यूट कराते हो और डिग्री को जब एग्जीक्यूट कराने जाता है डिग्री होल्डर वो एप्लीकेशन लगाता है कि भाई मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट कर दो तो जो फॉलोइंग मोड उसको सेक्शन फिफ्टी में दे रखे हैं ठीक है उसके हिसाब से उसमें से एक मोड आता है आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी तो सेक्शन सिक्सटी में बहुत क्लियर बताया कि सेक्शन सिक्सटी में बहुत क्लियर बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हो और कौन सी प्रॉपर्टीज को एग्जेप्ट किया गया है अटैचमेंट से राइट तो कौन सी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो उसकी एक पूरी लिस्ट है कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज आप अटैच कर सकते हो और ये और बाकी प्रॉपर्टी का एक्जेम्पन भी कर रखा है जजमेंट डेप्टर के फेवर में ये बात भी कह रखी है कि भाई इन सारी प्रॉपर्टीज को आप अटैच नहीं करोगे राइट अब वो कौन सी कौन सी चीजें हैं तो सबसे पहले देखो सेक्शन सिक्सटी का क्लॉज वन जो है डिक्लेयर करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज लाइबल है अटैचमेंट के लिए एंड सेल के लिए जब आप एग्जीक्यूट करते करते हो डिक्री को और कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी एग्जेप्टेड है राइट नाउ अब यहाँ पे कहता है ऑल सेलेबल ऑल सेलेबल प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टी आपकी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो और उसमें जजमेंट डेप्टर के पास पावर है उस पर्टिकुलर सेलेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की ठीक है वो ओनर है उस चीज का उस प्रॉपर्टी का और उसके पास ये अधिकार है कि वो उस चीज को डिस्पोज ऑफ कर सकता है राइट अगर उसके पास पावर है किसी सेलेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की चाहे वो फिर आपका मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो तो उस केस में वो जो है वो प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो सकती है और सेल हो सकता है प्रॉपर्टी का इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री क्लियर आई होप इट इस क्लियर तो ये बेसिक बात जो बताई कि ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो जो बिलोंग करती है जजमेंट डेप्टर की डेप्टर को

उस प्रोवाइज़ो में बता रखा है कि भाई ये सारी को आप नहीं करोगे जब आप एग्जीक्यूट आपकी, आपकी नेसेसरी वेयरिंग अप्रेल्स हो गए आपके कुकिंग वेसल हो गया बेडिंग हो गया टूल ऑफ आर्टिसेंट हो गया इम्प्लीमेंट ऑफ हस्बेंड्री हो गया हाउस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हो गया वेजेस सैलरी पेंशन ग्रेटिट्यूज और कंपल्सरी डिपॉजिट राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ये सारी चीजें आप जो है अटैच नहीं कर सकते इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नाउ जो ये लिस्ट है आई वुड रिक्वेस्ट यू आपका होमवर्क ये है कि आप इसको ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ें क्योंकि इस लिस्ट से जो है प्रलिम्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है चाहे फिर वो कोई भी स्टेट जुडिशरी हो

कोई भी एग्रीमेंट पार्टी करती है इस तरीके से कि हम वेव कर देंगे एक्सेप्शन तो वो एग्रीमेंट आपका क्या होगा void होगा वो एग्रीमेंट आपका अंडर सेक्शन विल बी ठीक है अगर आप आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हो कि हम जो है वेव ऑफ कर देंगे बेनिफिट ठीक है एग्जेपन जो भी एग्जेपन दे रखे हैं आपको सेक्शन सिक्सटी में हम उसको वेव ऑफ कर देते हैं अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा वॉइड होगा उस एग्रीमेंट का नेचर वॉइड होगा क्लियर नाउ मूविंग अहेड आगे देखो सेक्शन 61 में क्या एम्पावर किया सेक्शन 61 में कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जेम कर सकता है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी ठीक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी जो है एग्जेम कर सकता है अटैचमेंट से वो अटैच नहीं हो सकता क्यों क्या पर्पस है उसके पीछे क्यों ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर किया सेक्शन 61 में कि आप जो है एग्जेम कर सकते हो एग्रीकल्चरिस्ट के जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको क्यों एग्जेम कर रहे हो ना होते बेसिक थिंग इज ताकि जो है आपका एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो कंटिन्यू कर सके अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन को वो कंटिन्यू कर सके अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन को इवन आफ्टर दी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ठीक है डिग्री के एग्जीक्यूट करने के बाद भी वो अपने एग्रीकल्चर जो है वो अपने एग्रीकल्चर के काम को खेती को कंटिन्यू कर सके दैट इज वाई द स्टेट गवर्नमेंट हेयर इन दिस सेक्शन इज एम्पावर्ड टू वी टू एग्जेम दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आई होप इट इज क्लियर नाउ मूविंग अहेड सेक्शन 64 क्या बात कर रहा है प्राइवेट एलिनेशन की प्रॉपर्टी की आफ्टर अटैचमेंट अब यहाँ पे बहुत क्लियर कह दिया अगर आप जो है प्राइवेटली एलिनेट कर देते हो प्रॉपर्टी प्राइवेटलीफ कर देते हो का तो मतलब आप कर रहे हो रिमूव कर रहे हो तो अगर आप आपका हो हो गया, आपकी जो की जो है, 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 की वो गई अब अगर आप चुपचाप साइड में प्राइवेट पार्टी से प्राइवेटली ट्रांसफर कर देते हो अपनी प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो चुकी है तो वो क्या होगा वो वॉइड माना जाएगा वो क्या होगा वो वॉइड माना जाएगा नाउ यहाँ पे प्राइवेट एलिनेशन की बात हो रही है मतलब प्राइवेटली आप ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन टू पार्टीज यहाँ पे आपको कैसे हो रहा है बाय सेल बाय गिफ्ट बाय मॉडगेज बाय लीज अगर इस तरीके से आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो चुकी है जजमेंट नेपटे की प्रॉपर्टी जो अटैच हो चुकी है तो वो क्या माना जाएगा वॉइड माना जाएगा नौ यहाँ पे

डिवाइडेड डिविडेंट और अनदर मनी कॉन्ट्रेट टू दटैचमेंट शैल बी वॉइड एज अगेंस्ट ऑल दी क्लेम्स इनफोर्सिबल अंडर दटैचमेंट इसको क्या माना जाएगा वॉइड ही माना जाएगा तो प्रम्स के लिए चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना वॉइड अगर आप जो है एलिनेशन करते हो आफ्टर अटैचमेंट अटैचमेंट के बाद अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अटैचमेंट से पहले ठीक है, है, है जब आप अटैचमेंट के बाद प्राइवेटली ट्रांसफर कर देते हो प्रॉपर्टी तो सारे क्लेम्स के रिस्पेक्ट में वो वॉइड माना जाएगा क्लियर नाउ आगे देखो सेक्शन सेवेंटी सेक्शन सेवेंटी बात करता है resistance of, resistance ठीक है अब ये कहता है इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन सेवेंटी फोर यह कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी जजमेंट डेप्टर रिजिस्ट करता है रोकता है प्रिवेंट करता है अगर रिजिस्ट करता है तो उस केस में उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा तीस दिनों के लिए और ये डेट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, वसीम खान आई एल मेक श्योर की वन शाल बी कंप्लीटिंग दिस सीपीसी रिविजन आई एल प्रोवाइड यू द इंपॉर्टेंट केस लॉ की लिस्ट

ऑर्डर द जजमेंट और सच अदर पर्सन टू बी डिटेन इन द सिविल प्रिजन फॉर द टर्म एक्सटेंड टू सिविली डेज ठीक है तीस दिन के लिए उसको जो है जेल की हवा खाने के लिए भेज सकता है राइट सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है अगर वो रिजिस्ट करता है एग्जीक्यूट नहीं होने देता है आपकी डिग्री को या आपको डिलीवरी नहीं देने दे रहा है पोजिशन नहीं दे रहा है मूल प्रॉपर्टी की उस केस में आपका जजमेंट डेप्टर या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो यहाँ कोर्ट जो है एट द इंस्टेंस ऑफ होम डिग्री होल्डर या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे तीस दिनों के लिए आपको उसको डिटेन कर सकता है सिविल प्रेजेंट में एंड एनी मेक नी फर्दर डायरेक्ट डिग्री होल्डर और दी परचेजर इम्पोर्ट टू दोजन ऑफ प्रॉपर्टी और फिर डायरेक्ट कर देगा कि भाई डिग्री होल्डर है जो जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसको पोजेशन दे दी जाए इस रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी की क्लियर आई होप इट क्लियर नाउ आगे देखो सेक्शन सेवेंटी फाइव जो बात कर रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन कि भाई पावर है कोर्ट की कि वो इशू कर सकता है कमीशन उसके रिस्पेक्ट में क्या कहता है, है सब्जेक्ट तो सम फेवरेट है, है, है सारे स्टेट जुडिशरी का राइट right? अभी कह रहा है कि कोर्ट इशू कर सकता है कमीशन किन किन चीजों के लिए एग्जामिन करने के लिए किसी पर्सन को राइट right? दूसरा लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तीसरा एग्जामिन या एडजस्ट करने के लिए कोई भी अकाउंट या फिर वो कोर्ट जो है इश्यू कर सकता है कमीशन पार्टीशन करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए कोई भी साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन या फिर कंडक्ट कर सकता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू दि स्पीड ने कस्टडी ऑफ द कोर्ट Pending the determination of the suit. तो मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो की की है. मतलब तो जो जल्दी खराब हो सकती है Naturally, अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो जल्दी वो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो चीज तो उसको सेल भी कर सकता है और अभी उस पर्टिकुलर सूट में डिटर्मिनेशन पेंडिंग है ठीक है उस टाइम के बीच में कमीशन जो है आपका सेल भी कर सकता है राइट नाउ टू परफॉर्म एनी अदर मिनिस्ट्रियल एक्ट ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है कि इन सब कामों के लिए कमीशन जो है कोर्ट इशू कर सकता है तो पावर है कोर्ट के पास कि वो इशू कर सकता है कमीशन फॉर ऑल दीज थिंग्स अब ये आपका इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ यू कैन टेल मी ऑर्डर ऑर्डर कौन से में आता है ये कुलवीर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो तो मैं यहाँ पे कवर अप कर ही रही हूँ बट अगर आप चाहें तो जब आप पढ़ रहे हो तो एक बस एक नजर डाल के देख सकते हो सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है जो सेक्शंस मैं बता रही हूँ ये तो आपके आते ही आते हैं एग्जाम में राइट right? जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन से वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ड्राई एरियाज हैं आपके वो एलियन वाला हो गया या कुछ एरिया जो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ उससे बहुत ही रेयर कभी कोई क्वेश्चन बनता है अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनता है बट आप चाहें तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने पूरा कवर टू कवर कर लिया है तो उसके लिए आप जो है सरसराती हुई नजर से डाल सकते हैं कि भाई इसमें ये दे रखा इस है इसमें दे रखा है बट ऐसे एग्जाम में किसी भी स्टेट जुडिशरी में पूछा गया नहीं है उन एरिया से जो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ राइट right. नाउ अब ये देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसपे देखो कुलवीर जी अगर आप यहाँ देखोगे कि जो ये क्लॉज की ए बी सी डी ई है ना हमने ये पढ़ तो लिया बट हमें ये याद भी होना चाहिए कि किन किन चीजों के लिए कोर्ट जो है कमीशन इश्यू कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है राइट एंटीजी आई डेंट गेट यू वॉट इज येट यू आस्क मी वन आई रिवर्ड बैक टू इट राइट right? तो यहाँ पे सेक्शन सेवेंटी फाइव भाई देखो इंपॉर्टेंट है और अगर आप में से कोई भी मुझे बताए कि कौन से ऑर्डर में आता है कौन से ऑर्डर के साथ इसको पढ़ा जाता है कमेंट करके बताओ कि कौन से ऑर्डर में हम ये पढ़ते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन दिस सेक्शन करके फटाफट ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स ओके चलो ठीक है ओके okay, सोनी जी

राइट right? अगर बाहर के कोर्ट में कोई रहता है जहां बाहर किसी और कोर्ट की में, किसी और स्टेट की में रहता है तो वहां पे भी आपका कोर्ट जो है कमीशन इश्यू कर सकता है क्लियर आई होप इट इज क्लियर सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट नाउ नेक्स्ट देखो कुलवीर पंजाब एडीए का एग्जाम दे रहे हैं आप ठीक है बट जो भी सेक्शन यहाँ पे कवर हो रहे हैं आई डोंट थिंक उस एग्जाम में भी आपको ये ड्राई एरिया से क्वेश्चन बनते हैं प्रेलिंग्स में

राइट right? ये भी एक तरीका होता है इस तरीके से अपने प्रोसेस डेवलप करो अपने दिमाग में आई पीसीबलो काटा है का, तो उसमें कितने पॉसिबल व्हेन व्हेन यू विल जॉट डाउन ऑल दीज थिंग्स जब आप अपना पढ़ रहे हो उस टाइम पे अगर आप लिख लेते हो तो फिर उससे बाहर आपके अपनी कॉपी से बाहर ही नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन राइट right? तो थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करो दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम सी एक दिन पहले एनटीजी जो भी आपका नाम जो भी है ठीक है तो एंटी जी एग्जाम से एक दिन पहले सब कुछ कैसे रिवाइज करें देखो तो ये तो बहुत मुश्किल है लॉ आता है आपका भी भी आप बस एक दिन पहले रिलैक्स करें टेक अ प्रॉपर स्लीप बिफोर यू गो एग्जाम से पहले एक प्रॉपर स्लीप लेके जाओ अच्छी स्लीप लेके जाओ उससे पहले हार्ड वर्क करो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा पहले से पढ़ के रखो और बस बेराट के इंडेक्स को रिवाइज करके जा सकते हो आप एग्जाम में एक दिन पहले तो बस इतना ही करो और अदरवाइज से आई से गिव Rest to your mind. Mind को stable होने की बहुत जरूरत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़कर तो उससे कोई फायदा निकलने नहीं वाला है तो इसलिए आई वु एग्जाम से एक दिन पहले तो आराम से सो के जाना चाहिए राइट right? चलो बैक टू दी सेशन सेवन ने देख लिया court, कि court, दूसरे court में भी कमीशन इशू कर सकता है 77,

रिविजन के लिए ही यू कैन जस्ट गो थ्रू दी एक्ट एन टीजी आई वुड से। सेट इज ट्रू वैशाली अगर आप सेक्शन को पढ़ोगे देखो सेक्शन में क्या दे रखा है सीपीसी में सबस्टैंडिव राइट ठीक है और प्रोसीजर एक्सपेक्ट उसका दे रखा है आपके ऑर्डर्स और रूल में जैसे अरेस्ट के रिस्पेक्ट में ठीक है तो अरेस्ट के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे देख लिया आपका प्र, प्रोविजन अब ऑर्डर ट्वेंटी में एग्जीक्यूशन में अरेस्ट और अगर आप जो है एक साथ मिला के पढ़ते हो तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होती है आपकी इसीलिए यहाँ पे सेक्शन अलग दे रखे हैं और ऑर्डर और रूल्स अलग दे रखे हैं अंजलि ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स वेरी करेक्ट कमीशन दे रखा है आपका ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स में वेरी करेक्ट क्लियर नाउ आगे देखो सेक्शन 78 जो बात करता है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स कि भाई कमीशन uh, इशू हो सकता है फॉरेन कोर्ट द्वारा एंड दिस सेक्शन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू शुड रिमेम्बर दिस सेक्शन नंबर ठीक है सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है कभी किसी एग्जाम में uh, ऐसे कंटेंट पे नहीं आया है क्वेश्चन बट यहाँ पे सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है आपका राइट right? आगे देखो सूट बाय और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 79 जो बात कह रहा है कि जहां पे सूट लाते हुए आप या तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या सूट गवर्नमेंट सूट लाती है उसके रिस्पेक्ट में क्या कहता है अब यहां कह रहा है कि इना सूट बाय गवर्नमेंट, दवेंट अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज स्पेंटिडेंट एज केस मे बी शैल क्या होगा किस नाम से आप सूट को दर्ज करोगे उसके रिस्पेक्ट में बता रखा है यहाँ कहते हो कि अगर आप सूट ला रहे हो बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट ला रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सूट ला रही है तो क्या लिखते हो आप यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हो और अगर आप सूट ला रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ठीक है सूट बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो आप क्या लिखते हो द स्टेट ठीक है तो आप क्या लिखते हो द स्टेट क्लियर ये ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लाते हो तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लाते हो तो स्टेट का नाम लिखते हो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इस तरीके से लिखते हो क्लियर चलो आगे देखो सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट है नोटिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि जहां पे आप सूट लाते हो किसी गवर्नमेंट uh, के खिलाफ या देखो क्या कह रहा है कि नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट दी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परिटी अंटिल अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है द एक्सपायरेशन ऑफ टू मंथस ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम दिया जाता है दो महीने का नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू और लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ इन द केस ऑफ द सूट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट आप किसको दोगे किसको डिलीवर करोगे अगर वो रिलेट नहीं करता है रेलवे से तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट अभी हम इसको आगे बाद में पढ़ेंगे पहले ये इसका मेन बॉडी समझो क्या कह रहा है दी दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी सूट आप गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जो काम कर रहा है पब्लिक कैपेसिटी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ठीक है कोई भी वो एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ आप सूट नहीं लाओगे जब तक दो महीने का नोटिस आप उसे ना दे दो ठीक है एक्सपायरेशन ऑफ टू मंथ दो महीने के बाद ही उसके खिलाफ आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो राइट right? नाउ अब यहां पे कह रहा है कि पे डिलीवर करोगे आप वो नोटिस पे डिलीवर करोगे? अगर आप सूट ला रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो रिलेट नहीं करता है रेलवे से तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट तो उस गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को आप डिलीवर करोगे अगर आप सूट ला रहे हो अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इट रिलेट्स टू रेलवे जनरल मैनेजर रेलवे के जनरल मैनेजर को आप दोगे नोटिस ठीक है उसको डिलीवर करोगे या उसके ऑफिस पे छोड़ोगे उसके ऑफिस पे डिलीवर कर दोगे उस नोटिस uh, को क्लियर नाउ नेक्स्ट कहता है जहां पे सूट है अगेंस्ट सूटेंट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को दोगे अगर जम्मू एंड कश्मीर का आपको नोटिस देना है या कोई भी दूसरे ऑफिशियल जो ऑथराइज है उस गवर्नमेंट द्वारा उस बिहाफ के लिए राइट right. जहां पे सूट आप लाते हो अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट तो उस केस में द सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट में देना है तो कलेक्टर को देते हो ठीक है तो ये सारे नोटिस आप इनको डिलीवर करते हो या इनके ऑफिस में डिलीवर करते हो क्लियर नाउ अब ये सेकंड क्लॉज क्या कहता है पहला क्लॉज देख लिया और हमने पहले क्लॉज में ये एक पहली लाइन देख ली थी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 तो सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका कि अगर सूट है ऑब्टेन करने के लिए कोई अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ अगर आप कोई सूट लाते हो जहां पे आपको अर्जेंट रिलीफ चाहिए या कोई इमीडिएट रिलीफ चाहिए अगेंस्ट दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चाहिए या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट चाहिए जो वर्क कर रहा है जो एक्ट कर रहा है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में राइट right? तो उस केस में अगर कोर्ट परमिशन दे देती है ठीक है तो उस केस में बिना नोटिस के आप जो है वो रिलीफ ऑप्टेन कर सकते हो अगर कोर्ट आपको परमिशन दे सकती है नाउ रीड आउट दी लैंग्वेज के क्या लैंग्वेज यूज करी है गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दवर्मेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट पर्पोर्टिंग टू बी डन बाई सब्लिक ऑफिसर इनऑफिशियलिटी मे बीस्ट्यूटेड विद ऑफ दर्ट विदाउट सर्विंग एनी नोटिस बिना नोटिस सर्व किए आप जा सकते हो अगर वो रिलीफ जो है आपकी अर्जेंट है और इमीडिएट है और कोर्ट ने अगर परमिशन दे दी है तो बिना नोटिस सर्व किए आप जो है उनके खिलाफ सूट ला सकते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर जो एक्ट कर रहा है आपका इन ऑफिशियल कैपेसिटी राइट बट द कोर्ट शेल नॉट ग्रांट रिलीफ इन द सूट वेयर इंटरम और अदरवाइज चाहे वो इंटरम हो या अदरवाइज हो एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द गवर्मेंट पब्लिक ऑफिसर एज द केस में बी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ प्रेड फॉर द सूट बट यहाँ पे कोई भी रिलीफ कोर्ट नहीं देगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट को या उस पब्लिक ऑफिसर को ये अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए ऑफ बीइंग राइट उसको उसको अपॉर्चुनिटी देके बुलाया जाएगा कि क्यों आपके खिलाफ जो रिलीफ क्लेम करी है जो रिलीफ प्रे करी है सूट में उसके रिस्पेक्ट में आपको आके बताना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उनको भी नाउ एक प्रोवाइडेड डेट जो यहाँ पे एड कर रखा है द कोर्ट शैल इफ इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर हेयरिंग दी पार्टीज अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाएगा उसको शो कॉज करने के लिए अपनी वजह तो उस केस में कह रहा है कि कोर्ट इफ सेटिस्फाइड आफ्टर द पार्टी दैट कोई भी अर्जेंट और इमीजिएट रिलीफ की जरूरत नहीं है ठीक है उसको ऐसा लगता है दोनों पार्टी को सुनने के बाद कि कोई भी अर्जेंट और इमीजिएट रिलीफ की जरूरत नहीं है ग्रांट करने की जरूरत नहीं है सूट में तो वो रिटर्न कर देगा प्लेन

वो चाहे तो वो सेटल क्लेम्स uh, को सेटल कर सकती है आउटसाइड द कोर्ट आल्सो तो उसको टाइम दिया जा रहा है ताकि वो एक लीगल एडवाइस लेके रिप्रेजेंट कर सके केस को या फिर उस केस को सेटल कर सके आउटसाइड द कोर्ट आल्सो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट और आपके पब्लिक ऑफिसर को दो महीने का टाइम दिया जाता है क्लियर नाउ आगे देखो सेक्शन एटी क्या बात करता है तो सेक्शन एटी बात कर रहा है एक्जेम्पन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपेयरेंस की जहाँ पे एग्जेप किया जा रहा है अरेस्ट से क्या आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप पर्सनली अपियर हो

Now, where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself from his duty, ठीक है यहाँ पे अगर uh, court uh, satisfied हो जाता है कि defendant जो है अपनी duty से absent नहीं हो सकता ठीक है without determined to the public service, it shall exempt him from appearing in person. तो उसको exemption करेंगे कि तुम personally appear मत हो court में clear? तुम personally appear मत हो court में Now, in respect of section 82, okay.

ठीक है उस डिक्री से तीन महीने तक आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते वो डिक्री ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स के लिए नो ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है थ्री मंथ्स का टाइम जो दे रखा है ये आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर अब ये चीज इंपॉर्टेंट है रीजन बींग की यहां टाइम है जैसे नोटिस वाले में 80 में सेक्शन 80 में क्या है दो महीने का टाइम दे रखा है यहाँ पे थ्री मंथ्स का तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और साथ में ये सेक्शन नंबर आपका इंपॉर्टेंट है और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है जहां पे कोई सूट आया है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट या स्टेट या फिर आपका पब्लिक ऑफिसर इन तीनों चीजों के रिस्पेक्ट में राइट तो तीन महीने का टाइम दे रखा है ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए नाउ टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका इंटरपीरियड सूट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये

ये बी और सी जो है आपस में लड़ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउस ठीक है तो यहाँ पे बी और सी का ए से कोई झगड़ा नहीं है ठीक है यहाँ पे बी और सी का ए से कोई झगड़ा नहीं है बी और सी जो है आपके ये आपस में लड़ रहे हैं किसी हाउस के पोजेशन को लेकर क्लियर अब यहाँ पे ए का कोई झगड़ा नहीं है अब यहाँ ए जो है इंटरेस्टेड है वो एक इंटरप्रीन सूट डाल सकता है कोर्ट में कि जो भी कोई राइटफुल क्लेमेंट है मैं उसको ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दूंगा मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक को क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो भी कॉस्ट वो इनकर कर रहा है सूट को लाने में क्लियर तो ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे झगड़ा किसके बीच में है बी और सी के बीच में है किसी घर को लेकर और यहाँ पे ए क्या करता है एक सूट फाइल कर देता है कोर्ट में कि इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको रिजोल्व कर दो एंड आई बी गिविंग ऑफ दोन हाउस जो भी जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा और ए को कुछ नहीं मिलेगा उससे बस ए को जो भी जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो बस ए को मिलता है दिस इज वॉट योर इंटरप्रीन सूट इज नाउ रीड आउट दी सेक्शन एक बार सेक्शन को देखो क्या कहता है टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनादर द सेम डेप्ट ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या फिर आपकी इमूवेबल हो राइट फ्रॉम अनादर पर्सन हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट यहां देखो बी और सी एग्जाम्पल में बी और सी आपस में लड़ रहे हैं ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे ठीक है दो या दो से ज्यादा लोग लड़ रहे हैं ठीक है किसी रिस्पेक्ट ऑफ किसी सम ऑफ मनी हो गया कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई कोई इमूवल प्रॉपर्टी हो गई किसी दूसरे पर्सन से जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें ए का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन द चार्जेस और द कॉस्ट जो भी चार्जेस इनकर्ड हुए हैं और कॉस्ट इनकर हुआ है बस उसको ए को वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा और उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस घर में जो घर की हम बात कर रहे हैं हु इज रेडी टू पे एंडवर इट टू अटफुल करने के लिए इनमें से जो भी डिलीवर कर देगा ए वो इंटरेस्टेड है सच अदर पर्सन में जो सच अदर पर्सन है वो ए है वो इंस्टीट्यूट कर देगा सूट ऑफ इंटरप्रीडर अगेंस्ट ऑल दी क्लेमेंट फॉर दर्पज ऑफ ऑप्टेनिंग डिसीजन एज टू दी पर्सन टू होम देमेंट और डिलीवरी शेल बी शेल बी मेड एंड फॉर ऑप्टेनिंग दूनिटी फॉर हिमसेल्फ ठीक है तो यहाँ पे ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको क्या मिलेगा सिर्फ कॉस्ट मिलेगा और जो भी उसके चार्जेस हैं वो मिलेंगे सूट लाने में जो भी कॉस्ट इनकर हुआ है वो मिलेगा इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे ये अदर पर्सन क्या कर रहा है ए वो सिर्फ इंटरपीरियड सूट ला रहा है ताकि जो राइटफुल क्लेमेंट है उनको जो है पोजेशन मिल जाए

ठीक है एडीआर मैकेनिज्म की अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जहां पे आप कराते हो कि मान लो कोई पार्टी है तो उसको पहले आपका ऑर्डर टेन ऑर्डर टेन में कहा जाता है कोर्ट क्या करती है कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है कि पहले वो उनसे कह देगी क्या आपको अपने सूट को कोर्ट के बाहर सेटल करना है इन मैकेनिज्म के थ्रू जो दे रखे हैं आपके सेक्शन एटी नाइन में राइट right? चलो देखो क्या कहता है लैंग्वेज को देखो क्या कह रहा है वेर इट अपियस टू दी कोर्ट दैट देर एग्जिस्ट इन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि भाई पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकता है

of legal service authorities act and shall all other prov provisions of the act shall apply इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट रेफर टू लोक अदालत जब लोक अदालत में रेफर करेंगे तो कौन सा लॉ लगेगा आपका ये लगेगा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट राइट अगर आप सेटलमेंट करा रहे हो जुडिशल सेटलमेंट करा रहे हो तो डीम टू बी लोक अदालत एंड ऑल दोविजन लीगल सर्विस अथॉरिटीज विल बी एप्लीकेबल फॉर मीडियशन मीडियशन के लिए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दी एंड शेल फॉलो द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है तो जहां बस इतनी बात ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 89 में बताया है कि आप अपने सूट को आउटसाइड द कोर्ट सेटल करा सकते हो एंड दिस सेक्शन हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 10 जो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के रिस्पेक्ट में बात करता है क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 90 जो बात कर रहा है पावर टू स्टेट केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट जहां पे भी कोई पर्सन अगर एग्री करता है राइटिंग में ठीक है पे भी कोई पर्सन अगर एग्री करता है राइटिंग में टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट कि उसको जो है ओपिनियन लेना है कोर्ट का राइट देन द कोर्ट शेल ट्राई एंड डिटरमाइन द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब तो वो उसको उसी मैनर में आपका प्रिस्क्राइब करता है उसको हम फ्रेंडली सूट्स भी कहते हैं क्लियर नाउ

दूसरा इंपॉर्टेंट है विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय टू और मोर पर्सन इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज टू सच सच पर्सन बाय द रीजन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट अब ये जो क्लॉज है ना आपका ये ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो क्लॉज है आपका क्लॉज ए और क्लॉज बी ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है कि कौन इंस्टीट्यूट करता है इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ठीक है तो यहां पे सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका एडवोकेट जनरल द्वारा ठीक है एडवोकेट जनरल द्वारा और दूसरा क्या कह रहा है कोर्ट की परमिशन से दो या दो से ज्यादा लोग भी सूट ला सकते हैं बेशक उनको कोई स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है उस पब्लिक न्यूसेंस से या फिर एक्ट से राइट right? तो यहाँ पे ध्यान रखना एडवोकेट जनरल uh, ला सकता है सूट या फिर आपका कोर्ट की परमिशन से दो या दो से ज्यादा पर्सन ला सकते हैं बेशक इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज टू सच सच पर्सन बाय द रीजन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और आपका अदर रॉन्गफुल एक्ट क्लियर A very good evening to all of you. All of you. Imran Khan, uh, Ir Irfan Khan, very good evening. Deep Sharma. Yes, yes, we'll be discussing orders after this.

ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट जहां पे भी कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है चाहे वो एक्सप्रेसिव हो या आपका कंस्ट्रक्टिव हो राइट क्रिएटेड फॉर दी पब्लिक पर्पज और वो ट्रस्ट किसके लिए क्रिएट किया, किया गया है पब्लिक Purpose के लिए क्रिएट किया गया है फॉर ऑफ अ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर और वे द डायरेक्शन ऑफ द द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच ट्रस्ट तो उस केस में एडवोकेट जनरल या फिर दो या दो से ज्यादा लोग हैविंग एन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इस केस में 92 में 92 के सेक्शन उनका होना जरूरी है उस पब्लिक ट्रस्ट में राइट नाइन्टी वन में क्या था कि बेशक कोई स्पेशल डैमेज नहीं हो रही है फिर भी दो या दो से ज्यादा लोग कोर्ट की परमिशन से सूट ला सकते हैं इंस्टीट्यूट कर सकते हैं यहां पे क्या कह रहा है कि एडवोकेट जनरल

आगे देखो यहाँ पे ये यह जो आपका जो इन रिस्पेक्ट ऑफ ये बात हो रही है पब्लिक चैरिटीज की अब ये कह रहा है वेयर इट इज कंटीजियस और नॉट इन दब्लिक इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल रिजेक्शन और इन एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुक्शन द होल और एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट इज सिटेड टू ऑप्टेन अ डिग्री और वो ऑप्टेन कर रहे हैं डिग्री किस चीजों के लिए या तो वो रिमूव करा रहे हैं कोई भी ट्रस्टी को या फिर अपॉइंट कर रहे हैं कोई नया ट्रस्टी या फिर वेस्ट कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी ट्रस्टी को ठीक है या डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रस्टी को हु हैज रिमूव पर्सन हु टू डिलीवर करना चाहते हैं तो ये दो, दो से, से कर सकते हैं और ऑप्टेन कर सकते हैं डिग्री इन सारी चीजों के लिए रिमूव करने के लिए ट्रस्टी या फिर अपॉइंट करने के लिए नया ट्रस्टी या फिर अगर रिमूव किया गया है तो उसके पास पोजेशन है तो पर्सन नया एन टाइटल है उसको क्लियर नाउ आगे देखो Uh, या डायरेक्ट कराने के लिए कोई अकाउंटेड अकाउंट uh, या इंक्वायरीज या डिक्लेयर कराने के लिए कोई भी प्रोपोर्शन ऑफ दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ऑफ द इंटरेस्ट देर इन शैल बी एलोकेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट या फिर ऑथराइज करने के लिए होल और एनी पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू लेट सोल्ड नॉट और एक्सचेंज या फिर सेटल करने के लिए कोई भी स्कीम या फिर ग्रांट करने के लिए कोई फर्दर रिलीफ या अदर रिलीफ एज ए नेचर ऑफ द केस रिक्वायर्स इस हिसाब से केस रिक्वायर करता है उस हिसाब से कोई भी दूसरे रिलीफ भी ग्रांट कर सकता है सप्लीमेंट right? का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज को सप्लीमेंट कर रहे हो किसी चीज को एक एक्स्ट्रा चीज जा रही है कि भैया हम इस चीज को सप्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है हम इस चीज के साथ में जा रहे हैं तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट जस्टिस फ्रॉम बींग डिफिटेड द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब यह कह रहा है कि जस्टिस के लिए ठीक है सॉरी जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ठीक है फॉर द एंड ऑफ दस्टिस यहां है और उसमें क्या क्या हो सकता है इशू कर सकते हो आप वॉरेंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग ब्रिंग बिफोर बिफोर हिम द कोर्ट टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट फॉर सिक्योरिटी फॉर हिज अस एंड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी कमिट हिम टू सिविल प्रिजन ये कह रहा है कि अगर जस्टिस को सिक्योर करना है उस केस में आप इशू कर सकते हो वारंट अरेस्ट करने के लिए कोई डिफेंडेंट या फिर और उसको कोर्ट के सामने ला सकते हो और उससे कहोगे कि वो शो कॉज दे कि भाई उसको क्यों नहीं वो क्यों नहीं फर्निश करेगा आपका सिक्योरिटी अपने अपेयरेंस के लिए और अगर वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए उस चीज को तो उस केस में आप उसको सिविल प्रेजेंट में भी कमिट कर सकते हो दूसरा डायरेक्ट कर सकते हो डिफेंडेंट को कि वो फर्निश करे सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी या यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के थ्रू डिफेंडेंट को कि वो फर्निश करे सिक्योरिटी कि वो प्रोड्यूस करेगा जो भी प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है और प्लेस करेगा सेम प्रॉपर्टी किसको कोर्ट के सामने ताकि कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ करे या फिर आपका ऑर्डर करे अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी क्लियर नेक्स्ट इज आपका कैन ग्रांट

Yeah, attachment has been affected or temporary injunction has been granted under the last proceeding.

करता है अप्लाई करता है कोर्ट को एंड द कोर्ट में अपॉन द एप्लीकेशन अवार्ड अगेंस्ट दि प्लेटिव इट्स ऑर्डर सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी थाउजेंड रुपीज नॉ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स अब ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे बता दिया कि पचास हजार रुपए से ज्यादा का कंपनसेशन नहीं दिया जाता है अगर आपके खिलाफ अगर मान लो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी फालतू में अटैच कर दी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी या फिर उसको अरेस्ट कर लिया या फिर उसके खिलाफ टेम्परेरी इंजेंशन ग्रांट कर दिया और वो बिना किसी ग्राउंड के किया है तो उस केस में डिफेंडेंट जब कोर्ट में लगाएगा तो प्लेटिफ के खिलाफ जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कितना कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एज ए डीम रीजनेबल कंपनसेशन टू द डिफेंडेंट फॉर द इंजरीज और उसमें इंक्लूड होता है आपका रेप इंजरी राइट नाउ प्रोवाइडेडिंग रिजेक्शन जो उस कोर्ट की पीक्यूर रिजेक्शन है उससे ज्यादा कंपनेशन कोर्ट अवॉर्ड नहीं करता है एंड ऑर्डर माइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शेल बार बाई एनी सूट

गो ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर ओके फार्मर बिल्कुल सही फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कंपनसेशन दिया जाता है क्लियर नाउ अब देखो अपील के रिस्पेक्ट में क्या बात हो रही है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सबसे पहले अपील के रिस्पेक्ट में यह समझ लो कि अगर कोर्ट में दे रखा है अगर स्टैट्यूट में दे रखा है कि अपील लाई करती है तो ही अपील होती है अदरवाइज अपील आपके अलाउड नहीं होती राइट right? अगर स्टैट्यूट में दे रखा है कि यू हैव अ राइट टू अपील तो आप अपील में जा सकते हो अदरवाइज आपके पास अपील का राइट नहीं होता और अपील का कोई इनहेरेंट राइट right नहीं होता है किसी पर्सन के पास राइट इट इज अ क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट अपील का राइट जो होता है आपका तो यहाँ कह रहा है सेव एज वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड Or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by an court exercising original jurisdiction of the court authorized to hear appeal from the decision of such.

द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड टेन थाउजेंड रुपीजी तो ये कह रहा है अगर दस हजार रुपए से कम का मसला है तो उसमें अपील नहीं जाती है एक्सेप्ट अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो उसमें अपील जाती है अरवाइज उस केस में भी अपील नहीं जाती है, अगर स्मॉल कॉल स्कोर्ट का है और सब्जेक्ट मैटर वैल्यू जो है उसकी दस हजार रुपए से कम है

इरेगुलरिटी है या कोई ऐसा एरर है ऐसे नेचर का है जो अफेक्ट नहीं कर रहा है मेरिट्स ऑफ द केस को या फिर अफेक्ट नहीं कर रहा है आपके जुरिस्डिक्शन को और यही बात आपके मेन सेक्शन में कह रखी है नो डिक्री शैल बी रिवर्स और सब्सटैंशियली वैलिड नॉर शैल एनी केस बी रिमांडेड इन अपील ऑन द अकाउंट ऑफ एनी मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर Or cause of अगर है या नहीं होना चाहिए अगरिफेक्टेड है तो उसके मॉडिफाई हो सकता है डिग्री बट अगर मेरिट्स ऑफ द केस आर नॉट अफेक्टेड नहीं हो रहा है कोर्ट का तो उस केस में आपकी डिग्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा ना ही मॉडिफाई किया जाएगा नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो प्रोवाइडेड है कि भाई नेसेसरी पार्टी देखो देर आर टू पार्टीज एक होता है आपका प्रॉपर पार्टी एक होता है नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी का होना सूट में ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी पार्टी का होना जरूरी क्यों है क्योंकि अगर नेसेसरी पार्टी पार्टी अप टू द सूट नहीं हुई तो फिर बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम पे दिक्कत आती है ठीक है एग्जीक्यूशन और जब डिग्री को एग्जीक्यूट कराते हो तो वो कहते हैं भाई हमसे तो पूछा ही नहीं हम तो नस... मतलब वो इंपॉर्टेंट पार्टी है दैट इज पार्टी और उसका होना जरूरी है ताकि आप वैलिडली एग्जीक्यूट करा सको डिग्री को तो इसीलिए यहां पे कहता है कि अगर नेसेसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया है आपने तो उस केस में आपकी डिग्री को रिवर्स और वेरी कर दिया जाएगा प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइनर ऑफ नेसेसरी पार्टी अगर आपने नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है तो उस केस में कुछ भी सेक्शन का एप्लीकेबल नहीं होता है तो जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी अगर नेसेसरी पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उससे क्या होता है कि डिग्री जो है वैलिडली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है उसमें कुछ ना कुछ फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या ऑब्जेक्शन रेस कर देती है आपकी पार्टी तो इसीलिए नेसेसरी नेसेसरी पार्टी अगर का ज्वाइन नहीं किया है आपने तो उस केस में इस सेक्शन का कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा और ना उस केस में फिर आपकी डिग्री रिवर्स भी सकती है सबसेंशियली आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो क्लियर आगे देखो सेकंड अपील के रिस्पेक्ट में नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है इसका 100 सेक्शन जो है बात करता है सेकंड अपील की अब सेकंड अपील के रिस्पेक्ट में क्या कहता है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दी बॉडी ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बींग इन फोर्स एंड अपील शेल लाई टू दी हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास एंड अपील बाई एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट राइट टिस्फाई court, court हो जाता है कि उस केस में जो सबिनेट कोर्ट जो है अपील में जा रही है हाईकोर्ट में उस केस में अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इनवॉल्व है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हो अपनी सेकेंड अपील लेकर ठीक है

होना चाहिए नाउ द अपील शैल बी हर्ड ऑन ऑफ फॉर्मुलेटेड उसके बाद जो क्वेश्चन किया है, कि है सुनी जाती है उसी क्वेश्चन करी गई है एंड द रिस्पॉन्डेंट शैल एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू दैट द केस नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन और यहाँ डिफेंडेंट जो अदर पार्टी है जिसको ऑब्जेक्ट कर रही है उस अपील को उसको अलाउ किया जाता है कि वो ये बात प्रूव करे कोर्ट में के इस केस में अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड द अपील ऑफ एनी अदर सबसे क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट फॉर्मुलेटेड बाई इफ इट द केस इन्वॉल्व क्वेश्चन अभी कह रहा है कि मान लो क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं किया बट फिर भी एक जब हेयरिंग कर रहा है उसको लगता है कि कोई सबसे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व कर रहा है तो उस पर भी वो वो सुन सकता है बेशक उसने फॉर्मुलेट नहीं किया है क्वेश्चन ठीक है अगर उसको उसको लगता है हाई कोर्ट को लगता है कि सब्सैशियल क्वेश्चन है वो ठीक है कोई दूसरा सब्सैशियल क्वेश्चन है जिस पे उसने फॉर्मुलेट नहीं किया है तो उस केस में भी वो उस, उस पर सुनवाई कर सकता है कोई बार नहीं है कोर्ट के कोर्ट के पास ही पावर दे रखी है उसे उसके पास ही पावर है कि वो दूसरे सब्सैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी सुन सकता है बेशक उसने फॉर्मुलेट नहीं किया है क्लियर आगे देखो सेक्शन वन नॉट थ्री क्या कह रहा है एन टीजी सेकेंड अपील जो है आपकी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है ठीक है नाउ व्हाट इज सब्सैशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये तो जो है आपका कहीं पे डिफाइन नहीं है कोर्ट में कहीं पे डिफाइन नहीं है बट वो डिपेंड करता है अलॉन्ग विद कोर्ट मस्ट भी सेटिस्फाइड की हाँ भाई कोई ऐसा मैटर है जो किसी ने पहले डिसाइड नहीं किया है या उस पर कोई अभी कोई और कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है हायर बेंच ने कोई डिसीजन नहीं दिया उस पर एंड वो सारी चीजें आपकी जो है सब्सटैशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में आ जाती है राइट नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज वन नॉट थ्री जो बात कर रहा है पावर ऑफ हाईकोर्ट कोर्ट डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट ठीक है पावर है कोर्ट की, की वो डिटरमाइन करेगा आपका इशू ऑफ फैक्ट

और वो बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसेंस और दी लोअर अपेलेंट कोर्ट लोअर अपेलेंट कोर्ट ने भी उसको डिटरमाइन नहीं किया उस इशू को ना ही आपके कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसेंस को डिटरमाइन किया है दूसरा कहता है विच बीन रॉन्गली डिटरमाइंड बाय सच कोर्ट और कोर्ट ऑफ रीजन कोर्ट बाय रीजन ऑफ द डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इट इज रेफर्ड टू सेक्शन इलेवन या फिर रॉन्गली डिटरमाइन कर दिया उस कोर्ट ने लोअर फर्स्ट इंसेंट ने या फिर आपके अपेलेंट डिग्री अपेलेंट कोर्ट ने उसको रॉन्गली डिसाइड कर दिया है डिटर्माइन कर दिया उस, उस इशू को तो यहाँ पे पावर है हाई कोर्ट की डिटरमाइन कर सकता है कोई भी इशू

ऑर्डर्स ठीक है कौन से कौन से हैं ऑर्डर ऑर्डर जो दे रखा है आपको सेक्शन 35 ए में राइट right, ऑर्डर जो दे रखा है ठीक uh, है, है तो वो आपके जो है अपीलेबल ऑर्डर है जो लिस्ट आपको ध्यान से पढ़नी है और साथ में इसका कौन सा ऑर्डर है अगर आप में से कोई मुझे बता सके अपीलेबल ऑर्डर का कौन सा ऑर्डर है एनी वन आउट ऑफ यू कैन मी की कौन सा ऑर्डर है ये आपका अपीलेबल ऑर्डर का कौन सा ऑर्डर है और जो ऑर्डर है होमवर्क है आपके लिए कि जस्ट फाइंड आउट कि क्या ऑर्डर नंबर है और उस ऑर्डर नंबर में जो लिस्ट दे रखी है वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना वो प्रम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से आपके अपीलेबल ऑर्डर नहीं है तो यू मस्ट नो दैट लिस्ट की कौन से कौन से ऑर्डर आपके अपीलेबल है ताकि आप स्ट्राइक आउट कर सको कि कौन से कौन से अपीलेबल है कौन से अपीलेबल नहीं है राइट नाउ पावर ऑफ कोर्ट अब पे सेक्शन वन नॉट वसीम खान वेरी गुड वेरी नाइस ऑर्डर फोर्टी थ्री ठीक है तो ऑर्डर फोर्टी थ्री में फिर चेकआउट की भाई कौन से कौन से ऑर्डर आपके जो है अपीलेबल ऑर्डर है तो वहां पे जो लिस्ट है वो जरूर चेक कर लेना एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है नाउ

ठीक है तो एडिशनल uh, एविडेंसेस ले सकता है आपका डिटरमाइन uh, कर सकता है केस को पूरी तरीके से फाइनली रिमांड बैक कर सकता है साथ में फ्रेम कर सकता है इशू या फिर आपका रेफर कर देगा उसको ट्रायल के लिए फ्रेम करने के बाद इशूज और लास्टली कहता है आपका एडिशनल एविडेंसेज भी ले सकता है नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट right? ये जो आपके पावर्स दे रखी है ना कोर्ट के पास क्या पावर्स है तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से ध्यान रख लेना प्रियम्स के लिए सारे जो क्लॉजेस आपके ए बी सी डी जो है इंपॉर्टेंट है क्लियर नाउ मूविंग अहेड आगे देखो

होती है नाउ आगे नेक्स्ट uh, सेक्शन है आपका वन नॉट सेवन के जो क्लॉजेज है वो ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है के लिए आपका वो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेक्शन uh, जो बात कर रहा है वेयर अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट ठीक है कि अपील सुप्रीम कोर्ट को कब्लाई करती है तो सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन इन द चैप्टर फोर ऑफ पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सच रूल्स एज मे बी फ्रॉम टाइम टू टाइम Be made by the Supreme Court regarding the appeals from the Court of India and to the provision hereinafter contained, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree, final order in a civil proceedings. आपका सर्टिफाई करता है केस इन्वॉल्व करता है आपका सबसे क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस दूसरा अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि इन दी ओपिनियन ऑफ दाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाई द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अगर ये हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है तो अपील जाती है आपके सुप्रीम कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें है कि वो आपका क्वेश्चन ऑफ ऑफ लॉ उस केस में जनरल इंपॉर्टेंस और दूसरा कहता है कि उसको उसके ओपिनियन में लगता है कि ये मैटर जो है ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इस चीज पे जरूरी है ठीक है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट का डिसा, डिसाइड करना जरूरी है राइट नाउ येस सेक्शन वन नॉट नाइन हैज बी रेड विद ऑर्डर फोर्टी फाइव क्लियर ऑर्डर फोर्टी फाइव नाउ यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंटियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस और दूसरा अगर कोर्ट को आ, हाई कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा है कि मैटर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना

सो वट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी से जाके एनरोल करें इस लाइफ फाउंडेशन बैच में जिसकी क्लासेस 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ इसी कोड से आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप ये कोर्स ले सकते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन में और ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन आपको पे करने हैं दो सालों के लिए तो यहाँ पे आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा टू ईयर्स के लिए दैट तो इज एक साल में हम आपका पूरा कोर्स कवर अप कराएंगे और नेक्स्ट वन ईयर में आपका जो है आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं और अपने लेक्चर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं राइट लेक्चर नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं सो so, इतना सब कुछ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में जल्दी से जाके एनरोल करें डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोर्स श्री लाइफ फॉर द मैक्सिमम

थ्री रेफरेंस रिव्यू में जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है तो ध्यान रखना रेफरेंस है वन वन थ्री ठीक है रेफरेंस है आपका वन वन

सेटिस्फाइड केस इज पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट जहां पे कोई केस आपका जो है पेंडिंग है किसी कोर्ट के आगे ठीक है और वो वो केस आपका इन्वॉल्व करता है कोई क्वेश्चन रिलेटेड है किससे एज टू दैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन या फिर कोई भी प्रोविजन जो कंटेन है उस एक्ट में या ऑर्डिनेंस में या रेगुलेशन में द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस जिसका डिटर्मिनेशन जो है जरूरी है केस के डिस्पोजल के लिए ठीक है जहां पे देखो प्रोवाइडेड भी इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कह रहा है जहां पे कोर्ट ये सेटिस्फाई कर देता है कि केस पेंडिंग है और उस केस में जो केस पेंडिंग है उसमें क्या 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 चीज इन्वॉल्व है आपकी कोई ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व है जो रिलेटेड है वैलिडिटी ऑफ किसी वैलिडिटी किसी एक्ट की, की के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में या रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में या कोई भी प्रोविजन उस एक्ट का या ऑर्डिनेंस का या आपके रेगुलेशन का वो जरूरी है उसको सुनना उस मैटर को सुनना ठीक है डिटरमाइन करना उस मैटर को फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एंड इज द एंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एक्ट ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन ऑल दी प्रोविजन आर इनवैलिड और अगर ऐसा ओपिनियन है उस कोर्ट का जहां पर जी क्वेश्चन आपका पेंडिंग है उसका ऐसा ओपिनियन है कि वो जो है इनवैलिड है या फिर इनऑपरेटिव है बट But... बाय दी हाई कोर्ट बट यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि वो प्रोविजन उस एक्ट का उस ऑर्डिनेंस का या रेगुलेशन का या फिर वो एक्ट रेगुलेशन जो है वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है ऐसा कोर्ट ने भी नहीं कह रखा है बट कोर्ट को ऐसा जो को, जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है उसको ऐसा लगता है कि वो इन ऑपरेटिव है या फिर आपका इनवैलिड है तो उस केस में टू विच द कोर्ट इज सब ऑर्डिनेट और बाई द सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट शेल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजन देर फोर

उस कोर्ट को जिस कोर्ट में ये केस पेंडिंग है उसको लगता है कि ये इनवैलिड है या तो फिर वो आपका एक्ट ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन इनवैलिड है उनके प्रोविजन कोई भी प्रोविजन उसका इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है बट अभी उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है या नहीं तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो रेफर कर सकता है आपके केस को हाईकोर्ट को कि उसका ओपिनियन हाईकोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए

फ्रॉम विच नो अपील इज प्रेफर्ड अपील तो अलाउड है बट अपील को प्रेफर नहीं किया गया है या फिर कोई अग्रीव है किसी डिग्री से या ऑर्डर से फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड या जिसमें आपकी अपील अलाउड नहीं है बाई दिस कोर्ट या किसी भी डिसीजन से अग्रीव है ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजे मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ दजमेंट टू द कोर्ट विच पास द डिग्री और मेड ऑर्डर एंड द कोर्ट में प्रेफर नहीं किया गया है या फिर वो किसी भी कोर्ट के स्मॉल कोर्ट के डिसीजन से ठीक है स्मॉल कोर्ट ठीक है वो अप्लाई कर सकता है आपका रिव्यू के लिए रिव्यू के लिए वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को क्लियर उ रिवीजन की बात करें सेक्शन 115 बात करता है रिवीजन की तो ऐसे ध्यान रखना रेफरेंस आता है पहले फिर रिव्यू आता है एंड देन कम्स दी रिवीजन 113 रेफरेंस 114 आपका रिव्यू और 115 आपका रिवीजन क्लियर अब रिवीजन के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है रिवीजन कौन करता है हाईकोर्ट कर रहा है हाईकोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड of any case which has been decided by the court subordinate to such high court and in which no appeals lie there to and if such subordinate court appears ab yahan dekho revision kon kar raha hai high court kar raha hai to high court jo hai call kar sakta hai kisi bhi subordinate ke, uh, court ke case ko theek hai call kar sakta hai usko जो भी case आपका decide किया गया है सबॉर्डिनेट कोर्ट द्वारा high court जो है इसको call कर सकता है और उस case में जहां पे appeal नहीं lie करती है ठीक है ऐसे cases में जहां पे appeal lie नहीं कर सकती है अगर

इलीगली और या फिर इलीगली इस तरीके से का अप्लाई किया है अपने या फिर तो मटीरियल कोर्ट क्या करता है एज कर right? तो रिवीजन के जो ग्राउंड्स है आपके रिजिक्शन के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर ऐसा करता है तो कोर्ट जो है कॉल कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड uh, किसी भी केस का जो जो कोर्ट जो उस हाई कोर्ट से सब है जो कोर्ट जो है उस हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है आपका प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट शेल नॉट अंडर द सेक्शन शेल वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट

ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है आपका वैरी नहीं करेगा या रिवर्स नहीं करेगा किसी भी डिग्री को या किसी भी ऑर्डर को जिसके अगेंस्ट आपकी अपील गई है हाई कोर्ट में या फिर किसी भी दूसरे सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ठीक है अगर अपील जाती है तो रिविजन नहीं होता तो बहुत सिंपल सा समझ लो कि जहां पे अपील होती है वहां पर रिविजन नहीं होता है ठीक है क्योंकि पहले ही मेन इनिशियल सेक्शन में पहले पार्ट में सेक्शन के बहुत क्लियरली लिख रखा है कि हाई कोर्ट कॉल कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट से जहां पे आपकी अपील नहीं जाती है जहां अपील होती है वहां पे रिवीजन नहीं होता है क्लियर नाउ आगे देखो आगे देखो इन दिस रिस्पेक्ट के कह रहा है कि थर्ड क्लॉज में ना उसके सारे क्लासेस जो है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड क्लॉज में क्या कह रहा है अ रिविजन शैल नॉट ऑपरेट एज स्टे ऑफ सूट रिविजन को आप ये नहीं कहोगे कि आपका सूट पे स्टे लग गया है और अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर दी कोर्ट एक्सेप्ट सूट और अदर प्रोसीडिंग इन स्टेट बाई दाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट द्वारा स्टेड है तो कोई बात नहीं बट अदरवाइज आप उसको रिविजन को स्टे ऑफ सूट नहीं कहते हो ऑपरेट नहीं करता स्टे ऑफ सूट राइट नो एक्सप्लेन इन सेल क्लियर तो ये है आपका रिविजन का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है है पे आता है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है नाउ सेक्शन वन थर्टी टू जो बात करता है एग्जेमशन ऑफ सर्टन वोमेन्स फ्रॉम पर्सनल अपेयरेंस ठीक है अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जेपन्स की तो एग्जामेशन में क्या कह रहा है कि वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड मैनर ऑफ द कंट्री स इन दी कोर्ट जैसे पर्दा नशी लेडीज होती है पर्दा नशी वुमेन्स होती है वो जनरली आपका अवॉइड करती है पब्लिक मैने में, में वो अपने अपेयरेंस जो है पब्लिक में नहीं देती तो यहाँ पे उसको उनको भी एग्जेम किया जा सकता है अपेयर करने के लिए कोर्ट में उ नथिंग हेर इन शेल डीम टू बी एग्जेम सच वोमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस इन एनी केस इन विच द अरेस्ट ऑफ वोमन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस कोड राइट यहां पे क्या कहता है कि कुछ भी जो है इसका जो नथिंग हेर इन शेल बी शेल कंटेन उनको एक्जेम नहीं किया जाएगा उन वुमेन को अरेस्ट से इन द एगिक्यूशन ऑफ सिविल सिविल प्रोसेस इन एनी केस इन विच दी अरेस्ट ऑफ दुम इज नॉट प्रोहिबिटेड उसके जहां प्रोहिबिटेड नहीं है उसको एग्जेम नहीं किया जाएगा उन वुमेन्स को क्लियर ना आगे देखो एग्जेपन्स एक्जेम्पन ऑफ एनी अदर पर्सन तो इन सारे लोगों को एग्जेम्ट किया गया है ठीक है दी फॉलोइंग पर्सन शेल बी एंटाइटल टू एग्जाम फ्रॉम पर्सनल अपेयरेंस को इनको जो है कोर्ट में अपना पर्सनल अपेयरेंस देने की जरूरत नहीं है एंड दिस इज अ लिस्ट क्या कहता है वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अपेयर होने की जरूरत नहीं है कोर्ट में स्पीकर को हाउस ऑफ पीपल के ठीक है आपके मिनिस्टर्स को यूनियन के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर को स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दूटीज उनको आपको पब्लिक सॉरी कोर्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं है पर्सनली स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड दी पर्सन टू हुम अंडर सेक्शन 87 बी अप्लाइज तो इन सारे लोगों को आपको एग्जेम्प्ट किया गया इन सारे लोगों को कि ये अपीयर नहीं होंगे कोर्ट में ठीक है पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे नाउ सेक्शन 135 बात करता है एग्जेम्प्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस अब कौन से लोगों को एग्जाम कर रखा है तो ये कहता है किसी भी जज को या किसी भी मजिस्ट्रेट को या कोई भी दूसरे जुडिशियल तो 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 जब भी वो कोर्ट जा रहे हैं कोर्ट से वापस आ रहे हैं कोर्ट में प्रोसाइड कर रहे हैं तो उस केस में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा वेर एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर अ ट्राइब्यूनल है

फॉर दर्पज ऑफ सच मैटर वाइल रिटर्निंग फ्रॉ सच ट्राइब्यनल तो ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए आपका ये जो है ये लोग जो है इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है इनको एग्जेम किया गया है क्लियर नाउ आगे देखो सेक्शन वन फिफ्ट थर्टी फाइव ए ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट सेशन में कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेजिस्लेटिव बॉडीज के जो भी मेंबर्स है ना आपके उनको भी अरेस्ट नहीं किया जाता उनको एग्जेम कर रखा है ठीक है उनको आपका एग्जेम कर रखा है कि जब भी वो जो है हाउस में जाएंगे या हाउस से वापस आएंगे जब उनकी हाउस uh, में सेशन चल रहा होगा तो उस टाइम पे आप उनको अरेस्ट नहीं करते हो ठीक है तो ये सेक्शन नंबर आपका प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है भारतीय यादव ओनली सुप्रीम कोर्ट जजेस सी यहां पे यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है अरेस्ट एग्जाम किया जा रहा है किसी नो जजेस मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ठीक है यहाँ पे सिविल अरेस्ट की बात हो रही है लेकिन इससे पहले पहले वाले सेक्शन में यहाँ पे हमने अपेयरेंस की बात करी है कि उनको पर्सनली कोर्ट में अपेयर होने की जरूरत नहीं है तो किन किन लोगों को अपेयर होने की जरूरत नहीं है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आते हैं और आपके हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं कि इनको कोर्ट में पर्सनली अपेयर होने की जरूरत नहीं है यहाँ अरेस्ट के बारे में जजेस लिखा है दैट मीन ऑल दी जजेस क्लियर Now, आगे देखो सेक्शन 139 जो बात करता है ओथ

by किसी कोर्ट द्वारा इन विच द स्टेट गवर्नमेंट जनरली इमेंट क्लियर में क्या आया था दिस the notary नोटरी अपॉइंटेड अंडर तो किसी भी कोई भी नोटरी जो अपॉइंटेड है नोटरीज एक्ट में उसको भी जो है आप एडमिनिस्टर कर सकते हो oath on क्लियर नाउ सेक्शन 144 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट है देखो जब हमने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी थी

और वो इनर डिग्री है वो रॉन्ग डिग्री है ठीक है, गलत डिग्री आ गई और उस गलत डिग्री से किसी एक पार्टी को अनजस्ट बेनिफिट हो गया तो यहाँ पे जिस ठीक है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन लगा, लगाने का मतलब ये है कि कोर्ट जो है जो पार्टी जेन्यनली इंटाइटल थी उसको रिस्टोर करे

ठीक है अपील में रिवर्स हुई है या वेरी हुई है रिविजन में हुई है और दी अदर प्रोसीडिंग और इट इज सेट असाइड और मॉडिफाइड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पज द कोर्ट विच पास द डिग्री और ऑर्डर शैल ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी पार्टी इनटाइटल टू एनी बेनिफिट ठीक है मान लो मैं इंटाइटल को मिल गया बिकॉज गलत डिक्री आ गई थी और बेनिफिट किसी और पार्टी को मिल गया तो यहाँ दूसरी पार्टी से कहा जाता है जो उसको आप जो है क्या कह उसको रिस्टोर करो उसको वापस उसी पोजिशन पर लाओ राइट नाउ यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन एप्लीकेशन लगा रहा है जो पार्टी इंटाइटल है बेनिफिट के लिए मैं इंटाइटल हूँ बेनिफिट मैं एप्लीकेशन लगा रही हूँ की बाई वे ऑफ्टीट्यूशन और अदरवाइज कॉज सच एस्टिट्यूशन टू बी मेड एज

ठीक है अब एक रॉन्ग डिक्री आ गई इससे जो है बी को अनजस्ट बेनिफिट मिल गया बी को अनजस्ट बेनिफिट मिल गया ठीक है अब जब ये डिक्री आपकी जो ये रॉन्ग डिक्री है जब ये वेरी आपकी वेरी हुई या रिवर्स करी गई इसको रिवर्स हो गई अपील में या फिर रिविजन में जब ये डिक्री आपकी जो ये रॉन्ग डिक्री है ये रिवर्स हो गई या आपका वेरी हो गई तो यहाँ ए एंटाइटल्ड है बेनिफिट के लिए तो ए एप्लीकेशन लगा रहा है रेस्टिट्यूशन की कि बी जो है उसको रीस्टोर कर दे तो कोर्ट यहाँ पे ए को रीस्टोर कर देता है सेम पोजीशन पे क्लियर दैट इज व्हाट इज योर रेस्टिट्यूशन और ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है सेक्शन 144 और ये इसको हम क्या मानते हैं डीम डिग्री मानते हैं सेक्शन टू सब क्लॉज टू में क्लियर नाउ कैन यू मॉडिफाइड एंड फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में make any order including orders for the refund of the cost refund kare cost koya for the payment of interest damages compensation means profit which Or so, मॉडिफाई तो कर दी गई है तो उसको जो है सेम पोजिशन पे लाके रख दिया जाए ठीक है ए को जो है सेम पोजिशन पे लाके रख दिया जाए राइट नाउ सेक्शन वन फोर्टी फोर जो बात करता है इन लार्जमेंट की ठीक है वेरी करेक्ट भारती यादव इन की अब ये सेक्शन नंबर भी इम्पोर्टेंट है और एनलॉर्जमेंट का टाइम भी इम्पोर्टेंट है क्या कह रहा है कोर्ट द्वारा या ग्रांट किया गया है कोर्ट द्वारा कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए जो प्रिस्क्राइब है या अलाउ है इस तो कोर्ट में इन एस डिस्क्रिप्शन कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करके फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सच पीरियड बट शुड नॉट इन एक्सीडिंग थर्टी डेज इन टोटल तीस दिन से ज्यादा आपको टाइम इनलार्ज़ नहीं कर सकते ठीक है कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में तीस दिन से ज्यादा इनलार्ज नहीं कर सकता इवन दो पीरियड ओरिजिनली फाइल्ड और ग्रांटेड में भी एक्सपायर चाहे वो पीरियड जो ओरिजिनली फिक्स किया गया था या ग्रांट किया गया था वो आपका एक्सपायर हो जाए ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में थर्टी डेज का जो टाइम दे रखा है ये प्रिलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है क्लियर सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है और जो ये टाइम पीरियड दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है और ये डिस्क्रिप्शन पे होता है कोर्ट के

कोई या आपका कोई भी दूसरी प्रोसीडिंग्स है उसमें कोई पार्टी को इंटरम ऑर्डर चाहिए ठीक है तो यहाँ केविएट मैं जो है केविएट की एक एप्लीकेशन कोर्ट में लेके जा रही हूँ कि जब भी इस सूट की सुनवाई होगी तो मुझे बताया जाए ठीक है मुझे जो है बताया जाए कि भाई सूट को डिस्पोज ऑफ कर रही है कोर्ट क्योंकि मेरे पास राइट है कि मैं जो है अपनी बात कहूं बिफोर द डिस्पोजल ऑफ दिस

तो जैसे ही कोई दूसरी पार्टी एप्लीकेशन लगाती है तो ये कोर्ट की ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको बताए कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगा दी है आप कोर्ट में अपियर होकर अपनी बात कहें और इस केस में क्यों ये क्यों ऐसा किया जाता है ताकि कोर्ट जो है कोई भी इंटर्म रिलीफ ना दे दे एप्लीकेंट को ऑन दी फाइलिंग ऑफ दी एप्लीकेशन क्लियर नाउ रीड आउट दी सेक्शन एक बैकड्रॉप समझ गए गया के, के रिस्पेक्ट में अब एक बार सेक्शन को समझो बहुत क्लियर समझ में आएगा वेर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड जहां पर कोई एप्लीकेशन कोई बनाने वाला है ठीक है एप्लीकेंट जो है कोई एप्लीकेशन लेके आने

मेरे पास राइट है कि मैं अपेयर हूँ बिफोर दी कोर्ट ऑन हेयरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जब भी हेयरिंग होंगी तो मेरे पास राइट है कि मैं अपेयर तो हूँ फाइल कर देती हूँ जब भी कोर्ट उस मसले को सुनेगी उस एप्लीकेशन की सुनवाई करेगी तो मुझे बताएगी कि भाई उस एप्लीकेशन की सुनवाई होने जा रही है बिना मुझसे सुने जो है डिसाइड uh, नहीं करेगी उस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में राइट वेयर अ हैज बीन लॉज अंडर सबसेक्शन वन राइट

केवेटर कौन होता है आपका केवेटर वो पर्सन होता है जो आपका वो ये क्लेम कर रहा है कोर्ट में कि उसके पास राइट है कि वो कोर्ट के सामने आए उस एप्लीकेशन की हेयरिंग से पहले उसके पास ये राइट है राइट ये ये बात की कह रहा है कि जब जब वो एप्लीकेशन की हेयरिंग होगी तो मेरा होना जरूरी है तो यहाँ पे केवियट की पहली ड्यूटी क्या है

वेटर को बताएगा देखो भाई एप्लीकेशन लग गई है और आके अपनी बात कहो कोर्ट में राइट तो पहली ड्यूटी किसकी है केविएटर की है कि वो इश्यू करेगा नोटिस एप्लीकेंट को ड्यूटी इंपोज कर दी है कोर्ट पे कोर्ट केविएटर को बताएगा देखो एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट हो गई है तो हो में. Right? जहां पे भी, जहां पे जो नोटिस का जो केविएट uh, का जो नोटिस है वो सर्व किया गया है एप्लीकेंट को तो ही शैल फोर्थ विमीजिएटली फर्निश करेगा केविएटर को केविएटर के एक्सपेंसिस पे इसका खर्चा कौन देगा केविएटर देगा सारी जो भी एप्लीकेशन

वो फोर्स में नहीं रहता केवीएट की एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज की एप्लीकेशन होती है वो नब्बे और ये आपका मीन सॉरी प्रम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? और ये पूरा सेक्शन आपका मीनस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट भी लिखने को आ जाता है आपके केवीएट पे क्लियर आगे देखो सेक्शन 151 जो बात कर रहा है कोर्ट की कि भाई court के पास जो है जस्टिस uh, को सिक्योर करने के लिए इनहेरेंट पावर दे रखी है और ताकि प्रिवेंट कर सके रोक सके कोई भी अब्यूज ऑफ दोसे इम्पोर्टेंट है नाउ सेक्शन वन फिफ्टी टू देखो नाउ section सेक्शन रखना judgment, or में या कोई एर हुआ है जो अराइज हुआ है कोई भी या से, court, the, वो अगर कोई भी अर्थमेटिकल मिस्टेक uh, है या कोई भी आपका क्लैरिकल मिस्टेक है तो वो आपका करेक्ट कर देगी कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है या फिर कोर्ट पार्टी के एप्लीकेशन में भी कर सकता है सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट 152 जो है बात करता है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स क्लियर नाउ नेक्स्ट देखो सेक्शन 153 जो बात कर रहा है जनरल पावर ऑफ अमेंड जनरल पावर टू अमेंड की तो यहां कह रहा है कि कोर्ट जो है किसी भी टाइम हुई हैलेंडमेंट शैल बी मेड फॉर दर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन और इशू रेज बाय और डिपेंडिंग ऑन सच प्रोसीडिंग ठीक है तो यहाँ पे सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है क्या रहा है जनरल पावर है अमेंड करने की तो कोर्ट किसी भी टाइम जो है

सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर वन ऑर्डर वन किसकी बात कर रहा है ऑर्डर वन बात करता है पार्टी सुधी सूट की नाउ इसमें जो ऑर्डर आपके जो ऑर्डर वन है उसमें कौन से रूल्स आपके इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला रूल रूल नंबर वन

कोई राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ सेम एक्ट या फिर ट्रांजेक्शन या फिर सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तो अगर कोई राइट टू रिलीफ आपका अराइज हुआ है किसी एक्ट से सेम एक्ट से या सेम ट्रांजेक्शन से या सेम सीरीज ऑफ एक्ट से सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से उसमें आप जो है ज्वाइन जो कर सकते हो प्लेंटिव को बी कहता है इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज या अगर मान लो ये प्लेंटिव अलग अलग सूट लाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होगा तो उस केस में यहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो तो अगर किसी सूट या किसी सूट में कोई कॉमन लॉ या कोई कॉमन क्वेश्चन अराइज हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ और फैक्ट तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और सेम डेफिनेशन दे रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंडेंट अब एक और रूल है इसमें जहां पे कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि को ज्वाइन करने से प्लेटिव को ज्वाइन करने से डिले होगा तो उस केस में वो ऑर्डर कर देगा कि भाई सेपरेट सेपरेट ट्रायल हो क्लियर हेलो कुरवील जी अ वेरी गुड इवनिंग शगुन देवाश्री सारे ऑर्डर सारे रूल्स सी ऑर्डर का नाम जो है एक से लेके 51 तक वो तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि जो भी स्टेट जुडिशरी आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछती हैं उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि ऑर्डर 40 में क्या दे रखा है ऑर्डर 39 में क्या दे रखा है तो वो आपको जो हेड नोट है सारे ऑर्डर के वो तो आपको याद होने चाहिए कोशिश करो एक लिस्ट बना लो और उसको जो है बार बार रिवाइज करो वो ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे बट एंड टॉकिंग अबाउट रूल्स अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स में सारे रूल्स पढ़ना और एज इट इज याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है तो इसलिए जो भी रूल्स आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो हम कवर अप करेंगे यहाँ पे देवश्री जी थैंक यू अमित ओके चलो वेरी गुड इवनिंग कुलवीर सेक्शन 92 में जहां मैंने बात करी थी पब्लिक चैरिटीज के रिस्पेक्ट में वहां पे आपका जो पब्लिक चैरिटी में जनरली प्रिलिम्स में क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है उसके रिस्पेक्ट में तो मैंने बताया था एडवोकेट जनरल या जो पार्टी जिसका इंटरेस्ट है उस पब्लिक ट्रस्ट में वो सूट ला सकता है विदिशन ऑफ दर्ट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स गोहर खान एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ रूल्स सारे रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए हम यहाँ पे कवर अप करेंगे I, चलो, class, तो कौन ज्वाइन हो सकता है प्लेटिव यहाँ पे क्लियरली रूल वन में दे रखा है नाउ कम्स रूल एट जो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की अब रिप्रेजेंटेटिव सूट के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं आपका सेक्शन इलेवन में जहां रेजिडिकाटा में भी आया था

अब देखो यहाँ पे अगर सेक्शन पढ़ोगे अगर जो ये रूल है इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या कहता है वे दे आर न्यूमरस पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट इन वन सूट जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेम इंटरेस्ट होता है एक सूट में वन और मोर ऑफ सच पर्सन मे विद दी परमिशन ऑफ द कोर्ट किसकी परमिशन से कोर्ट की परमिशन से सू कर सकते हैं या सू हो सकते हैं या डिफेंड हो सकते हैं उस सूट में ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल

एक्सपेंस so, पे नोटिस जाता है रिप्रेजेंट चाहे बेशक दो ये लोग कर रहे हैं या तीन लोग कर रहे हैं बट नोटिस उन सबको जाएगा जो भी इंटरेस्टेड है जिनका कॉमन इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सूट में राइट आइदर बाय पर्सनल सर्विस और बाय द रीजन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और अगर सारे लोग हैं अगर ज्यादा है तो उस केस में पब्लिक कोर्ट जो है आपको अलाउ करेगी पब्लिक न्यूज़पेपर में आप उसको छपवा दो और उनको इतला कर दो राइट उनको नोटिस नोटिस देने का बेसिक यहां पे मोटिव है या नोटिस टू ऑल पार्टीज मानवी इट शुड बी मानवी इट शुड बी विद of ऑफ court वेरी करेक्ट हेलो बेस्ट क्रिएटर चलो आगे देखो आगे क्या कह रहा है एनी पर्सन ऑन बिहाफ और फॉरिफिट इंस्टीट्यूटेडेंडेड अंडर सब रूल वन मे अप्लाई टू पे कहता है नो पार्ट ऑफ द क्लेम एंड एनी सूट शेल बी अब और विद्रॉ यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते या कोई भी सूट विद्रॉ नहीं कर सकते बिना दूसरों की परमिशन के आपको जो है जब तक आप जो है उसको प्लेंटिव के एक्सपेंस पे सारे लोगों को नोटिस नहीं दोगे तब तक आप ना तो विड्रॉ कर सकते हो ना अब कर सकते हो ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना ही कोई एग्रीमेंट कर सकते हो सबको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है दिस इज वॉट बेसिकली योर रिप्रेजेंटेटिव सूट मीन्स राइट वेर एनी पर्सन सुइंग और डिपेंडिंग इन एनी सच सूट डिस नॉट प्रोसीड विद ड्यू ड्यूटेलिजेंस अगर ऐसा लगता है कि वो जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूट को वो ड्यू डेलिजेंस में एक्ट नहीं कर रहे हैं या uh, ठीक yeah, uh, से मतलब इन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं सूट को द कोर्ट में इन इन प्लेस एनी अदर पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट मेंसन तो अगर कोर्ट को लगता है कि वो भाई वो ड्यू ड्यूडियस में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको करके किसी और पर्सन को ले आएंगे जिनका इंटरेस्ट है आपका उस पर्टिकुलर सूट में अ डिग्री पास इन अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन ऑन बिहाफ

बट वो डिफीट हो जाएगा अगर नॉन ज्वाइंडर हुआ है नेसेसरी पार्टी का ठीक है यहाँ पे जो प्रोवाइजो है बहुत क्लियर करता है कि अगर नॉन हुआ है नेसेसरी पार्टी का तो उस केस में आपका सूट डिफीट हो जाएगा अदरवाइज अगर नॉन ज्वाइंडर हुआ है पार्टीज का या मिस ज्वाइंडर हुआ है नॉर्मल प्रॉपर पार्टीज का तो उस केस में आपका सूट डिफीट नहीं होता है इट इज एन इंपॉर्टेंट रूल विच टॉक्स अबाउट मिस अबाउटर एंड नॉन ज्वाइंडर तो रूल नंबर नाइन ध्यान रखना रूल नंबर नाइन आपका इंपॉर्टेंट है आगे देखो रूल नंबर टेन बात करता है इम्प्लीडमेंट की कि अगर मान लो आप सूट जो है गलत नाम से ले आते हो ठीक है गलत नाम से अगर आप सूट ले आए तो क्या होगा सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव Where a suit has been instituted in the name of a wrong person as plaintiff, मान लो आपने गलत person को as a plaintiff बना दिया है suit में, और where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, या आपको doubt है इस चीज कि आपने सही plaintiff के खिलाफ suit institute किया है या नहीं किया है, तो court क्या करती है इस case में? The court में at any stage, किसी भी stage पे suit के अगर satisfy हो जाती है that the suit instituted

और में अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि पार्टी की ये मिस्टेक है, तो वो किसी भी टाइम पे एड कर सकती है सब्सिट्यूट कर सकती है उसको एज अ प्लेटिव क्लियर नाउ मूविंग अड आगे देखो क्लॉज टू इंपोर्टेंट है इसका कहता है कि रूल टेन सब सब क्लॉस टू कहता है कि कोर्ट कोर्ट में स्ट्राइक आउट और पार्टीज पे के पास पावर है कि वो स्ट्राइक आउट भी कर सकती है किसी पार्टी को और एड भी कर सकती है किसी पार्टी को अब यहाँ पे कह रहा है कोर्ट में एट एनी स्टेज सी दिस इज इंपोर्टेंट किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है क्या कर सकती है आइदर अपॉन और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी खुद से भी कर सकती है या एप्लीकेशन पे कर सकती है ऑन सर्च टर्म एज मे अपेयर टू कोर्ट टू बी जस्ट

तो अगर कोर्ट को लगता है कि किसी का नाम ज्वाइन होना चाहिए था तो उसको ज्वाइन कर देंगे एज अ पार्टी क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन का पार्टी होना जरूरी है ताकि मैटर जो है सूट का जो भी इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से एडजुडिकेट हो जाए तो इस केस में कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे एड कर सकती है और अगर लगता है कि गलती से किसी को ज्वाइन कर रखा है तो उसका नाम स्ट्रक आउट भी कर सकते हैं क्लियर नाउ नो पर्सन शैल बी एडेड एज प्लेनिव स्विंग विदाउट एन नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ अटिव अंडर डिबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट यहाँ पे कंसेंट लेनी पड़ती है जब आप एड करते हो एज एन एक्स फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है वेज ए डिफेंडेंट एडेड प्लेन टू बी अमेंडेड अब दिस इज इंपॉर्टेंट कि जहां पे भी आप डिफेंडेंट को एड करते हो तो उस टाइम पे आपको प्लेन अमेंड कर, करना होता है ठीक है प्लेन को आपको अमेंड करना होता है वेर अ डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेन शैल अनलेस दर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी

सबसे पहले ध्यान रखना कौन ज्वाइन हो सकता है एज अ प्लेटिव सिमिलरली उसके बाद बता रखा है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंडेंट

और लास्ट आपका रूल नंबर टेन जो बात करता है इम्प्लीटमेंट की कि पार्टी जो है आपका इम्प्लीट कर देती है ऐड uh, भी कर सकती है किसी को पार्टी अगर बोनोफाइड मिस्टेक उसको लगती है कि भाई गलत नाम पे एज अ प्लेटिव ऐड हो गया है तो उस केस में उसको ऐड भी कर सकती है उसको स्ट्रक आउट भी कर सकती है ये पावर है और जहां पे डिफेंडेंट एड होता है वहां पे आपको जो है प्लेंट को अमेंड uh, करना होता है और फिर जो अमेंडेंट कॉपी होती है वो नए डिफेंडेंट को देनी होती है क्लियर नाउ टॉकिंग अबाउट अ वेरी गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू

सेक्शन 12 पढ़ा था हमने जहां पे मैं देखा था कि बार होगा फर्दर सूट्स में तो उसमें मैंने कुछ ऑर्डर्स लिखवाए थे आपको राइट तो उस ऑर्डर्स में अगर आप अगर आपको ध्यान हो कि कुछ चार ऑर्डर्स बताए थे मैंने आपको जिसमें आप फर्दर सूट नहीं ला सकते राइट तो उसमें आपका एक ऑर्डर था ऑर्डर 2 रूल 2

और अगर आप नहीं करते हो अगर आप ओमिट करते हो, अगर आप नहीं सारे क्लेम लिखते हो, हो तो तो आप आप कर रहे हो अगर क्लेम, तो बाद में आप उस पे सूट नहीं ला सकते राइट दिस इज वॉट सेड इन दिस ऑर्डर टू रूल टू नाउ आई रीड इट आउट वन बाय सारे क्लासेस तीनों क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरी सूट शैल इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम विच द्लेंटिव इज एंटाइटल टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन तो किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में आपको जितने भी क्लेम्स uh, लाने हैं वो आपको सारे क्लेम्स एक ही सूट में ले आने हैं इन दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन बट अ प्लेंटिव मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिस क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट अब यहाँ पे कह रहा है कि इट इज ऑन द्लेंटिव कि वो चाहे तो रिलिंक्विश कर सकता है गिव अप कर सकता है कुछ क्लेम्स ताकि उसका सूट जो है तो उस कॉज ऑफ एक्शन के अराउंड जितने भी क्लेम्स हैं आपके वो एक बार में कह दो उसके बाद बताया यहाँ पे प्लेंटिफ अगर चाहे तो रिलिंक्विश कर सकता है कोई पोर्शन ऑफ क्लेम ताकि उसका सूट विद इन ऑफ कोर्ट आ जाए क्लियर

of that portion so omitted or relinquished ab yahan pe bahut clear keh diya ki agar aapne jaan boojh ke intentionally relinquish kiya hai jaan boojh ke omit kiya hai koi bhi portion claim ka to baad mein aap uske liye suit nahi la sakte clear i hope it is clear to तो relinquish of part of claim ke respect mein kya keh raha hai where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim he shall not afterwards sue in respect of portion so omitted

तो तो मैं सूट ला सकती हूँ ठीक है कोर्ट की परमिशन ले ली तो तो मैं सूट ला सकती हूँ बट अगर मैंने कोर्ट की परमिशन नहीं ली तो मैं उस पर्टिकुलर रिलीफ को जो मैं ओमिट कर रही हूँ उस पर सूट नहीं ला सकती दोबारा उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में जो रिलीफ मुझे मिल रहा है और मैंने उसको ओमिट कर दिया है और कोर्ट की परमिशन भी नहीं ली है तो मैं दोबारा सूट नहीं ला सकती क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ मूविंग अहेड इलेट्रेशन से समझो और अच्छे समझ में आएगा अब यहाँ पे कहता है कि ए लेट हिज हाउस ठीक ठीक है 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 ए ने अपने घर किराये पे दिया 1200 उसका था वो due है और उसको पे नहीं किया है बी ने ठीक है ए ने अपना घर बी किराए बी को किराए पे दिया और उसका बारह सौ रुपए ईयरली रेंट था अब इन तीन सालों का रेंट जो है अनपेड है बी द्वारा बी ने जो है कोई पे नहीं किया ड्यू हो गया पे क्या कर रहा है सू कर रहा है है को ठीक सॉरी नाइनटीन जीरो एट में वो सू कर रहा है ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर नाइनटीन जीरो सिक्स ठीक है तो अब ये नाइनटीन जीरो एट में जाके सू कर रहा है बी को सिर्फ कौन से ईयर के रेंट के लिए 1906 के वाले ईयर के रेंट के लिए 1905 को छोड़ दिया 1907 वाले ईयर को छोड़ दिया पेंडिंग ये तीनों थे अब इसने ये दो साल जो है ओमिट कर दिया रिलिंक्विश कर दिया ये सिर्फ सूट लाता है 1906 वाले साल के लिए कि भाई 1906 वाले साल का मुझे ईयरली रेंट नहीं मिला है नाउ ए शैल नॉट आफ्टर सू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर नाइनटीन और नाइनटीन भाई जब उसने रिलिंक्विश कर दिया तो उसके बाद आप दोबारा सूट नहीं ला सकते 1905 और 1907 के साल के लिए ये मेरा रेंट है। छोड़ दिया सिर्फ 1906 वाले को क्लेम कर रहा है तो बाद में वो 1905 और 1907 वाले के लिए सूट नहीं ला सकता क्लियर आई होप इट क्लियर एंड इट इम्पोर्टेंट इलेन एग्जाम में पूछ लेता है एज इट इज तो ध्यान रखना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है

It is clear. अगर बिल्कुल clear हो आपको कि order to, rule to, समझ में आया तो ऊपर uh, चला गया कि और में क्या difference है? कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा इज टॉकिंग अबाउट कि आप जो है कोई इशू रेज कर सकते थे और आपने रेज नहीं किया अब यहाँ पे देखो कि जहां पे मैंने बताया कि आप इशू रेस कर सकते थे और आपने इशू रेस नहीं किया जस्ट जस्ट अ मिनट एग्जांपल से समझो यहाँ पे ए जो है ए और बी के बीच में सूट है एक घर के पोजेशन को लेकर ठीक है घर के पोजेशन को लेकर व्हेन आई टॉट यू कंस्ट्रक्टिव रेजिडी काटा मैंने बताया था कि इसका सूट जो है डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे ये लेकर आया कि भाई मुझे इस घर का पोजेशन चाहिए क्योंकि मैं मैं जो है इसका ओनर हूँ ओनर के बेसिस पे ओनरशिप के बेसिस पे ये सूट लेकर आया ए कोर्ट ने इसका सूट डिसमिस कर दिया, राइट अब ये कहता है कि मैं जो है बारा साल से पोजेशन में तो अब, अब बीच में ये वाला को रेस नहीं कर सकता क्योंकि ये रेस कर सकता था इसने रेज नहीं किया इस पर लगता है आपका राइट टू की क्या बात हो रही है टू में बात हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स ठीक है ऑर्डर टू रूल टू में क्या कहता है कि जहां पे आपके पास एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्लेम्स हैं तो जनरल रूल ये है कि आपको सारे उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में सारे क्लेम्स को एक साथ ही कह देना है कोर्ट में सारे क्लेम्स एक साथ ही लेके आने हैं कोर्ट में अगर आप रिलिंक्विश करते हो या ओमिट करते हो इंटेंशनली जानबूझ के तो बाद में आप जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते

इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीफ के बारे में क्या कहता है कि अगर आप रिलीफ ओमिट कर रहे हो रिलिंक्विश कर रहे हो और कोर्ट से परमिशन ले रहे हो उस रिलीफ के रिस्पेक्ट में तो तो आप दोबारा सूट ला सकते हो बट अगर आपने कोर्ट से परमिशन नहीं ली और आपने कोई relief, उस के में, किया या किया, तो आप दोबारा सूट नहीं ला सकते क्लियर आई होप इट इज क्लियर या नो डाउट दैट टू बी बोरिंग ठीक है

राइट right. तो इस तरीके से आप आपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो और इम्पोर्टेंट इसमें जो है आपका रूल है रूल नंबर फोर जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर्स की क्लियर अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर्स की नाउ नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन बाय डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइन बाय सच पर्सन और बाय हिज

Uh, अपना नाम ले सकता हिज मार्क अपॉन द डॉक्यूमेंट अपॉइंटिंग द शैल बी अटेस्टेड बाय सच पर्सन एंड इन सच मैनर एज कोई जो पर्सन जो अपॉइंट कर रहा है वो अपना नाम नहीं लिख सकता तो वो मार्क कर देगा डॉक्यूमेंट पे अपॉइंट करते हुए फीडर को शैल बी अटेस्ट वो वो अटेस्ट होना चाहिए उस पर्सन द्वारा इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय दी ऑर्डर नाउ दी प्लीडर हु हैज बीन एंगेज फॉर द पर्पस ऑफ प्लीडिंग शैल ओनली प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी अनलेस ही हैज फाइल इन दी कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस साइंड बाय हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग एंड स्टेटिंग द नेम ऑफ दी पार्टीज टू दी सूट द नेम ऑफ दी पार्टी फॉर हुम ही अपीयर्स द नेम ऑफ दी पर्सन बाय हुम ही इज ऑथराइज्ड टू अपीयर राइट नाउ नो प्लीडर जो है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है is is, उसका न, रूल नंबर फोर जो है बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर की क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ आगे देखो सेक्शन टू सब क्लॉस फिफ्टीन एंड टू सब क्लॉस सेवन ओके करेक्ट करेक्ट ओके चलो आगे देखो रूल नंबर ऑर्डर नंबर फोर जो बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की और इस ऑर्डर को आप पढ़ते हो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के साथ अब ये बेसिक सी बात है कि भाई मैंने बताया कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है तो हम ऐसे जब आप प्रेजेंट करते हो प्लेट को तो हम उसको मानते हैं कि भाई सूट इंस्टीट्यूट हो गया है ना यहाँ पे रूल नंबर वन क्या कहता है इसका ये कह रहा है सूट टू बी कमेंस बाय प्लेंट भाई प्रॉपर जैसे आप प्रॉपर प्रेजेंट करते हो प्लेंट को ऐसे माना जाता है कि सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेट टू दी कोर्ट और यहाँ पे हर सूट आपका इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करते हो प्लेट और प्लेन आपको डुप्लीकेट में कोर्ट को जमा करना होता है या फिर उसके प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ता है एवरी प्लेट शेल कंप्लाई विद्स इन ऑर्डर सिक्स एंड ऑर्डर सेवन

जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उस पर ध्यान देना एक तो जो भी रूल्स में आपके टाइमिंग दे रखी है कि भाई इतने में आपको लेके आना है इतने दिनों में आपको लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करनी है कोर्ट में या जहां पे भी टाइम और डेट दे रखा है ना वो रूल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिलिम्स के लिए वहां पे आपसे जो है प्रिलिम्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं राइट तो यहाँ पे देखो सम्बन्स के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है uh, के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है कि सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड डेट ऑफ सर्विस ऑफ समिफेंडेंट अब देखो यहाँ पे जो ये डेट आ गई जो डेज आ गए ना विद इन थर्टी डेज ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स के लिए क्या कह रहा है समन बेसिकली क्या होता है समन मैंने जब सेक्शन में भी पढ़ाया था तो मैंने बताया कि भाई आप बुलावा देखिए कोर्ट में बुला रहे हो कि भाई आओ और अपने जो जो भी भी क्लेम्स आपके खिलाफ आए हैं को जो भी दिक्कत है है उसको आके आंसर करो कोर्ट कोर्ट के सामने दैट इज समन भेज रही है और आपको बुला रही है कि आप अपेयर हो तो उसके रिस्पेक्ट में ये कह रहा है कि जहां पे भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है समन को समन इशू किया जाता है डिफेंडेंट को कि डिफेंडेंट साहब आप आए कोर्ट में अपियर हो और आंसर करें क्लेम्स और फाइल करें एक रिटर्न स्टेटमेंट अपने डिफेंस में

क्लियर शिखा ओके थैंक यू सो मच शिखा थैंक यू सो मच लॉ पॉइंट आर एम अकेडमी थैंक यू हेलो प्रशांत

सील ऑफ दी कोर्ट और उस सम्मन पे सील भी लगी होगी कोर्ट की तो अगर आप में से किसी ने भी नॉर्मल सम्मन देखा होगा तो सम्मन बेसिकली क्या होता है उस पर लिखा होता है कि कौन से कोर्ट में आपको अपेयर होना है कोर्ट की मोहर लगी होती है कोर्ट नंबर पड़ा होता है और जज से आपके सिग्नेचर होते हैं जो भी पर्सन उसके बिहाफ जो भी उस परसन, जो अपॉइंट किया गया उस पर्सन के बिहाफ पे उस पर्सन के साइन हो सकते हैं क्लियर बताया कि वो तो या तो जिसको सम्मान सर हुआ है या बाई तो पीडर आ सकता है राइट अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी डिफेंडेंट या प्लेटिव को कि वो इन पर्सन आके कोर्ट में अपेयर हो राइट नाउ नेक्स्ट देखो रूल नंबर नाइन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट डिलीवरी ऑफ समन बाई कोर्ट ठीक है कैसे आप डिलीवरी करते हो नाउ स्टार्ट दैट कुलवीर आई कैन सी योर कमेंट विल यू प्लीज इट चलो

now आगे देखो आगे कह रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर मे बी द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अदर देन अदर देन दैट इन व्हिच द सूट इज इंस्यूटेड एंड वेयर ही इज सच एन ऑफिसर द समन मे बी सेंड टू हिम इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट्स नाउ द सर्विस ऑफ समन मे बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देर ऑफ बाई जो एग्नोलेंट ड्यू है एड्रेस टू दी डिफेंडेंट डिफेंडेंट को एड्रेस करके या उसके एजेंट को जो इम्पावर है एक्सेप्ट करने के लिए या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा या कोई भी कोरियर सर्विसेज द्वारा जो अप्रूव करी गई है हाईकोर्ट से ठीक है और बाई दर्ट रेफर वन और अदर ऑफ़ डॉक्यूमेंट, इंक्लूडिंग फैक्स मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस प्रोवाइडेड बाई द रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट इन दैट रिस्पेक्ट ठीक है तो यहाँ पे कह रहे हैं कैसे भेज सकते हो आप उसको आप उसको, उसको, उस डिफेंडेंट को भेज सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या कोई भी कोरियर एजेंसी द्वारा जो आपकी अप्रूव करी गई है कोर्ट हाँ

ठीक है हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज आपका प्रिपेयर करता है ये पैनल कोरियर एजेंसीज का ये आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर नेक्स्ट देखो रूल नंबर जो बात करता है इन शॉर्ट इसको हम दस्ती हैं है, यहाँ पे कह रहा है कि प्लेंटिव भी सर्व कर सकता है समन ठीक है इन एडिशन टू दर्विस ऑफ समाइन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन लगाएगा the appearance of the defendant permits such plaintiff to effect such service of summon on defendant and shall in each case deliver summon to such plaintiff for service so plaintiff bhi ja ke service kar sakta hai summon ki clear now the service of summon shall be effected by on behalf of such plaintiff by delivering or tendering to the defendant personally ya to personally ja ke de de a copy thereof signed by the judge or such officer of the court as he

ठीक है इन दी कोर्ट हाउस कोर्ट हाउस में एंड ऑल्सो अपॉन सम कॉन्सिक्यूशियस पार्ट ऑफ दी हाउस इन विच द डिफेंडेंट नोन टू हैव लास्ट रिसाइडेड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन या जहाँ पे डिफेंडेंट अपना काम करता है या फिर जहाँ पे अपना बिजनेस चला रहा है या फिर लास्ट रिसाइडेड है उस जगह के उसके घर के बाहर आप जाके चिपका सकते हो

या अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई न्यूज़पेपर में आप छपवा दो और निकलवा दो उसके खिलाफ संबंध निकला हुआ है ऐसा न्यूजपेपर में न्यूज़पेपर में निकलवा दो तो वो न्यूज़पेपर आपका डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए जो सर्कुलेट होता है उस लोकैलिटी में जहाँ पे वो डिफेंडेंट लास्ट नोन तो हाँ टू डिसाइडेड

तो ये देखो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो बात करता है प्लीडिंग जनरली की तो सबसे पहला सबसे पहला रूल जो बात कर रहा है प्लीडिंग की कि प्लीडिंग का क्या मतलब है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ लेता है आपसे प्लीडिंग शैल मीन प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट अब यहां पे ध्यान से देखो द वर्ड और हैज बीन यूज एंड यूज नहीं हुआ है एंड नहीं यूज हुआ है यहाँ पे यहाँ पे और वर्ड यूज किया गया है ठीक है तो प्लीडिंग शैल मीन प्लेन्ट और रिटर्न स्टेटमेंट कभी भी आप देखो कभी प्रैक्टिस करो आप एमसीक्यू की तो वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्लोज ऑप्शन पूछ लेते हैं आपसे कि प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट तो जस्ट माइंड डेट की यहां पे प्लेट और रिटन स्टेटमेंट है तो प्लीडिंग क्या इंक्लूड करेगा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दिस इज ऑर्डर सिक्स रूल नंबर वन नाउ रूल नंबर टू देखो प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट दस अब यहाँ पे प्लीडिंग होंगी आपकी उसमें आप जो है ब्रीफली अपनी बात लिखोगे और उसमें आपको एविडेंस के बारे में आपको ना एविडेंस के बारे में देना है कि क्या एविडेंस आप दे रहे हो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए वो सारी चीजें नहीं लिखनी होती है प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप स्टेट करते हो मटीरियल फैक्ट्स

फॉर्म में ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स ठीक है क्लियर आई होप इट इज क्लियर आगे देखो क्या कहता है कि जो भी प्लीडिंग होगी आपकी वो डिवाइडेड होगी पैराग्राफ्स में नंबर होंगे कंसेक्यूटिवली एक दो तीन चार ऐसे होते हैं

ज अनबल टू साइन द्लीडिंग इट मे बी साइन बाई एसन ड्यूली कर पा रही है तो जो भी उसकी वो सिग्नेचर कर देगा उस प्लीडिंग क्लियर आगे देखो क्या कह रहा है रूल नंबर फिफ्टीन जो बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग की अब हमने देखा होगा प्लेन में कि जहां पे लास्ट में हम लिखते हैं वेरीफिकेशन और उसके नीचे लिखते हैं कि पैरा वन से लेके दो तक आर ट्रू टू फ्रॉम माय नॉलेज ठीक है आर आउट ऑफ माय बेस्ट नॉलेज तो उसकी बात कर उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट दी फुट बाय द पार्टी और वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग और बाय सम अदर पर्सन प्रूवन टू

ट्रू फ्रॉम माई नॉलेज ठीक है आर ट्रू टू माई नॉलेज और आउट ऑफ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस तरीके से जो आप करते हो दैट इज वॉर दट इज योर वेरीफिकेशन वॉट ही वेरीफाइज ऑफ इज ओन नॉलेज एंड वॉट ही वेरीफाइज अपन द इन्फॉर्मेशन रिसव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू की भाई जो पैरा नंबर टू से लेके फोर तक है फॉर एग्जाम्पल दे आर आउट ऑफ माई ओन नॉलेज

कोर्ट चाहे किसी भी स्टेज पे आउट कर सकता है या अमेंड कर सकता है कोई भी मैटर में से कब करेगा जब उसको लगता है कि जो अननेसेसरी है 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 या है, फिवेलियस है, या या है, फिवेलियस फिवेलियस ठीक फॉल्स अगर उसको ऐसा लगता है, तो वो आउट कर देगा कोर्ट किसी भी टाइम पे या उसको लगता है कि वो एम्ब्रेस करे एम, एम्बेस करेगा या डिले करेगा फेयर ट्रायल को सूट के कि भाई इससे जो है सूट का ट्रायल डिले होगा या फिर उसको लगता है कि अब्यूज होगा प्रोसेस ऑफ कोर्ट तो उस केस में वो कोर्ट किसी भी टाइम प्रोसीडिंग के आपके स्ट्रक आउट कर सकता है प्लीडिंग प्रोसीडिंग के कर कर सकता है, कर सकता है है कोई भी मैटर जो आपकी प्लीडिंग में दे रखी है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की नाउ लिया जाता है किस स्टेज पे होता है आपका अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग तो यहाँ बहुत क्लियरली एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग

Of the किसी भी पे प्रोसीडिंग कि वो ऑल्टर तो कर, कर ले अपनी प्लीडिंग क्लियर आगे क्या कहता है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शेल बी अलाउड आफ्टर the court कम्स to दी conclusion

ट्रायल से पहले अगर आ, नहीं ला नहीं, ट्रायल के कमेंट्स होने से पहले अगर वो नहीं ला पाया एप्लीकेशन तो, कर तो, तो जनरल करने के लिए अपनी प्लीडिंग्स को बट अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि पार्टी ड्यू रिलीजेंस में एक्ट कर रही थी तो उस केस में और वो जो है कमेंसमेंट से पहले ट्रायल के नहीं ला पाई एप्लीकेशन तो वो अलाउ कर देता है कोर्ट आपका उसके बाद भी क्लियर आगे देखो क्या कह रहा है कि सेक्शन रूल एटीन सॉरी रूल एटीन जो है इंपॉर्टेंट है, है, है क्या कहता है लीव टू अमेंड अब पार्टी को अलाउ कर दिया कि आप अमेंड कर सकते हो अपनी प्लीडिंग्स को राइट डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली इन द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पज बाय ऑर्डर और उसको कहा कि भाई आप इतने दिनों में आप अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हो और वो अमेंड नहीं करता है ठीक है वो फेल हो जाता है अमेंड करने में और इफ नो टाइम इज देर बाय लिमिटेड डेट ऑफ दर्ट ने आपको टाइम दे रखा है कि भाई आप जो है इतने दिनों में आपको अपनी प्लीडिंग्स को करना है। और पे कोई नहीं दे रखा है कोर्ट द्वारा की आप कितने टाइम में अपनी प्लीडिंग्स को अमेंट करोगे तो कब तक करनी है आपको विदिन फोर्टी डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑर्डर ही शेल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोर्स

और अगर टाइम नहीं दे रखा है तो आपको चौदह दिनों के अंदर अमेंड करनी होती है प्लीडिंग्स अपनी और अगर आप फेल हो जाते हो अमेंड करने में तो उस केस में आपका कह रहा है इफ ही शेल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम लिमिटेड जो टाइम दे रखा है उसके एक्सपायरेशन के बाद आपको अलाउ नहीं होगा कि आप जो है अमेंड कर सके अपनी प्लीडिंग को अनलेस दर्ट एक्सटेंड एक्सटेंड दाइम और अगर अगर उसके बाद कोर्ट अगर एक्सटेंड कर देती है टाइम तो इट इज ओके बट अदरवाइज आप नहीं अमेंड कर सकते अपनी प्लीडिंग्स को अगर आप एक बार फेल हो गए चौदह दिन में आप अमेंड नहीं कर पाए अपनी प्लीडिंग्स को परमिशन देने के बाद तो बाद में आप अमेंड नहीं कर सकते हो क्लियर आगे देखो क्या कह रहा है ऑर्डर सेवन ठीक है तो ये सारे आपके जो ऑर्डर थे रूल्स थे ऑर्डर सिक्स के रिस्पेक्ट में ये आपके इंपॉर्टेंट है नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर सेवन जो बात करता है प्लेट की तो प्लेट के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है कि क्या पर्टिकुलर होने चाहिए प्लेट में तो कहता है नेम ऑफ द कोर्ट होना चाहिए इन विच दूट इज ब्रॉड नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ प्लेटिव सिमिलरली डिफेंडेंट की डिटेल्स होनी चाहिए कि क्या नाम है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है सन ऑफ इस तरीके से हम लिखते हैं कि मिस्टर एक्स सन ऑफ मिस्टर वाई ये सारी तो नाम होना चाहिए, कोर्ट में जिस, जिसके सामने आप सूट ला रहे हो पार्टी डिटेल होनी चाहिए, की स्टेटमेंट टू दैट अफेक्ट उसका एक स्टेटमेंट आपको मैं होता है action, arose, क्या कॉज ऑफ एक्शन है वो बताना होता है और कब आपकाशन अरोज हुआ है तो वो लिखना होता है दैक्ट शोइंग रिजिक्शन

it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on a plain paper as there are defendants within 7 days Yeh important hai now this is important for your prelims ठीक है सात दिनों के अंदर प्लेन से कहा जाता है कि आप जो है प्लेन की कॉपी जमा करें कोर्ट में फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट फीस फॉर सर्विस ऑफ समिफेंडेंट ठीक है जितने डिफेंडेंट्स है आपको उतने नंबर ऑफ कॉपीज प्लेट की सबमिट करनी होती है कोर्ट में विद इन हाउ मेनी डेज विद इन सेवन डेज

Now, the procedure on returning the plaint, uh, the procedure on returning the plaint, on returning the plaint, the judge shall.

ऑर्डर सेवन रूल इलेवन की कौन से कौन से ग्राउंड्स पे प्लेट आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है सबसे पहले देखो वेर इट डज नॉट ऑफ एक्शन मैंने क्या बताया रूल वन में कि आपको प्लेन में लिखना होता है कॉज ऑफ एक्शन तो अगर आपने अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है तो उस केस में आपका प्लेन क्या हो जाता है रिजेक्ट हो जाता है क्लियर नेक्स्ट जहां पे रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड अगर जो रिलीफ क्लेम करी है वो अंडर वैल्यूड है एंड दी प्लेट टिफ ऑन बी रिक्वाड बाई दर्ट टू करेक्ट दैल्यूएशन विद इन टू बी फिक्स बाई दर्ट

स्टैम्प ड्यूटी ठीक से पे नहीं करी है इनसफिशिएंट स्टैम्प है एंड द प्लेन्टीफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्वेस्ट स्टैम्प पेपर विद इन द टाइम टू बी फिक्स बाई दर्ट फेल्स टू डू सो उसको टाइम दिया गया कि भाई आप जो है सप्लाई कर दो प्रॉपर आप जो है पे कर दो स्टैंप ड्यूटी पे कर दो उसके बाद वो पे नहीं कर पाता है तो उस केस में भी आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है प्लेन नेक्स्ट वेट अपेयर स्टेटमेंट इन द्लेन टू बी बार्ड बाई एनी लॉ या जहां पे प्लेट के स्टेटमेंट से लगता है कि वो प्लेट जो है बार्ड है किसी लॉ द्वारा नेक्स्ट कहता है जहां पे प्लेन जो है आपका फाइल नहीं हुआ है डुप्लीकेट में जहाँ पे आपसे कहा गया था कि आपको डुप्लीकेट में देना होता है वहां पे आपने प्लेंट uh, uh, को डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया है प्लेटिव फेल्स टू कंप्लाई विद रूल नंबर नाइन जहां आपका रूल नंबर नाइन से कम्प्लाई नहीं करता है देन प्रोवाइडेड दैट द टाइम बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग ऑफ द रिक्वेस्ट पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड

करेक्ट करने के लिए वैल्यू या फिर सप्लाई करने के लिए स्टैंप पेपर शेल नॉट बी एक्सटेंडेड उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा आप तभी एक्सटेंड करोगे जब कोई एक्सेप्शनल एक्सेप्शन हैं और उसके लिए कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं क्लियर उसके लिए कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं हाय रोहित हेलो शिखा वेरी गुड इवनिंग मोना चलो आगे देखो प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेट उसके रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है द प्लेट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट रीजन फॉर सच ऑर्डर यहाँ पे जब भी प्लेट रिजेक्ट किया जाता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है रीजन रूल नंबर थर्टीन बात कर रहा है, the, uh, pre है आपका वो इंपॉर्टेंट है यह कह रहा है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड शेल नॉट ऑन इट्स ओन फोर्स प्रीक्लूड द्लेंट टिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर आपका किसी भी ग्राउंड की वजह से प्लेन रिजेक्ट हो जाता है तो ये प्लेट को प्रीक्लूड नहीं करता है कि वो fresh suit नहीं ला सकता on the same cause of action. Clear? ध्यान रखना इस को. ये important है, these lines, ये है. है जो लिखा हुआ ना नॉट ऑन इट्स ओन फोर्स खुद से जो है प्रीक्लूड नहीं करता है plaintiff को कि वो fresh suit नहीं ला सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नाउ नेक्स्ट इज योर ऑर्डर एट जो बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट सेट ऑफ और काउंटर नाउ स्टेटमेंट क्या होता है देखो एक प्रोसीजरल एक्सपेक्ट समझो कि कैसे होता है प्लेट आया कोर्ट में और प्लेन का जवाब देने के लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो तो प्लेन आने के बाद कोर्ट जो है सम्मन सर्व करती है डिफेंडेंट को और उससे कहती है, है कि आओ भाई अपने जो भी तुम्हारे खिलाफ क्लेम आया उसका डिफेंस दो

The defendant fails to file a written statement within the period of 30 days. He shall be allowed to file a written statement on such other day as may be specified by the court for the reason to be recorded in writing. And on the payment of such cost as the, uh, the court may deem fit, which shall not be later than 120 days. Okay, which shall not be later than 120 days from the date of service of someone, and on the expiry of 120 days. फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समाइल ही नहीं कर सकता है आपका उसके बाद वो किसी भी हाल मेंउड टू तो फाइल रिटर्न स्टेटमेंट टू तो बी टेक एन ऑन रिकॉर्ड क्लियर तो जो ये डेज है आपकी ये इम्पोर्टेंट है प्रिलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए ठीक है जो डेज है आप अभी मैंशन कर लेना थर्टी डेज जो एक्सटेंड हो सकती है नब्बे दिनों के लिए क्लियर और ये वन ट्वेंटी डेज नाउ आगे देखो पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट अब रूल नंबर इंपॉर्टेंट है रूल नंबर जो बात कर रहा है है सेट सेट ऑफ ऑफ की अब इसको पढ़ने से पहले आई टेल यू कि क्या क्या होता देखो सेट ऑफ क्या है बेसिकली तो कि मान लो मैं प्लेटिव हूं और आप डिफेंडेंट हो राइट right? अब मैंने प्लेंट में कोई बात कही और आपने जो अपना क्या कहते हैं सेट ऑफ में क्या किया कि भाई मेरे दिमाग में भी आया कि मेरे भी तो कुछ क्लेम है तुम्हारे खिलाफ मान लो मैंने कहा कि पांच हजार रुपए आपने मुझसे उधार लिए हैं क्लियर और मैं ये कहती हूँ कि मैंने भी तो तीन हजार रूपये दिए थे तो यहाँ पे ये अमाउंट आपस में सेटल हो जाता है ठीक है तो आप सिर्फ दो ही हजार देने हुए तो इसको क्या कह रहे हैं कि हम सेट ऑफ कर ले रहे हैं क्लेम्स जो है हम सेट ऑफ कर ले रहे हैं राइट दैट इज व्हाट सेट ऑफ और यही दे रखा है आपका रूल सिक्स में ऐसे एक पार्टी कह रही है कि मैंने तुम्हें जो है दस लाख रुपए दिए ठीक है उसके लिए उसने सूट लाया पे रिकवरी ऑफ मनी के लिए अब यहाँ पे उसने कहा कि दस लाख रुपए दिए तो दूसरी पार्टी कह रही है मैंने भी तो तुम्हें पांच लाख रुपए दिए हैं तो वो दस लाख में से पांच लाख चले जाएंगे और सिर्फ रिमेनिंग लाख रह जाएंगे वो यहाँ पे बन जाएगी तो इसको क्या हुआ कि भाई क्लेम जो है सेटल कर लिया दैट इज वॉट इज आपका सेट ऑफ नाउ सेट ऑफ जो होता है बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए होता है और इट शुड बी रिकवर्ड इन द सेम ट्रांजेक्शन ये ध्यान रखना असर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए होता है क्लियर नाउ आगे देखो इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ क्या इफेक्ट होता है जैसे एज अ प्लेंट इन दी क्रॉस सूट क्या इफेक्ट होता है द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट इन अ क्रॉस सूट सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल क्लेम्स एंड दिस एंड ऑफ द सेट ऑफ बट दिस शैल नॉट अफेक्ट अ अपॉन द अमाउंट डिक्रीड

और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है काउंटर क्लेम के रिस्पेक्ट में कि काउंटर क्लेम क्या हो रहा है कि मान लो मैं कह रही हूं कि एक प्लेट आया के के बाद सम्मन गया, सम्मन बाद गया गया डिफेंडेंट को बुलाया गया, तो प्लेट में ये बात कही जा रही है कि इस घर का इस इस घर का ओनर मैं हूं और मुझे पोजेशन मिलना चाहिए ठीक है ओनर मैं हूं और इस घर का पोजेशन मिलना चाहिए अब डिफेंडेंट क्या कर रहा है एक इस क्लेम पे काउंटर क्या कर रहा है कि नहीं इसके में तो मैं हूं इसका पोजेशन तो मेरे पास है तो यहां पे ये काउंटर क्लेम कर रहा है उसको, अब ये कोर्ट में प्लेन लेकर आया कि भाई इंजेक्ट इंजेक्शन किशन इंजेक्शन ग्रांट कर दिया जाए कि डिफेंडेंट जो है मेरी प्रॉपर्टी में ना घुसे क्योंकि मैं ओनर हूं उसका उस प्रॉपर्टी का अब उसके काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट क्या कह रहा है

राइट दैट इज वॉट इज काउंटर क्लेम अब इसमें कोई असर्टेन अमाउंट की जरूरत नहीं होती है ना ही ऐसा है कि आपको सेम ट्रांजेक्शन में लाना होता है राइट दिस इज बेसिकली योर सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम रूल नंबर इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए क्लियर आगे देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ योर रूल नंबर नाइन जो बात करता है सबसिक्वेंट प्लीडिंग्स की इंपॉर्टेंट रूल है ठीक है एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका नो no प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट अदर देन द बाई डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटरक्लेम शैल बी प्रेजेंटेड ठीक है ये कह रहा है की कोई भी आपकी सब कोई भी प्लीडिंग जो है सब्सिक्वेंट नहीं होती रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अदर देन सेट ऑफ और काउंटरक्लेम सेट ऑफ और काउंटरक्म की बात नहीं हो रही है एक्सेप्ट बाई द लीव ऑफ दर्ट तो आप सब्सिक्वेंट पीडिंग ला सकते हो परमिशन से एंड एज एंड कोर्ट थिंग कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर्डमेंट और टाइम नॉट मोर देन

टेक्निकल खान इट इज रूल एट रूल सॉरी ऑर्डर एट रूल नाइन ऑर्डर एट रूल नाइन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी गुड इवनिंग कुलवीर मीनू अ वेरी गुड इवनिंग चलो आगे देखो एंड नॉन अपेन्स पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्डर है आपका और ये जो ऑर्डर्स है ना आपके ऑर्डर वन से लेकर टेन तक ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं इसके बाद कुछ ऑर्डर्स हैं जो इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बट ये ऑर्डर वन से लेके ऑर्डर टेन तक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आपके राइट right? नाउ

प्लेटिवी गलती पे Plentive ने पैसे नहीं दिए ठीक है फेल हो गया पे करने में कॉस्ट जो भी पोस्टल चार्जेस थी थी जो 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 भी 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 भेजने भेजने की खर्चे थे फीस रिक्वायर्ड वो यहां पे ने नहीं पे करी तो कोर्ट क्या कर देगा कोर्ट में ऑर्डर दैट द सूट शैल बी डिसमिस सूट को जो है डिसमिस कर दिया जाए प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ ओवरराइडिंग सच फेलियर द डिफेंडेंट अटेंड्स इन पर्सन और बाय एजेंट

वेयर नाइदर दार्टी अपियर्स वेयर दूट इज कॉल्ड फॉर ऑन कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग कोर्ट में अब ना तो प्लेटिव आया जिस दिन हेयरिंग की डेट थी उस दिन ना तो प्लेटिव आया ना डिफेंडेंट आया तो कोर्ट क्या करेगी सूट को डिस्मिस कर देगी एज पर ऑर्डर नाइन रूल नंबर थ्री नाउ आगे देखो रूल नंबर फोर क्या कहता है ब्रिंग अ फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर टू फाइल अब यहां कह रहा है कि जो भी सूट आपका डिसमिस हुआ है रूल नंबर टू में रूल नंबर थ्री में ठीक है जहां पे प्लेटिव फेल हो गया था पे करने के लिए कॉस्ट रूल नंबर थ्री में जहां पे दोनों पार्टीज नहीं आ रही हैं और आपका सूट जो है डिसमिस कर दिया गया है उस सिचुएशन की बात कर रहा है द द्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग्स फ्रेश सूट तो आप फ्रेश सूट प्लेटिव ला सकता है या फिर वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में टू सेट असाइड द डिसमिशल ऑर्डर

मेरी गलती थी प्लेंटिव की गलती थी कि भाई उसने पे नहीं किया कॉज सूट डिसमिस हो गया या फिर दोनों पार्टीज अपेयर नहीं आए ऑन द डेट ऑफ हेरिंग तो इन दोनों के चीजों में इन दोनों चीजों में कोर्ट ने जो डिसमिस किया है आपका सूट उसके बाद आगे वाले रूल में क्या कह रहा है कि कि वो फ्रेश सूट भी ला सकता सकता है है या फिर कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि कर दो था उसके हिसाब से उनके पास सफिशियंट कॉस्ट कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करता है कोर्ट आपका कर देता है और, का और फिर एक डेट फिक्स कर देता है प्रोसीड करने में रिस्पेक्ट में क्लियर नाउ तो क्या होगा ठीक हो है अभी हमने क्या देखा प्लेटिव की गलती थी उसने कॉस्ट पे नहीं किया सूट को डिस्मिस कर दिया यहाँ देखा कि दोनों पार्टी नहीं आई ना प्लेटिव आया ना डिफेंडेंट आया सूट डिस्मिस हो गया अब ये कह रहा है कि प्लेटिव आया है तो क्या होगा उस केस में क्या होगा

अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि सम्मन सही तरीके से सर्व हुआ है डिफेंडेंट को सम्मन प्रॉपर तरीके से सर्व हुआ है ये बात प्रूव हो जाती है कोर्ट में तो उसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर कर देता है कि सूट विल बी हर्ड एक्स पार्टी ठीक है एक ही पार्टी उसमें सुनी जाएगी उस सूट में एक ही पार्टी सुनी जाएगी दैट इज का ही सुना जाएगा डिफेंडेंट को नहीं सुना जाएगा राइट right? नाउ आगे देखो क्या कहता है कि वे दी सम्मन इज नॉट ड्यूली सर्व अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि जहां पे सम्मन आपका ड्यूली सर्व नहीं हुआ है तो क्या होगा उस केस में इफ इट इज नॉट प्रूफ दैट द सम्मन वाज ड्यूली सर्व द कोर्ट शेल डायरेक्ट अ सेकंड सम्मन टू बी इशूड एंड सर्व ऑन द डिफेंडेंट और अगर कोर्ट का ऐसा लगता है कि सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है तो वहां पे कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि दूसरा सम्मन भेज दिया जाए डिफेंडेंट को क्लियर नाउ थर्ड सिचुएशन वेर दम्मन सर्व बट नॉट इन अ ड्यू टाइम जहां पे सम्मन तो सर्व किया गया बट ड्यू टाइम पे सर्व नहीं किया गया अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कोर्ट द हियरिंग ठीक है अब यहां कह रहा है सम्मन तीन सिचुएशन देखी समन ड्यूली सर्व हुआ तो एक्सपर्टे हो जाएगा समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है तो उस केस में दूसरा सम्मान इशू हो जाएगा तीसरी सिचुएशन क्या है कि जहां पे तो सर्व हुआ है बट ड्यू टाइम में नहीं हुआ है सफिशियंट टाइम नहीं दिया गया डिफेंडेंट को कि वो आए और अपियर हो कोर्ट में और आंसर करे अपने क्लेम्स में तो उस केस में कोर्ट क्या कर देगी पोस्टपोन कर देगी हियरिंग बाय द कोर्ट एंड शेल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डेट टू टू बी गिवन टू डिफेंडेंट और जो डेट फिक्स करेगी उसके बारे में डिफेंडेंट को बता दिया जाएगा वेरी नाइस कुलवीर क्लियर वेरी नाइस नाउ ये तीन सिचुएशन आई होप इट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर समझ में आई तीनों कंडीशन जहां पे प्लेंटिफ uh, आता है और डिफेंडेंट नहीं आता तो क्या क्या होता है क्लियर चलो आगे देखो आगे आगे देखो क्या कह रहा है प्रोसीजर डिफेंडेंट ओनली अपियस रूल नंबर एट अब यहां पे कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया ओके okay? सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेंटिफ आया डिफेंडेंट uh, uh, आया प्लेंटिफ नहीं आया इससे पहली वाली सिचुएशन क्या देखी थी प्लेंटिफ आया था डिफेंडेंट नहीं आया अब इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है कोर्ट में तो क्या होगा जहां पे ऐसा होता है कि सिर्फ डिफेंडेंट आया और प्लेंटिफ़ नहीं आता है तो सूट इज कॉल्ड जिस सूट को कॉल किया गया है के लिए, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट इज डिसमिस ठीक है ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्लेंटिफ नहीं आया सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट आया है तो कोर्ट क्या डिसाइड कर देगी जब जिस दिन आ, सूट की हेयरिंग थी उस दिन सिर्फ डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर देगी कोर्ट मेक्स एन ऑर्डर दैट द सूट इज डिस्मिस सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट द क्लेम अगर वहां पे डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है क्लेम को या फिर कोई पार्ट क्लेम का वो एडमिट कर लेता है इन विच द केस द दर्ट शेल डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन एंड वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज बीन एडमिटेड डिसमिस द सूट सो फार एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर अब यहां क्या कह रहा है कि जनरल रूल क्या बताया कि डिफेंडेंट आया है प्लेंटिफ नहीं आया कोर्ट क्या ऑर्डर कर देगी डिसमिस कर देगी सूट को क्लियर एक बात अब यहाँ कह रहा है कि अगर मान लो सिर्फ डिफेंडेंट आया है और वो क्लेम को एडमिट कर लेता है पूरे क्लेम को एडमिट कर लेता है तो उसके हिसाब से कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी या फिर आ, कुछ पार्ट को सिर्फ कुछ पार्ट को एडमिट करता है और बाकी चीजों को एडमिट नहीं करता तो जो वो पार्ट है उसके रिस्पेक्ट में उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी और जो रिमाइंडर है उसको डिसमिस कर देगी सूट उसको डिसमिस कर देगी कोर्ट आपका क्लियर क्लियर आई होप इट इज इज दिस रूल नंबर जहां पे आपका डिफेंडेंट आता है और प्लेटिव नहीं आता जनरल रूल क्या है कोर्ट डिसमिस कर देगी बट अगर डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है क्लेम तो उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट डिक्री दे देगी और अगर सिर्फ पोर्शन कुछ पार्ट ही एडमिट करता है तो जो पार्ट एडमिट करता है उसके रिस्पेक्ट में डिक्री दे देती है और बाकी जो रिमाइंडर है उसके खिलाफ डिसमिस कर, दे, उस कर देती है उस रिस्पेक्ट में सूट को डिसमिस कर देती है क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ रूल नंबर नाइन जो बात कर रहा है डिक्री अगेंस्ट प्लेटिव बाई डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट सी आई हैव टोल्ड यू इन सेक्शन कि कुछ चार हैं जहां पे आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते राइट right? तो ऑर्डर टू रूल टू एक मैंने डिस्कस किया जहां पे आप फ्रेश सूट uh, नहीं ला सकते जहां पे आप रिलिंक्विश करते हो अपना uh, कुछ पोर्शन ठीक है कुछ पार्ट कुछ क्लेम्स आप रिलिंक्विश करते हो राइट right? दूसरा है आपका

तो आपका उसके अगेंस्ट जाएगी पार्टली पार्टली एडमिट करता है तो जो सूट होली या पार्टली डिसमिस हुआ है रूल नंबर एट में द्लेंटिव शैल बी प्रीक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन अब इतना पार्ट आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या कहता है कि अगर आपका सूट जो है रूल नंबर एट में डिसमिस हुआ है तो प्लेंटिव सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक नया सूट नहीं ला सकता फ्रेश सूट नहीं ला सकता बट ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू aside the dismissal। अब भाई उसके पास कुछ तो रेमेडी होगी अगर वो नहीं आ पाया डिफेंडेंट आया और नहीं आया और उसको, 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 हो गया। तो उसको कुछ तरह में हो वो फ्रे, फ्रेश सूट नहीं ला सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन पे इतना ध्यान रखना बट वो एक ऑर्डर पास करा सकता है कोर्ट से कि उसका डिसमिसल को सेटिसाइड कर दे अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि उसके पास सफिशियंट कॉज था फॉर हिज नॉन अपेरेंस इन सूट की हेयरिंग थी ठीक है उसके बाद सफिशियंट कॉस्ट था जिस सूट को हेयरिंग uh, के लिए आ, जो डे फिक्स करी थी उसके बाद सफिशियंट कॉस्ट की वजह से वो नहीं आ पाया अपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया कोर्ट में अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो यहाँ पे कोर्ट जो है ऑर्डर कर देती है सेटिसफाइड करने के लिए जो डिसमिस किया है उसने रूल नंबर एट में राइट द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड अपॉन सच टर्म्स एज द कॉस्ट और अदरवाइज एज ए थिंग्स फिट

ठीक है रूल नंबर एट में हो जाता है तो वहां पे आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते बट आप कोर्ट में ये दरखास्त लगा सकते हो कि एक ऑर्डर पास हो जाए सेटिसाइड करने के लिए वो डिसमिसल ऑर्डर अगर आप कोर्ट में ये बात सेटिसफाई कर देते हो सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपेयरेंस कि भाई आपके पास सफिशियंट रीजन था कोई वजह थी आपके पास जायज वजह थी जिसकी वजह से आप अपेयर नहीं हो पाए सी बेस्ट क्रिएटर डिफाइंड इन सीपीसी की सफिशिएंट कॉज क्या होगा बट दैट कि भाई इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, right? तो के बहुत सारे वाइडर मीनिंग है सफिशियंट कॉज वो डिपेंड करता है देखो अब रूल नंबर थर्टीन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो बात कर रहा है सेटिंग असाइड डिग्री एक्सपार्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट हमने देखा था कि जहां पे आपका आ, प्लेंटिफ आता है डिफेंडेंट नहीं आता और सम्मन ड्यूली सर्व होता है तो कोर्ट क्या पास कर देती है एक्सपार्टे right? जहां पे आपको कराना होता है एक्सपार्टे की डिग्री तो उसके रिस्पेक्ट में रूल नंबर थर्टीन बता रखा है कि इन एनी केस इन विच अ डिग्री पास एक्सपार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट किसी केस में अगर एक्सपार्टे डिग्री पास हुई है अगेंस्ट द डिफेंडेंट he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set aside uh, to set it aside and if it satisfied the court that is someone was not duly served or that he was prevented by some sufficient cause for appearing when the court is called for hearing and the court shall make an order setting aside the decree as against upon him and upon such terms as cost payment unto the court or otherwise at the thing fails and shall appoint a date for the for proceeding with the suit ab is respect mein kya keh raha hai yahan pe a very good evening mukesh kumar ha अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे? पे क्या कह रहा है कि जहां पे parte decree आ गई है against defendant, same बात कह रहा है सेम बात कह रहा है कि जहां पे एक्सपर्टी डिक्री आ गई है अगेंस्ट डिफेंडेंट राइट तो वो कोर्ट में अगर ये शो कर देता है ठीक है कि उसके पास था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया उसके पास कोई जायज वजह थी जिसकी वजह से वो अपने अपेयर नहीं कर पाया अपने आप को कोर्ट में या फिर वो ये बात प्रूव कर देता है कि सम्मन ड्यूली सर्व नहीं था ठीक है ये सम्मान जो है मुझे मिला ही नहीं ड्यूली सर्व नहीं था और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उसके कॉजेस पे तो यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर कर देती है कि वो सेटिसाइड कर देती है डिक्री जो उसके अगेंस्ट पास हुए डिफेंडेंट के

That the appellant had withdraw the appeal. No application shall lie under this rule for setting aside the ex parte decree. Clear? आई होप इट इज क्लियर आगे आगे देखो आगे, in respect of order 10, तो देखो इन 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 रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ ऑफ ऑर्डर ऑर्डर ठीक है तो जो भी रूल्स मैंने बताए अभी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बाकी रूल्स भी आप पढ़ सकते हो आपको पढ़ना चाहिए आई वुड से बट इनको तो छोड़ के नहीं जाना है एग्जामिनेशन में जो भी रूल्स मैंने यहां पे बताया इनको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ये सुपर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके रिस्पेक्ट ऑर्डर के ना ऑर्डर टेन जो है बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के रिस्पेक्ट में बाई द कोर्ट ठीक है अब यहाँ कह रहा है कि असर्टेनमेंट असर एलिगेशन इन मेड इन एलिगेशन मेड इन द्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड की देखो यहाँ पे फर्स्ट हेयरिंग के टाइम पे को जो फर्स्ट हेयरिंग होती है सूट की तो उस टाइम पे कोर्ट जो है असरटेन करता है हर पार्टी से या उसके प्लीडर से कि वेदर ही एडमिट्स और डिनाई कि आप एडमिट कर रहे हो जो फैक्ट्स उनको एडमिट कर रहे हो या फिर डिनाई कर रहे हो राइट

टू ऑप्ट आदर मोड्स ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड दी कोर्ट कि यहाँ पे को, uh, बताती है, को कि आप जो है में से कोई भी और अपने अपेयरेंस बिफोर सच फोरम एंड अथॉरिटी एज में पार्टी कोर्ट फिक्स कर देती है जो भी फोरम आप चूज करते हो जो भी अथॉरिटी को आप चूज करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में डेट फिक्स कर देती है कि कब आपको उनके सामने अपेयर होना है ऑप्ट ऑप्ट कौन सा आप ऑप्ट आप, कर रहे हो ऑप्शन ऑप्ट यहाँ पे ऑप्ट का मतलब है ऑप्शन द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट आप आप ऑप्ट कर सकते हो आप चूज कर सकते हो चूज कर सकते हो कोई भी मोड जो दे रखा है आपका सेक्शन 89 में कुवर आई होप इट इज क्लियर विच अपील यूर टॉकिंग अबाउट जस्ट मेन्शन यू नोट वरी चलो आगे देखो रिस्पेक्ट ऑफ रूल वन बी क्या कह रहा है? पे कह रहा है कि जहां पर भी कोई सूट रेफर किया गया है रूल अपेयर बिफोर फोरम ऑन अथॉरिटी फॉर कंसिलेशन ऑफ सूट तो पार्टी फोरम और अथॉरिटी के सामने अपेयर होना होता है

मैटर अगेन टू दी कोर्ट एंड डायरेक्ट दी पार्टी बिफोर दी कोर्ट ऑन द डेट फिक्स बाय इट अब यहाँ पे कह रहा है की भाई कोर्ट ने उनको एक ऑप्शन दिया कि आप जो है कोई भी एडीआर मेके चूज कर सकते हैं अब अगर मान लो वो एडीआर सक्सेसफुल नहीं रही तो उस केस में अगर को जो आपके अथॉरिटीज हैं जो फोरम है उनको ऐसा लगता है कि इट इज नॉट प्रॉपर इन द एंड ऑफ जस्टिस कि मैटर यहाँ पर सेटल आउट नहीं हो पाएगा और जस्टिस नहीं मिल पाएगा पार्टीज को तो वो दोबारा रेफर कर देती है कोर्ट को एक डेट फिक्स कर देती है और पार्टीज को कोर्ट के सामने अपेयर होना होता है डिफेंस लाइक ऑप्ट आई टोल्ड यू नो ऑप्ट इज लाइक चूजिंग कौन सा मेथड आप चूज कर रहे हो इन दी इन दी बेर आल्सो ऑल्सो लिस ऑप्ट हैज बीन यूज ऐसे ही ऑप्ट यूज किया है तो ऑप्ट मतलब कि कौन सा मेथड आप चूज कर रहे हो उनमें से क्लियर अ वेरी गुड इवनिंग वंदना चलो आगे देखो ठीक है तो अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहा है तो उस केस में आपका जो है आ, क्या कर दिया जाता है कोर्ट क्या करती है कोर्ट के पास वापस पार्टी को भेज दिया जाता है फिर कोर्ट आपका मैटर सुनती है और डेट फिक्स कर दी जाती है कि कब आपको कोर्ट के सामने अपेयर होना है नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर इलेवन जो बात करता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की अब यहाँ पे कि कैसे कैसे इंस्पेक्शन होगा डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरीज होंगी ठीक है ये सारी चीजें आ जाती है अब इसमें आपका आपका जो ये ऑर्डर का नाम है ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डर इलेवन में दे रखा है कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में मैंने नहीं देखा कि कभी इस ऑर्डर uh, से क्वेश्चंस आए हैं बट आप एक जस्ट बेयर रीडिंग ले सकते हो इस पर्टिकुलर uh, ऑर्डर से सिमिलरली ऑर्डर इलेवन ऑर्डर ट्वेल्व जो बात करता है डिस्कलोजर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सूट और आपका

प्रिलिम्स ये ध्यान रखना कि नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में करना होता है सात दिनों में करना होता है ये आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर यहीं पे मार्क कर लो आइदर पार्टी में कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट दूसरी पार्टी को बुला सकता है कि वो एडमिट करे विद इन हाउ मेनी डेज विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एनी डॉक्यूमेंट

अब इतना कुछ डिटेल में नहीं देखना है इसमें सब आपको बस इतना एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है ये सात दिनों वाली बात ठीक है अगर आपको एडमिट करना है डॉक्यूमेंट तो यू कैन एडमिट विद इन सेवन डेज ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए क्लियर नाउ दीज uh, ऑर्डर आपका ऑर्डर थर्टीन जो बात करता है प्रोडक्शन इन पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर इन दिस ऑर्डर बट देन अगेन आपको नाम याद होना चाहिए और एक आप पेरीफेरल व्यू ले सकते हो इस पेरीफेरल uh, रीडिंग दे सकते हो इसको इस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में थर्टीन ए बात करता है समरी जजमेंट एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट ध्यान रखना ये जो है आपका थर्टीन ए कहा पे किस पे एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ आपका कमर्शियल डिस्प्यूट पे एप्लीकेबल होता है So बोले है नाम याद होना चाहिए आपको ऑर्डर का कि कौन से ऑर्डर में क्या दे रखा है तो कभी कभी डायरेक्टली ऑर्डर नंबर पूछ लेते है आपके स्टेट जुडिशरीज में एट द सेम टाइम इसमें जो रूल दे रखे है आप सिर्फ एक बेयर रीडिंग लगा लेना बट कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं दे रखे हैं इन

प्लीडिंग्स के बाद सबसे पहले जजमेंट uh, कोर्ट का नाम लिखते हैं उसके बाद पार्टीज की डिटेल लिखते हैं हु वर्सेस हु राइट उसके बाद सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि पूरा स्टोरी आपका का briefly, का ब्रीफली ब्रीफली फिर डिफेंडेंट जो भी फैक्ट्स आपके एडमिटेड होते हैं वो लिखते हैं और जब ब्रीफली लिखने के बाद ब्रीफली जानने के बाद दोनों पार्टीज की स्टोरी को फिर क्या होता है फ्रेम किए जाते हैं इश्यूज को अ वेरी गुड इवनिंग बेस्ट क्रिएटर वेरी गुड इवनिंग अनिल शर्मा जी ओके गुड इवनिंग मुकेश जी राइट right? तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है यहाँ पे कहता है रूल नंबर वन विच टॉक्स अबाउट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इश्यूज अराइज वेन मटीरियल प्रिपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफॉर्म्ड

फ्रेमिंग ऑफ इशूज इच मटीरियल प्रशन अफॉर्म बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई अनादर शेल फॉर्म दब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्टिंग इशूज क्लियर तो यहां पर बेसिकली दिस इज वॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज रूल नंबर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर फोर्टी में दे क्या रखा है, की बात कर रखा है क्लियर अब ये जो इसमें सारे हैं आपके ये जो है आपको हेल्प करेंगे आप जब इन रूल्स को पढ़ोगे तो आपको हेल्प करेंगे जजमेंट राइटिंग के टाइम पे ठीक है जब आप सिविल जजमेंट करते हो तो ये रूल्स आपको हेल्प करते हैं वहां पे नाउ फर्दर देखो रूल्स और एक होता है इशू ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है इशू ऑफ लॉ नाउ मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप सूट दर्ज करते हो उसके बाद सूट जब फर्स्ट हेयरिंग होती है कोर्ट के सामने तो कोर्ट क्या करता है दोनों पार्टीज़ को देखता है ठीक है uh, प्लेन पढ़ने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन under रूल

उ नथिंग इन दिस रूल रिक्वायर्स कोर्ट टू फ्रेम और रिकॉर्ड इशू डिफेंडेंट एट दी फर्स्ट हेरिंग ऑफ दूट मेक्स नो डिफेंस अब डिफेंडेंट जो है कोई डिफेंस ही नहीं ले रहा है अपनी तरफ से तो कोई जरूरत नहीं है कोर्ट को फ्रेम करने की पावर ऑफ कोर्ट टू अमेंड एंड स्ट्राइकआउट पावर है कोर्ट के पास की वो अमेंड भी कर सकती है कोई इशूज को स्ट्राइक आउट भी कर सकती है तो यहाँ पे कह रहा है कि कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिग्री किसी भी टाइम डिग्री पास करने से पहले किसी भी टाइम अमेंड कर सकता है कोई भी इशू को या फ्रेम कर सकता

जो है स्ट्राइकआउट भी कर सकता है ये इसके पास पावर दे रखी है। है आगे देखो रू, आपका ऑर्डर जो बात करता डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हेयरिंग अब इस रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है पार्टी नॉट एट इशू वेर एट फर्स्ट हेयरिंग ऑफ दूट इट अपर्स दैट दी पार्टी आर नॉट एट इशू ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट ठीक है अगर लगता है कि कोई इशू नहीं है पार्टीज के पास कोई इशू नहीं है तो कोर्ट जो है अनाउंस कर देता है आपका जजमेंट यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ दूट एट फर्स्ट हेयरिंग मतलब सूट जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है पहली हेयरिंग पे ही ठीक है तो उस पार्टी ने सुना उनको लगा कोई इशू नहीं है ना तो कोई इशू ऑफ लॉ है ना कोई इशू ऑफ फैक्ट है तो उस केस में कोर्ट आपका जो है प्रोनाउंस कर देता है जजमेंट एट वंस राइट नाउ रूल नंबर टू कहता है वेयर देर आर सेवरल ऑफ डिफेंडेंट नॉट एट इश्यूज बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं आपके उस केस में वेयर देर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन जहां पे एक डिफेंडेंट से ज्यादा डिफेंडेंट होते हैं एंड एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट इज नॉट एट इशू विद द प्लेंटिव एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट द कोर्ट में एट वंस प्रनाउसेंट फॉर अगेंस्ट सच डिफेंडेंट एंड शेल प्रोसीड ओनली अगेंस्ट दिफेंडेंट अब बहुत सारे डिफेंडेंट है मान लो किसी एक डिफेंडेंट को, कोई भी नहीं है, uh, है, है पर्टिकुलर डिफेंडेंट का तो उसको उसके खिलाफ जो हैजमेंट प्रनाउंस कर देती है और बाकी रेस्ट के साथ आगे प्रोसीड करती है अगर बहुत सारे डिफेंडेंट हैं आपके तो राइट वन एवर अ जजमेंट इज प्रनाउंस अंड रूल डिग्री शैल बी ड्रॉन अपन अकॉर्डेंस विद जजमेंट एंड द डिग्री शैल बियर द डेट ऑन

राइट right? अब देखो कमर्शियल ये जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है डीजीएस में राइट लास्ट टाइम ही डीजीएस में नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कमर्शियल कोर्ट एक्ट तो इसके रिस्पेक्ट में भी में भी क्वेश्चंस आए थे एग्जाम तो आपको जो ये अमेंडेड है ना अमेंडेड ऑर्डर जो अमेंडमेंट से आए लाए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपका जो ये नाम है जो ये हेडिंग है ऑर्डर की ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स पे

अपॉन होम दे प्रपोज टू कॉल आयदर टू गिव एविडेंसिस किस किस किस, किस पर्टिकुलर विटनेस को आप एज एन लाना चाहते हो कोर्ट में एज एन एज एन विटनेस कि वो आपके फेवर में आकर एविडेंसिस देगा या प्रोड्यूस करेगा कोई डॉक्यूमेंट तो उसकी पूरी लिस्ट आपको देनी होती है विद इन फिफ्टीन डेज ठीक है 15 डेज के अंदर ये 15 डेज आपका जो टाइम पीरियड है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नाउ मूविंग अहेड आगे देखो क्लॉज टू क्या कहता है इसका अ पार्टी डिजायर ऑफ ऑफ्टेनिंग एनी समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन शैल फाइल

नेम ऑफ अ विटनेस इन सेट लिस्ट अगर मान लो अगर आप भूल गए हो आपने उस लिस्ट में पर्टिकुलर विटनेस का नाम नहीं लिखा तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो समन करके उसको बुला सकता है राइट नाउ क्लॉज फोर कह रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल टू समन रेफर टू बी इन दिस रूल में बी ऑप्टेन बाय दी पार्टीज ऑन दी एप्लीकेशन टू दी कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन दिस बिहाफ विद इन फाइव डेज प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑफ द विटनेस अब यहाँ पे ये जो फाइव डेज है ये आपका इंपॉर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है आपका के लिए सी तो ये नाम पता होना चाहिए नाउ एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में क्या बात करी एक्सपेंस ऑफ विटनेस टू बी पेड इन टू दी कोर्ट ऑन अपलाइंग फॉर सम्मन की आपको पैसे देने पड़ेंगे जब आप बुला रहे हो सम्मन को उसका खर्चा पानी देना पड़ेगा पार्टी अपलाइंग फॉर सम्मन शैल बिफोर समनिंग

कि आप जिस भी सम्मन को को जिस भी विटनेस को बुलाना चाहते हो तो समन करने से पहले डेज आपको उसका खर्चा पानी कोर्ट में जमा करना होगा ये जो भी उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएंगे वो आपको देने होंगे विटनेस को क्लियर नाउ एक्सपर्ट के रिस्पेक्ट दिस रूल द कोर्ट में इन द केस ऑफ एनी पर्सन समन टू गिव एविडेंसिस

प्रेजेंट का मतलब क्या है प्रेजेंट इंक्लूड्स एनी प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय दिस स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट उसको कहोगे जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर टू बी अ सब्सिडरी जेल राइट क्या कोई फिर इन्फॉर्मेटरी जगह है जहां पे आप रिफॉर्म कर रहे हो लोगों को रिफॉर्म कर रहे हो तो वो सारी जगहों को आप क्या कह रहे हो प्रेजेंट कह रहे हो एज पर बी राइट right, कोई भी आपका रिफॉर्मेटरी uh, इंस्टीट्यूशंस है वो सारे नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर दैट इज एडजर्नमेंट जो आपका ऑर्डर 17 में दे रखा है कि एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई मेरी जो है अगली तारीख लगा दीजिए जैसे तो हम कहते हैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख हो रही है कोर्ट में दैट इज वॉट एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हो रहा है कि भाई कोर्ट में गए और आपने कहा कि हमें जो है आज हम केस नहीं प्लीट करेंगे आज हमारा सीनियर लॉयर नहीं है बहुत सारे जूनियर लॉयर्स कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमें एडजर्नमेंट ग्रांट कर दिया जाए राइट right? तो एडजर्नमेंट का मतलब ये जहां पे आप जो है अगली तारीख लगवाना चाहते हो

Time और कर hearing. Hearing of the suit और उसके लिए उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है राइटिंग में नॉट प्रोवाइडेड नो सच एडजर्टमेंट शेल बी ग्रांटेड मोर देन थ्री टाइम्स तीन टाइम से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं होता है दिस इज द दिस इज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स ठीक है यह आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आपका हो सकता है एडजस्टमेंट मैक्सिमम तीन टाइम से ज्यादा आपको एडजस्टमेंट नहीं दी जाती है क्लियर प्रोवाइडेड नो सच एडजमेंट शेल बी ग्रांटेड मोर देन थ्री टाइम्स टू दी पार्टी ड्यूरिंग दियरिंग ऑफ दूट अगर किसी सूट की हेयरिंग चल रही है तो उसमें आप मैक्सिमम तीन टाइम से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं ले सकते हैं क्लियर मूविंग अहेड कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट के रिस्पेक्ट में केस, डेट फॉर अगले दिन अगली बार कब होगी एंड शेल मेक सच ऑर्डर एज कॉस्ट ओकेजन बाई दच हायर कॉस्ट एज दी कोर्ट डीम फिट अब यहाँ पे आप एडजर्नमेंट लेते हो तो उस पर आपके ऊपर देता है प्रोवाइडेड दट क्या कह रहा है कि जब भी सूट आता है law, तो आपका जो है प्रोसीडिंग चलती है डे टू डे जब तक आपके सारे विटनेस जो है जो आए हुए हैं उनको एग्जामिन ना कर लिया जाए अन

अमी क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने इसको जनरल रूल बना दिया है कि आपको एडजॉइनमेंट मिल जाएगा आपको जब तारीख लेनी है तो आपने तारीख ले ली ऐसा नहीं है यहां पे कहता है कि एडजोनमेंट ग्रांट नहीं होगा पार्टी के रिक्वेस्ट पे अगर लगता है कि ऐसे कोई सिचुएशन है जो पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड है तो उस केस में ही सिर्फ आपको एडजॉइमेंट दिया जाता है द फैक्ट दैट द्लीडर ऑफ दंगेज इन द अनदर कोर्ट शैल नॉट बी दी ग्राउंड फॉर एडजोनमेंट अब यहां पे बता रहा है कि किस ग्राउंड पे आपकी एडजोनमेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी आप एडजेंटमेंट के लिए गए और कोर्ट ने मना कर दिया अगर आप कोर्ट में ये कहते हो कि मेरा प्लीडर जो है वो एंगेज है दूसरे कोर्ट में तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर दी एडजर्नमेंट ये कोई आपका एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस नहीं है जहां पे आपको एडजर्नमेंट दी जाएगी क्लियर तो अगर आप ये कहते हो कि आपका प्लीडर जो है दूसरे कोर्ट में बिजी है है दूसरे कोर्ट में ऑक्यूपाइड है तो वो उस ग्राउंड पे आपको एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं ग्रांट करता है नेक्स्ट कहता है वेयर द इलनेस ऑफ द प्लीडर और हिज इनएबिलिटी टू कंडक्ट द केस फॉर एनी रीजन अदर देन अदर देन हिज बीइंग एंगेज्ड इन अदर कोर्ट इज पुट

राइट right. अगर ऐसा कोई ग्राउंड लाते हो इलनेस का तो उस केस में जो है कोर्ट दे देती है बट उसको जो है ऑब्जर्व करना होता है, नहीं है, दूसरा प्लीडर करने का राइट right? उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि उसके दूसरा प्लीडर कर सके तो उसके एडजर्न कर देती है राइट वेयर विटनेस इज प्रेजेंट इन द कोर्ट बट अ पार्टी और Are not present, or the party or his pleader, though present in the court, is not ready to examine uh, or cross examine the witness, the court may, if it thinks fit, record the statement of the witness and pass such order. of it as it thinks fit for dispensing with examination and chief cross examination of the witness as the case maybe by the party or his pleader not present or not ready as aforesaid agar maan lo ki party or pleader koi nahi hai but witness aaya hua hai right witness aaya hua hai but party pleader nahi hai ya fir dusri situation kya hai ki party or pleader bhi hain but wo ready nahi hai abhi cross examine karne ke liye examine या cross examine करने के लिए उस particular witness को तो court क्या करेगी court उसका जो है statement लिख लेगी उस particular witness का ठीक है record कर लेगी उसका statement विटनेस का और पास कर देगी ऑर्डर

हेयरिंग ऑफ सूट इज की बात है कर पार्टीज और एनी ऑफ द्स टू अपेयर फिर भी वो नहीं आते हैं ठीक है पार्टी भी नहीं आती है प्लेटर भी नहीं आता है प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ दिसरेक्टेड इन दैट बिहाफ इन ऑर्डर नाइन और मेक्स एच अदर ऑर्डर एज एस अगर एडजर्न करने के बाद एक नई डेट दी गई आपको और उस उसपे भी पार्टी ऑफ आप लीडर आपका फेल हो गया आने के लिए अपेयर नहीं हो पाता है कोर्ट में तो उस केस में कोर्ट जो है डिस्पोज ऑफ कर देती है एज पर ऑर्डर नाइन अपेरेंट्स नॉन अपेरेंट्स के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से क्लियर एक्सप्लेनेशन में क्या क्लियर क्या रखा है कि वेडेंस ऑफेंशियल पोर्टन ऑफ देंस ऑफ एनी पार्टी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एंड सच पार्टी फेल्स टू अपेयर ऑन द डे ऑन द डे विच दियरिंग ऑफ इज एड जॉन द कोर्ट में इनक्रिप्शन अगर मान लो कोई सब्सटैशियल एवडेंस रिकॉर्ड हो चुका है ठीक है कोई एविडेंस कोई पोर्शन उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से जो एविडेंस दिए गए थे उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं तो प्रोसीड करे केस एज एफ दार्टी इज प्रेजेंट ठीक है एज इफ दार्टी वॉज प्रेजेंट क्लियर नाउ नेक्स्ट इज योर ऑर्डर एटीन जो बात करता है ऑफ 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 सूट सूट एंड एग्जामिनेशन विटनेस की अब पे कह रहा है कि hearing of suit, कैसे आप एग्जामिन करोगे witnesses को उसके रिस्पेक्ट में क्या रूल्स दे रखे हैं तो यहाँ पे रूल नंबर वन क्या है राइट टू बिगेन प्लेटिव का राइट right होता है कि वो स्टार्ट करे केस को अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट दी फैक्ट एलर्ट बाई द्लेंटिव अगर डिफेंडेंट ने अलर्ट कर लिया है एडमिट कर लिया है

क्लियर आगे देखो प्रोवाइडेड थर्टी डेज फ्रॉम दफ हेयरिंग ऑफ द केस यहाँ पे कह रहा है विद इन थर्टी डेज जो है कोर्ट फिर प्रोनाउंस कर देती है मान लो एट वंस नहीं किया तो केस के हेयरिंग के बाद इन थर्टी डेज को कोर्ट को प्रोनाउंस करना होता है जजमेंट राइट right. तो यहाँ पे कह रहा है कि जहां पे भी जजमेंट आपका एडवांस प्रोनाउंस नहीं हुआ है एवरी इंडिव शैल बी मेड बाई कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द हिरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड बट वेर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू डू सो ऑन द ग्राउंड ऑफ और एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस द कोर्ट शेल फिक्स्यूचर डेट फॉर दसमेंट ऑफ जजमेंट एंड सच डेट शेल नॉट ऑर्डनरली बी अ डे बियॉन्ड 60 डेज ये कह रहा है कि पहले तो जनरल बात यह है कि सम अपप होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स के हेयरिंग होने के बाद हेयरिंग कंक्लूड होने के बाद कोर्ट जो है प्रोनाउंस कर देती है जजमेंट जजमेंट एडवांस एडवांस अगर प्रोनाउंस नहीं किया है तो एक डेट डेट फ्यूचर फिक्स कर देती है है और वो जो दिन से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए बट अगर उसके बाद भी कोई एक्सेप्शन आ जाते हैं तो साठ दिनों का टाइम होता है साठ दिनों के अंदर उसको जो है डेट ऑफ हियरिंग से सात दिनों साठ दिनों के अंदर उसको कंक्लूड उसको तो जजमेंट प्रोनाउंस करना होता है और उसके बाद ड्यू नोटिस दिया जाता है जो डेट फिक्स करी गई है पार्टीज को और उसके पीडर्स को भी क्लियर आगे देखो नेक्स्ट कहता है कि द कमर्शियल कोर्ट द कमर्शियल डिवीजन और द कमर्शियलेंट डिविजन केस में जहां पे भी इन नाइनशियल जजमेंट एंड कॉपीज शैल बी इशू टू ऑल दर्ज इन टू द डिस्प्यूट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और अदरवाइज अब यहाँ पे कह रहा है कि कमर्शियल डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट केस के में नब्बे दिनों के अंदर जो है आपको जजमेंट आ जाना चाहिए और उसकी कॉपी जो है दे दी जाती है पार्टीज को सारी पार्टीज

to the shorthand writer the judge is especially empowered by the high court in this behalf अभी कह रहा है यहाँ पे कि भाई open court में pronounce कर दिया जाता है judgement dictation द्वारा

ठीक है अब रूल नंबर टू जो बात कर रहा है ये कह रहा है कि पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटर्न बाय जज जजेस प्रेसिडर अब ये कहता है कि अ जज शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटर्न बट नॉट प्रोनाउंस बाय हिज प्रेसिडर ठीक है अब ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई जजमेंट आपका लिखा हुआ है अब ये इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल थोड़ा सा आप ध्यान से देखो उसको क्या कहता है कि पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय अ जज प्रेसिडर ठीक है जज जो पहले थे जो पहले बैठे थे उस चेयर पे राइट उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है कि बट नॉट बाय हिज ठीक है अब नेक्स्ट है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट टू बी साइन ये कह रहा है जजमेंट शेल बी डेटेड एंड साइन बाय द जज इन ओपन कोर्ट एट ऑफ अनाउंसिंग इट एंड वंस इट इज साइन एंड शैल नॉट आफ्टरवर्ड बी अल्टर्ड और 152 या फिर रिव्यू में अब कहता है कि जो जजमेंट आपका साइन हो चुका है दे, आ, और डेट हो चुकी है उस पर साइन हो चुकी है के तो फिर आप उसको अमेंड और ऑल्टर नहीं कर सकते बट अगर एक्सेप्शनल केसेस ने आपने एन पावर का इस्तेमाल किया है या रिव्यू में आप उसको ऑल्टर या अमेंड कर सकते हो जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट के रिस्पेक्ट में क्या कह रहे हैं जजमेंट ऑफ स्मॉल कोर्ट नीड नॉट कंटेन मोर देन पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट में आप सिर्फ और सिर्फ लिखते हो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और फिर जो भी डिसीजन आया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के रिस्पेक्ट में तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के के लिए कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जजमेंट में आप क्या लिखते हो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और उसके ऊपर क्या डिसीजन आया बस उतना ही आप जजमेंट में अपने लिखते हो क्लियर आगे देखो कंटेंट ऑफ डिक्री के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है अ वेरी गुड इवनिंग कुलवीर गुड इवनिंग राशिद जी शुभम प्रणाम

स्टेट अमाउंट ऑफ़ कॉस्ट क्या कॉस्ट uh, इंपोज uh, करी गई है वो क्या अमाउंट है वो भी डिग्री में लिखा जाता है एंड बाय होम एंड आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी किसके द्वारा वो कॉस्ट पे किया जाएगा और किसकी प्रॉपर्टी से दिया जाएगा वो एंड एंड व्हाट प्रोपोर्शन

क्लियर नाउ प्रिपरेशन ऑफ डिक्री के रिस्पेक्ट में रूल नंबर सिक्स ए है जो कह रहा है एवरी इंडेवर शैल बी मेड टू इंश्योर दैट डिक्री इज ड्रॉन अप एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबली कह रहा है डिक्री जल्द से जल्द बनाई जाती है एन एनी केस विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट फ्रॉम द डेट बाई विथ जजमेंट इज प्रोन्स ये कहता है कि पंद्रह दिनों के अंदर आपकी डिक्री ड्रॉ कर दी जाती है जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद पंद्रह दिनों के अंदर डिक्री आ जाती है और ये आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स आगे देखो अपील अपील में में प्रेफर्ड विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ अब आप जा सकते हो अगेंस्ट डिग्री कॉपी ऑफ अ डिग्री एंड एनी केस मेड बी अवेलेबल टू पार्टी बाय द कोर्ट फॉर पर्पस ऑफ रूल वन ऑफ ऑर्डर 51 बी ट्रीटेड एज अ डिग्री But as soon as the decree is drawn up, the judgment shall shall cease to have the effect of decree for the purpose of execution of any other purpose. Clear? Now, this is not important. What is important is import, uh, that this date. ठीक है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट जहां पे आपसे कहा गया है कि पंद्रह दिनों में जजमेंट पे आने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है उनको कॉपीज की आफ्टर दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और फॉर प्रेफरिंग अपील ताकि वो अपील में जा सके पेमेंट ऑफ चार्जेस एज बी स्पेसिफाइड इन द रूल बाय दाईकोर्ट जो भी हाईकोर्ट रूल द्वारा है कि क्या चार्जेस देने वो चार्जेस पे करके

नेक्स्ट इस प्रोसीजर ऑफिस बिफोर जज द डिग्री मान लो जज साहब जो डिग्री साइन प्रोनाउंसिंग जजमेंट बट नॉट विदाउट साइनिंग द डिग्री डिग्री को डिग्री डॉन अपन जजमेंट मे बी साइन बाई सक्सेसर जो भी नेक्स्ट आएगा ऑफिस में जो भी नेक्स्ट उस कुर्सी पर बैठेगा जज साहब की कुर्सी में बैठेगा वो साइन कर देगा एंड द कोर्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट बाय जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच कोर्ट वॉज सबोर्डिनेट और अगर मान लो कोर्ट ही नहीं रहा ठीक तो है कोर्ट ही बाई दज ऑफ एनी कोर्ट जज किसी भी कोर्ट का टू विच सच कोर्ट वॉज सब ठीक है जिस भी कोर्ट uh, uh, के वो सबॉर्डिनेट था उसका कोई भी जज मतलब उसे सुपीरियर वाला कोर्ट जो है उसका कोई भी जज साइन कर देगा डिग्री को अगर कोर्ट जो है एग्जिस्ट नहीं कर देगा करेगा तो. डिग्री तो अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ट्वेंटी वन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं तो इस रिस्पेक्ट में पहली बात तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्डर है एक सौ छह रूल्स हैं आपके टोटल इसमें आप जो है अटैचमेंट अटैचमेंट के वो हैं और बाकी अरेस्ट के जो प्रोविजंस दे रखे हैं जो रूल्स दे रखे हैं आपके वो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना बाकी एक पेरिफेरल बस देख सकते हो पेरिफेरल तरीके से कि क्या तरीका है मतलब क्या क्या रूल्स दे रखे हैं बट एग्जामिनेशन में ऐसा स्पेसिफिक लिख नहीं आता एक इम्पॉर्टेंट रूल है इसमें रूल नंबर फोर्टी ए जो बात करता है गार्निशी ऑर्डर के गार्निशी ऑर्डर के नाउ वॉट इज गार्निशी गार्निशी होता है जजमेंट डेप्टर का डेप्टर राइट right. तो गार्निशी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि जो रूल 46 ए है बात कर रहा है गार्निशी ऑर्डर के तो गार्निशी क्या होता है जजमेंट डेप्टर का डेप्टर होता है नाउ इस केस में गार्निशी ऑर्डर कैसे कहते हो कि मान लो एक एग्जांपल से समझो गार्निशी के रिस्पेक्ट में मान लो ए ने बी से एक लिए ठीक है बी ने सी से एक लिए तो यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर के थ्रू कोर्ट कह देगा ए को कि आप सी को पैसा वापस कर दो क्योंकि यहाँ पे बी ऑलरेडी है सी से राइट right? तो ये एग्जाम्पल समझो कि अगर मान लो ए ने बी से एक हजार रुपए उधार लिए ठीक है और बी ने भी सी से उधार लिए एक हजार रुपए तो कोर्ट जो है गार्निशी ऑर्डर के थ्रू कह देगा कि ए जो है डायरेक्टली सी को पे कर दे क्लियर ए जो है डायरेक्टली सी को पे कर दैट इज बॉडीज गार्निशी ऑर्डर जो ऑर्डर नंबर है वो इंपॉर्टेंट है गार्निशी होता क्या है जजमेंट डेप्टर का डेप्टर गार्निशी होता है राइट और गार्निशी ऑर्डर क्या होता है जहां पे जो गार्निशर से इंडेप्टेड होता है आपका जजमेंट तो यहाँ पे कोर्ट कह देता है कि आप गार्निशर को पे कर दो गार्निशर से कहता है कि आप गार्निशर को पे कर दो डिस्पाइट ऑफ पेइंग इन स्पाइट ऑफ पेइंग टू दी जजमेंट डेप्टर ठीक है क्योंकि उसकी तो लाइबिलिटी है पे करने की क्योंकि जजमेंट डेप्टर का डेप्टर है तो उसको बोल देता है गार्निशी को कि आप गार्निशर क्योंकि गार्निशर से जजमेंट डेप्टर इनडेप्टेड है तो आप डायरेक्टली गार्निशर को जो रूल दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है और आपका गार्निशी इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रस के एग्जामिनेशन के लिए क्लियर नाउ आगे देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर ट्वेंटी टू जो बात करता है डेट मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ दी पार्टीज की तो यहाँ कह रहा है कि क्या अगर कोई पार्टी मर जाएगी या इंसॉलमेंट हो जाएगी तो क्या सूट आपका खत्म हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं तो नो अबेटमेंट बाय पार्टी पार्टीज डेथ इफ द राइट टू सू सर्वाइव अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज सूट टू अबेट इफ राइट टू सू राइट टू सू सर नहीं होता है सूट कंटिन्यू रहता है सूट को खत्म नहीं किया जाता है सूट आपका अबेट नहीं माना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए Prelims में पूछ लेते हैं आपसे जनरली कि क्या पार्टी के मरने के बाद चाहे वो प्लेटिव हो या डिफेंडेंट हो तो क्या आपका सूट

ठीक है तो जहां पे आपका राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है कि आपके पास राइट right है सू करने का अभी भी वो वो खत्म नहीं हुआ है आपके मरने से तो उस केस में आप जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको पार्टी बना के सूट को आगे कंटिन्यू करते हो राइट right? अब सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंडेंट भी कह रखा है यहाँ पे कि डिफेंडेंट अगर बहुत सारे डिफेंडेंट है उनमें से कोई एक मर जाता है तो सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंडेंट भी बता रखा है नाउ नो अबेटमेंट बाई रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हेयरिंग अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हेयरिंग हो गई पूरी कंप्लीट ठीक है और पार्टी मर गई तो क्या आपका सूट अबेट होगा तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग रूल्स वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव और नॉट देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ द आइदर पार्टी बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट बट जजमेंट and, and if केस प्रोनाउंस नॉट pronounced before the फोर्स एंड प्लेस अब यहां पे क्या कह रहा है कि मान लो कंक्लूजन के बाद hearing की कंक्लूड हो गई उसके बाद पार्टी मर गई बट जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है तो उस केस में आपका सूट जो है अबेट नहीं किया जाएगा और उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे अभी आप, आप मरे ही नहीं है ठीक है अगर आप जिंदा होते तो जो उसका इफेक्ट होता है वैसे ही सेम इफेक्ट होगा आपके मरने के बाद भी अगर जो है कंक्लूड हो गई है आपकी हेयरिंग्स uh, और उसके बाद आप मर गए हो बिफोर प्रोनाउंसिंग दजमेंट क्लियर ना आगे देखो इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिस्मिसल क्या इफेक्ट है आपका अबेटमेंट का और डिस्मिसल का तो वेयर आर सूट अबेट्स No uh, uh, उसमेंटिव रूल है सूट अबेट हो गया है डिसमिस हो गया है तो आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते पर्टिकुलर सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में राइट right? मेरा यहाँ पे रूल नाइन को डिस्कस करने का यही मतलब है इंपॉर्टेंट जो आपका प्रिलियम की पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपका सूट डिसमिस हुआ है या

उट ऑफ दर्ट अगर वो पार्टी जो है माइनर है जो अबेंडेंट करना चाह रही है कोई क्लेम या कोई पोर्शन उस पर्टिकुलर सूट का कोई पोर्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट कोई क्लेम है आपका कुछ ही क्लेम जो है अबेंडन करना चाहती है तो उस केस में अगर पार्टी माइनर है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी अदरवाइज पार्टी इज फ्री वो किसी भी टाइम पे इंस्टीट्यूशन करने के बाद सूट सूट के सूट को अबन, कर सकती है अगेंस्ट अगेंस्ट द द डिफेंडेंट डिफेंडेंट ऑल अगर बहुत सारे हैं या अगर बहुत सारे हैं तो किसी एक दो के खिलाफ भी वो अब कर सकती है अपने सूट को खत्म कर सकती है वो अपने सूट को बट अगर पार्टी माइनर है तो उस रिस्पेक्ट में आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है एंड एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर दोवाइज ऑन सब रूल वन शेल बीट बाई

क्ट मैटर ऑफ और दी पार्टी अब यहाँ पे क्या कहता है जहां पे सफिशियंट ग्राउंड है कोर्ट को ऐसा लगता है तो उस केस में

विड्रॉ फ्रॉम अटूट और पार्ट ऑफ अम विदर्मिशन अंडर सबरूल फॉर सच कॉस्ट एज में अबेंडेंट कर रही है देखो जहां पे अबेंडेंट कर रही है सूट दूसरा क्या है कह रहा है विद्रॉ कर रही है बिना परमिशन के तो कोर्ट जो है क्या करेगा उनको उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दब्जेक्ट मैटर ऑफ सच पार्ट पार्ट ऑफ द्लेम जिसको भी वो अब कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं ठीक है ठीके? एक बार आपने अबंडिया सूट को खत्म कर दिया या आपको सूट नहीं करना है तो बाद में आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के रेस्पेक्ट में फ्रेश सूट नहीं ला सकते इन रेस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल अगर आपने परमिशन नहीं ली है फ्रेशल करने की तो उस केस में भी आप फ्रेश दोबारा नहीं ला सकते हो क्लियर नथिंग इन दिस रूल शेल डीम टू ऑथराइज टू परमिट वन ऑफ दल पेंटिव टू अब पार्ट ऑफ अ क्लेम अंडर सब रूल वन और टू विद्रॉ अंडर सब रूल थ्री एनी पार्ट और दी पार्ट ऑफ द्लेम विदाउट दंसेंट ऑफ दर अदर अब जहाँ पे कह रहा है बहुत सारे प्लेंटिव हैं तो जब तक आप दूसरों की कंसेंट नहीं ले सकते तब तो तक तो आप जो है विद्रॉ नहीं कर सकते ना ही फिर आप अबंडेंट अबंडेंट कर सकते हो कोई भी सूट या उसका कोई भी पार्ट कोई भी पार्ट ऑफ दी क्लेम नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है कि रूल नंबर थ्री बात करता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट की वेर इट इज प्रूव टू दैटिस्फेक्शन ऑफ दी कोर्ट एट दूट हैज बिन एडजस्टेड होली और इन पार्ट बाय एग्रीमेंट जहां पे हो जाता है कि जो है आपका एडजस्ट कर दिया गया है पूरी तरीके से या पार्टली ठीक है लॉफुल एग्रीमेंट द्वारा और और बाय कॉम्प्रोमाइज़ इन राइटिंग साइन बाय इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट शैल ऑर्डर टू बी रिकॉर्डेड एंड शैल पास अग्री इन अकॉर्डेंस विध

ठीक है एडजर्नमेंट और हैज बीन अराइव एक पार्टी कह रही है हो चुका है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है दूसरी पार्टी कर रही है एडजस्टमेंट हो चुका है उसको डिनाई कर रही है तो उस क्वेश्चन को कोर्ट डिसाइड करती है और उसको उस केस उस में जब उसके जहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे एक पार्टी ये कह रही है कि एडजस्टमेंट हो गया दूसरी पार्टी मना कर रही है उस क्वेश्चन को कोर्ट डिसाइड करती है और जब वो कोर्ट डिसाइड करती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो एजेंटमेंट ग्रांट नहीं करती है बट अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ सफिशियंट कॉज है तो उस केस में रीजन रिकॉर्ड करके वो एजमेंट

तो ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव और जो है बात करता है आपके पेमेंट इनटू कोर्ट्स पेमेंट इनटू कोर्ट्स की और सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट राइट तो एग्जामिनेशन के लिए प्रिलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर का नाम पता होना चाहिए राइट right? की पेमेंट इनटू कोर्ट कहां पे दे रखा है ऑर्डर 24 में दे रखा है और 25 में दे रखा है आपका सिक्योरिटी फॉर

इन एनी सूट इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन और इंटोग्रिटीज और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन डिसाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ दिसन हुट फ्रॉम अटेंडिंग द कोर्ट और हुई इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फॉर्मिटी अनेबल टू अटेंड द कोर्ट यहां पर कह रहा है कि जो लोग बीमारी की वजह से की वजह से या किसी और अदर रीजन की वजह से जिनको एक्जेम्ट किया गया है वो है विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ दोकल लिमिट्स में जो रिजेक्शन के उनको एग्जेम्ट किया गया है कि वो अपेयर ना हो कोर्ट में तो उस केस में कोर्ट इशू कर सकती है आपका कमीशन एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को उस पर्टिकुलर विटनेस को नाउ प्रोवाइडेड दैट दमीशन For for examination on shall not be be issued unless the the court, reason to to recorded, thinks do so. एग्जाम और वहां पर रीजन भी रिकॉर्ड करना होता है कोर्ट को राइट जहां पे वो इंट्रेटरी है एक्सप्लेनेशन में कहता है एज एन एविडेंस ऑफ दिकनेस और इनफॉर्मिटी मेडिकल प्रैक्टिस यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ की क्या उसकी इनफॉर्म uh, uh, है, उस है वो इस रिस्पेक्ट में एक सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है मेडिकल प्रैक्टिसनर से और इस केस में यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिसनर को आप एज अ विटनेस नहीं बुलाते हो अ वेरी गुड इवनिंग ओके सोलमिन will try to come up with that also answer writing okay good evening best creator now आगे देखो क्या कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल नंबर नाइन में बताया है देखो वहां पे तो इशू कर रहे हैं कमीशन कोर्ट इशू कर रहा है रूल नंबर वन में रूल नंबर नाइन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कोर्ट जो है इशू कर सकता है कमीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोकल इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस पर्पज के लिए करता है वो देखो जहाँ पे असरटेन करनी होती है मार्केट वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की या जहाँ पे कोई अमाउंट होता है किसी मीन्स प्रॉफिट का या कोई डैमेजेस या कोई भी एनुअल नेट प्रॉफिट द कोर्ट में इशू कमीशन टू सच पर्सन एज थिंग्स फिट डायरेक्टिंग हिम टू मेक सच इन्वेस्टिगेशन एंड टू रिपोर्ट देर एन टू दी कोर्ट यहां पे उसके कह देखा कि भाई आप जो है इन सब इन रिस्पेक्ट में जहां पे मार्केट वैल्यू देखनी है आपको या मीन प्रॉफिट का अमाउंट देखना है या नेट प्रॉफिट uh, देखना है उस केस में आप जो है इन्वेस्टिगेशन करिए और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए कोर्ट को क्लियर प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैड मेड रूल्स एज टू टू द पर्सन कमीशन शैल बी इशूड द कोर्ट शैल बाउंड बाय सच रूल्स और अगर इस रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना रखे हैं, तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स आपके प्रिवेल होंगे अ वेरी गुड इवनिंग भारती अब नाउ सी ऑर्डर नंबर ट्वेंटी सेवन जो बात करता है सूट्स बाय और अगेंस्ट बायेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको नाम ही पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर में क्या दे रखा है नाउ टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी सेवन ए जो बात करता है सूट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्योंकि एक अमेंडमेंट से एड किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर में क्या दे रखा है ठीक है इसके रिस्पेक्ट में आपके रिस्पेक्टिव रूल्स दे रखे हैं प्रीलिम्स के लिए इतना ही आपके इंपॉर्टेंट uh, है आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है क्लियर नाउ नेक्स्ट देखो 20 uh, 28 जो बात करता है सूट्स बाय और अगेंस्ट द मिलिट्री और नेवल नेवलमैन और आर्मी आर्मीमैन ठीक है नेक्स्ट है आपका सूट अगेंस्ट बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन ऑर्डर नंबर 29 राइट ऑर्डर नंबर 30 जो है बात करता है सूट बाय और अगेंस्ट द फर्म और कैरिंग ऑन बिजनेस इन देर नेम अदर देन देयर ओन राइट पार्टनरशिप फॉर्म्स के रिस्पेक्ट में क्या रूल्स होंगे उनको कैसे सम्मान किया जाएगा वो सारी चीजें आपकी इस ऑर्डर में कवर अप हो जाती है सिमिलरली अगेंस्ट कॉर्पोरेशन की उसके प्रिंसिपल ऑफिस पे आप देते हो सम्मन देते हो उस तरीके की, की सारे रूल्स आपके दे रखे हैं

18 ईयर्स uh, तो उससे कम के जो लोग होंगे वो आपके माइनर कहलाते हैं राइट right? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो माइनर कौन होगा जो जिसने अटेंड नहीं करी है आपकी मेजोरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ दी मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट क्लियर आगे देखो वेर अ सूट इज इंस्टिट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन टेकन ऑफ दी फाइल अब ये कह रहा है कि अगर आपने माइनर होने के बावजूद सूट फाइल किया है बिना नेक्स्ट फ्रेंड के तो आप डिफेंडेंट uh, यहाँ पे एप्लीकेशन लगा देगा और कहेगा कि प्लेट वापस ले लिया जाए वेर सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड द डिफेंडेंट में अप्लाई टू है प्लेन टेकन ऑफ द दाइल विद कॉस्ट टू बी पेड बाई दीडर और अदर पर्सन बाय हुटेड यहाँ पे डिफेंडेंट अपलाई कर देगा कि भाई इसका प्लेट जो है

आगे देखो टू uh, ए जो बात कर रहा है सिक्योरिटी टू बी फर्निश नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर्ड पे कह रहा है कि जब ऑर्डर किया जाएगा तो नेक्स्ट फ्रेंड को सिक्योरिटी भी फर्निश करनी पड़ती है रूल नंबर टू ए बात कर रहा है इसकी जहां पे भी सूट होता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड द कोर्ट में एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे सूट के आइदर ऑन इट्स ओन मोशन या फिर जब डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाता है तो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड रीजन रिकॉर्ड करने के बाद ऑर्डर कर देगा नेक्स्ट फ्रेंड को टू गिव गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड उस रिस्पेक्ट में उसको सिक्योरिटी देनी है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा और लाइकली टू बी इनकर्ड बाय दी डिफेंडेंट क्लियर तो यहाँ पे उसको जो है लगाना होता है सिक्योरिटी देनी होती है नेक्स्ट फ्रेंड को क्लियर मुकेश अ वेरी गुड इवनिंग सीपीसी जसविंदर सीपीसी वी आर स्टडीिंग द ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी इट्स परफेक्टली फाइन मुकेश क्लियर आगे देखो अब आज यू माइट नॉट हैव सीन आप देख लीजिएगा के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर्स डिस्कस किए हैं जो भी आपके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है नाउ मूविंग अहेड आगे देखो रूल नंबर एट जो बात कर रहा है रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड की ठीक है कि जब नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा

को एक पर्सन को रिप्लेसमेंट देना होगा ठीक है कि भाई ये पर्सन मेरी जगह आ जाएगा और उस पर्टिकुलर पर्सन को जो नया अपॉइंटेड नेक्स्ट फ्रेंड है उसको जो है उसके जो है डॉक्यूमेंट सपोर्टेड होने चाहिए आपके एफिडेविट से ये शो करते हुए कि भाई वो एक फिट पर्सन है और उसका कोई भी इंटरेस्ट एडवर्स नहीं है माइनर से मतलब वो माइनर के बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा करेगा ठीक है तो इस बात का उसको जो है एक, एक से सपोर्ट करना पड़ता है अपने वो सारी चीजें कि भाई वो एक तो फिट पर्सन है और दूसरा उसका एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है आपके माइनर से क्लियर तो रिटायरमेंट के केस में क्या है कि अगर आपको अगर आप रिटायर कर रहे हो एज एन एक्स फ्रेंड तो उस केस में आपको एक रिप्लेसमेंट देना होता है कोर्ट में क्लियर जो नेक्स्ट फ्रेंड है एडवर्स हो गया है माइनर उसकी विपरीत में जा रहा है और वेयर ही सो कनेक्टेड विदिफेंडेंट हुई दी माइनर इंटरेस्ट विल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाई हिम और या फिर ऐसा लगता है वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी और ड्यूरिंग ऑफ सीज टू विद इन इंडिया और फॉर एनी अदर सफिशियंट कॉज एप्लीकेशन मे बी मेड इन दिस और द डिफेंडेंट फॉर हिज रिमूवल एंड द दर्ट ऑफ द कॉज असाइन में ऑर्डर नेक्स्ट फ्रेंड टू बी रिमूव अकॉर्डिंगली अब यहां पे क्या कह रहा है रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड के रिस्पेक्ट में जहां पर ऐसा लगता है कि उसका इंटरेस्ट एडवर्स हो गया है माइनर माइनर के इंटरेस्ट से या फिर उसका इंटरेस्ट जो है लाइकली फेवर कर रहा है डिफेंडेंट को या फिर वो अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है या कोई भी दूसरा सफिशिएंट कॉज अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये जो माइनर के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है तो उस केस में उसको रिमूव कर देते हैं या फिर वो इंडिया से बाहर चला गया है उस केस में या कोई भी सफिशियंट कॉज जो है तो उस केस में एक एप्लीकेशन आती है वो या तो माइनर लेकर आए ठीक है वो एप्लीकेशन लगा देता है कि भाई इसको रिमूव कर दिया जाए आपका आ,

वो डिजायर करता है कि वो जो है नेक्स्ट फ्रेंड हो जाए उसको अपॉइंट कर दी जाए इन द प्लेस ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड तो कोर्ट जो है उसको रिमूव कर देगा नेक्स्ट फ्रेंड को अनलेस इट कंसीडर नेसेसरी और उसके लिए उसको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं रीजंस भी दैट द गार्जियन ऑट नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर द फॉर द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर यहाँ पे कह रहा है कि अगर uh, वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो गार्जियन नहीं है ठीक है वो गार्जियन नहीं है और उसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट नहीं किया है तो उस में जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई उसको वो डिजायर कर रहा है कि वो चाहता है कि उसको फ्रेंड बना दो माइनर का तो बना देंगे उसके लिए यहाँ पे कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करने होते हैं नाउ रूल नंबर टेन जो बात करता है सूट स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑन रिमूवल कि जहां पे आपने रिमूवल किया है या रिटायरमेंट हुआ एक्सेट्रा ऐसी कोई चीजें हुई हैं तो उस केस में तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द रिटायरमेंट या फिर रिमूवल या फिर डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड

of CPC provisions of legal representative. Yeah, true. True, true, true. Now, retirement removal or death of the guardian of the suit. यहाँ पे कह रहा है कि where the guardian of this for the suit desires to retire or does not do his duty. जहाँ पे guardian चाहता है कि वो retire हो जाए, वो अपनी duty perform नहीं कर रहा है ठीक से. या फिर कोई दूसरा sufficient ground है. जो अपेयर होता है तो कोर्ट में परमिट सच गार्जियन टू रिटायर तो कोर्ट अलाउ कर देता है उस को कि भाई आप कर और मैं रिमूव उसको रिमूव कर देता है और मैं मेक सच ऑर्डर कोर्ट शेल अपॉइंट न्यू गार्जियन इन दैट प्लेस यहाँ पे सूट uh, आपका पेंडिंग होता है उस टाइम पे तो रिटायर हो जाता है रिमूव कर दिया जाता है या मर जाता है तो उस केस में एक नया गार्जियन उस प्लेस पे अपॉइंट कर देती है कोर्ट आपकी क्स्ट ऑर्डर इज योर ऑर्डर थर्टी टू ए विच टॉक्स अबाउट सूट रिलेटिंग टू द मैटर कंसर्निंग दी इसका आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए दी हेड नोट यू शुड बी अवयर ऑफ दोट क्लियर नेक्स्ट इज सूट बाय इंडिजन नाउ वट इज इंडिजेंट पर्सन हुन एंडिजेंट पर्सन आपका जो पुअर है ठीक जो इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने केस को लड़ पाए ठीक है उसके पास पैसे नहीं है कि जो भी कोर्ट फीस है या जो भी फीस uh, रिक्वायर्ड होती है जब आप दर्ज करते हो हो एक एक जब आप फाइल करते हो एक प्लेंट, तो उसमें जो भी भी फीस रिक्वायर्ड होती है है उसके पास वो पे करने के लिए नहीं है। उसको हम क्या कह रहे हैं इंडिजेंट पर्सन कह रहे हैं ना उसके रिस्पेक्ट में दे रखा है आपका ऑर्डर थर्टी थ्री जो बात करता है सूट बाय इंडिजेंट की सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन सब्जेक्ट टू वी फॉलोइंग प्रोविजंस एनी सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन कब, कब वो फाइल कर सकता है सूट आपका इंडिजेंट पर्सन का, प्लेट इन सच सूट जहां पे उसके पास सफिशियंट मीन्स नहीं है सफिशियंट पैसे नहीं है कि जो भी फीस रिक्वायर्ड है प्लेट में वो दे सके हो राइट पहली चीज राइट दूसरा क्या कहता है कि वेयर नो सच फीस इज प्रिस्क्राइब अगर कोई फीस प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है एंड ही इज नॉट एंटाइटल टू दी प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ रुपीज वन थाउजेंड रुपीज मतलब उसके पास एक हजार रुपए की प्रॉपर्टी भी नहीं है ही इज नॉट टू प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ वन थाउजेंड रुपीज कह रहे हैं उसके पास हजार रुपए भी नहीं है हजार रुपए की प्रॉपर्टी भी नहीं है उसके पास राइट right? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि जहाँ पे उसके पास सफिशियंट मीन्स नहीं है कि वो जो है फी पे कर दे इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग पर्टिकुलर पेंट तो उसको हम क्या कह रहे हैं उसको हम इंडीजेंट कह रहे हैं और वो जो है सूट ला सकता है आपका सूट uh, बाय वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे अलाउ किया जाए एज एन इंडिजन पर्सन फाइल करने को सूट नाउ इंक्वायरी इनटू द मींस ऑफ द इंडिजन पर्सन कौन करेगा इंक्वायरी की उसके पास पर्टिकुलर मींस है या नहीं वन ए रूल में दे रखा है और यहाँ पे कह रहा है कि चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विल बी इंक्वायरिंग इंटू दिस मैटर की भाई ये इसके पास सफिशियंट मीन है या नहीं है क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम से पूछ लेता है चीफ मिनिस्टर ऑफिसर हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हजार रुपए ठीक है दिस प्रीलिम्स के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है कि उसके पास वन थाउजेंड रुपीज नहीं है अगर कोई फीस प्रिस्क्राइब फिस नहीं है तो उस केस में उसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है ऑफ वर्थ ऑफ वर्थ रुपीज वन थाउजेंड रुपीज क्लियर आगे देखो आगे कहता है कि इन रूल नंबर फाइव के ये जो आप एप्लीकेशन लेके आ रहे हो कि मुझे अलाउ किया जाए एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करने के लिए तो उस केस में ये एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो सकती है इन फॉलोइंग ग्राउंड्स पे ठीक है इन फॉलोइंग ग्राउंड्स पे नाउ कोर्ट शैल रिजेक्ट दी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एन इंडिजन पर्सन पहला वेयर इट इज नॉट फ्रेम्ड और प्रेजेंटेड इन द मैनर ऑफ रूल टू एंड थ्री अगर टू और थ्री रूल के हिसाब से अगर एप्लीकेशन नहीं प्रेजेंट करी गई है फ्रेम नहीं करी गई है तो आपकी रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन जहां पे एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन जहां पे इंक्वायरी करने के बाद ये पता लगता है कि वो इंडिजेंट पर्सन नहीं है तीसरा कहता है वेयर ही हैज विद इन टू मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है ये कह रहा है कि आप दो तो महीने पहले ही प्रेजेंट करने से पहले एप्लीकेशन को दो महीने से दो महीने पहले ही उसने डिस्पोज ऑफ करी है अपनी कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडली और इन ऑर्डर टू तो बी एबल टू अप्लाई फॉर द परमिशन टू यूज एज एन इंडिजेंट पर्सन और ये जानबूझ के उसने ऐसा किया है डिस्पोज ऑफ कर दिया प्रॉपर्टी ताकि उसको अलाउ किया जाए कि वो फाइल्स कर सकता है सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड इफ इफ आफ्टर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ बाइ

ठीक है जहां पे वो एग्रीमेंट कर लेता है किसी बंदे के साथ कि वो फाइनेंस करेगा उसका लिटिगेशन को तो इन सारे ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है नाउ दीज ग्राउंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रम्स एज वेल एज फॉर योर मेन्स ऑल्सो मेन्स में भी पूछ लेते हैं कि कौन से कौन से ग्राउंड पे आपके रिजेक्ट कर रिजेक्ट कर दी जाती है एप्लीकेशन इंडिजेंट पर्सन की क्लियर तो ये सारे ग्राउंड आपके इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना

As an person, या उसके पास सफिशियन मीन है, ठीक है? या उसको कंसील कर रहा है उसके इंडिजेंट पर्सन ट्रीट ना किया जाए या जहां पे वो एंटर हो जाता है किसी के साथ एग्रीमेंट मेंस्ट या फिर वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ एग्रीमेंट करता है उसका जो है इंटरेस्ट होता है में. तो इन सारे ग्राउंड में आपका जो है विड्रॉ हो जाती है एप्लीकेशन Uh, जो आपको ग्रांट कर दी गई है परमिशन इंडिजेंट पर्सन की तरह सू करने की वो विद्रॉ हो सकती है नाउ रूल नंबर टेन बात करता है कॉस्ट वे दी इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स ठीक है वे दी प्लेटिव सक्सीड्स इन दी सूट जहां पर प्लेटिव जीत जाता है सूट में द कोर्ट शैल कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ दी कोर्ट फीस विच वुड हैव बीन पेड बाई दी प्लेटिव इफ यू हैड नॉट बीन परमिटेड टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन सच अमाउंट शैल बी रिकवरेबल बाई द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर बाई द डिक्री टू पे दे द सेम एंड शैल बी

का जो ये नोट है इस order का जो ये head note है, ये भी important है, है, भी और इसके rule, rule number one भी important है। है, है, इससे पहले, पहले, इस rule को डिस्कस करने से पहले, suit जो है, मैं आपको बता चुकी कि suits क्या होता है? जहां पे मान लो एक एग्जाम्पल से समझो ए है ठीक है बी और सी है यहाँ पे बी एंड सी ये जो है लड़ रहे हैं आपस में दे आर फाइटिंग दे आर फाइटिंग ओवर प्रॉपर्टी ठीक है अब यहाँ पे ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी में बस ए जो है कोर्ट के सामने आया है और ये कह रहा है कि राइटफुल क्लेमेंट बता दो मैं उसको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा अब यहाँ पे ए को सिर्फ कॉस्ट और चार्जेस मिलेंगे और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है बी और सी आपस में लड़ रहे हैं राइट तो यहाँ पे ए जो है क्या कर रहा है ए एप्लीकेशन लगा रहा है ये इंटरप्रीटर सूट लेके आ रहा है और ये कह रहा है कि राइटफुल क्लेमेंट बता दो मैं उसको प्रदर्शन दे दूंगा और मेरा इसमें कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है बस बी और सी के बीच में लड़ाई है दिस इज इज एंडर सूट नाउ रूल नंबर जो बात कर रहा है इन एवरीप्रीडर शेल इन एडिशन टू दी फॉर द्लेन शैल स्टेट क्या क्या स्टेट करना होता है उस प्लेट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ दूट ठीक है uh, जो भी डिस्प्यूट में सब्जेक्ट मैटर है उसमें प्लेटिव का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वो कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा है अपना द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली ठीक है और वो क्लेम्स जो क्लेम डिफेंडेंट ने सेवरली बनाए हैं देर इज नो कल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ और एनी ऑफ द डिफेंडेंट और यहाँ पे कोई भी मिली भगत नहीं है किसी भी डिफेंडेंट के साथ प्लेटिव की ठीक है ए की कोई मिली भिगत नहीं है ना तो बी से ना ही सी से राइट right, बस उसको जो है वो ये चाहता है कि जो भी राइटफुल क्लेमेंट है उसको मैं कोर्ट uh, डिसाइड कर दे कि बी एस में से कौन सा राइटफुल क्लेमेंट है मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूं क्लियर आई होप इट इज क्लियर नाउ मूविंग अहेड ऑर्डर थर्टी सिक्स जो बात करता है स्पेशल केसेस की अब यहाँ पे कह रहा है कि पावर टू स्टेट केस फॉर दी कोर्ट ओपिनियन जहां पे पार्टी जो है क्लेम कर रही है क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन अ डिसीजन ऑन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट मे एंटर इन टू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग स्टेटिंग सच क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ केस

अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्टी क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन अ डिसीजन ऑफ ऑफ एनी क्वेश्चन लॉ पे पार्टी जो है वो क्लेम जो कर रही है उसका उस जो इंटरेस्टेड है वो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे कोर्ट का जो है डिसीजन uh, आए ठीक है, पर, uh, जो है अपना ओपिनियन दे ठीक है और उसके लिए दे एंटर इन टू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग स्टेटिंग दैट सच क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन जिसपे चाहती है वो इन द फॉर्म ऑफ अ केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट एंड प्रोवाइडिंग दैट अपॉन दी फाइंडिंग ऑफ कोर्ट जब कोर्ट उस पर डिसाइड कर देगा विद रिस्पेक्ट टू सच क्वेश्चन कर दे बाय दूर टू बी डिटर्माइंड बाय दी कोर्ट शैल बी पेड बाई वन ऑफ दी पार्टी कौन सी पार्टी पे करेगीबल समर्टीजल हो स्पेसिफाइड इन दीमेंट शेल बी डिलीवर्ड बाई वन पार्टीज टू द अनाम

साथ में कह रहा है कंसाइजली स्टेट करना पड़ता है कि क्या फैक्ट्स हैं साथ में डॉक्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं ताकि कोर्ट जो है अपना ओपिनियन दे सके क्लियर नाउ नेक्स्ट इज योर थर्टी सेवन जो बात करता है समरी प्रोसीजर की दैट इज वेरी सिंपल ठीक है और आप उसके रूल्स बस एक बार ऐसे ही देख लेना ये आपका हेड नोट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ठीक है हेड नोट इंपॉर्टेंट है नाउ नेक्स्ट इज थर्टी एट जो बात करता है अरेस्ट एंड अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट अरेस्ट बिफोर जजमेंट राइट अरेस्ट और अटैचमेंट की बात हो रही है यहाँ पे अब सेम प्रोसीजर जो भी आपके अरेस्ट और अटैचमेंट का डिस्कस कर चुके है, उसके दे हैं उसके ऑर्डर में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपेरेंस जहां पर डिफेंडेंट को बुलाया जा रहा है कि आप जो है फर्निश करो सिक्योरिटी फॉर हज अपेयरेंस वेयर एट एनी स्टेज ऑफ दूट अदर सेक्शन 16 फ्रॉम क्लॉस ए टू डी कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाई एफिडेविट और अदरवाइजेंडेंट विद इंटेंट टू डी द्लेंटिव और टू अवॉइड ऑफ द कोर्ट और ऑब्सट्रक्ट और डीले दूशन ऑफ द डिग्री दट मे बी पास अगेंस्ट हिम अब यहाँ पे कोर्ट कह सकता है कि डिफेंडेंट जो है ऑबस्ट्रक्ट कर रहा है डीले कर रहा है एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है डिग्री तो उसके खिलाफ पास कर सकती है और या या इन ग्राउंड्स पे जहां पे उसको लगता है कि वो अब स्कॉन्ट कर देगा या छोड़ देगा लोकल लिमिट्स कोर्ट की या फिर अब स्कॉन्ट कर देगा या लीव कर देगा लोकल लिमिट्स ऑफ दिक्शन कोर्ट राइट और हैज डिस्पोज ऑफ और रिमूव ऑफ दी प्रॉपर्टी फ्रॉम दी लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट के लोकल लिमिट्स से वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या रिमूव कर देगा उस केस में Yeah, डिलेडेंशन yeah, से कि ताकि प्लेटिव को ऑबस्ट्रक्ट कर सके उसको, उसकी प्रोसेस को डिग्री को एग्जीक्यूट ना होने दे उसमें डिले करे ठीक है एंड मे बी पास अगेंस्टेंडेंट इन सूट द कोर्ट में इश्यू वॉरेंट ऑफ अरेस्ट

ऑफ दी वारंट अब यहाँ पे पुलिस गई पकड़ने और वहां पे जब वो अपने वारंट एग्जीक्यूट किया पुलिस ने तो उस टाइम पे अगर वो पैसे दे देता है तो उस केस में आप उस डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं करोगे राइट right. अगर सम ऑफ जो सफिशियंट सम है जो वारंट में दे रखा है वो अगर पे कर देता है तो उसको आप अरेस्ट नहीं करते हो

या फिर उसके खिलाफ जो है अरेस्ट कर लेंगे उसको उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे राइट right. uh, अरेस्ट पहले वाले में देखा अटैच इसमें कर लेंगे यहाँ पे कह रहा है कि इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ऑफ द कोर्ट द कोर्ट में डायरेक्ट डिफेंडेंट विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय इट आइदर टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर और टू प्रोड्यूस एंड प्लेस द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट वेयर रिक्वायर्ड द सेट कोर्ट सेट प्रॉपर्टी और द वैल्यू ऑफ द सेम और सच पोर्शन देयर ऑफ एज मे बी सफिशिएंट डिग्री और टू अपेयरिटी अब यहाँ पे क्या कहता है की डीले का इंटेंशन है से मैंने बताया इस पहले वाले में डीले का इंटेंशन है डिफेंडेंट का या फिर आपके वो चाहता है की एग्जीक्यूट ना हो सके डिग्री और अगर ये ग्राउंड होते हैं तो उस केस में उसको बुलाया जाता है कोर्ट में की भाई आओ और बताओ की तुम फर्निश क्यों नहीं करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट क्लियर नाउ द्लेंटिव चैल अनलेस दी कोर्ट अरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाई दर्टी रिक्वायर टू बी अटैच एंड दस्टमेटेड वैल्यू देर ऑफ यहाँ पे प्लेटिव जो है अनलेस दी कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेफाई करता है कि प्रॉपर्टी जो रिक्वायर्ड है अटैच होने के लिए और साथ में एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी उसकी द कोर्ट में ऑल्सो इन ऑल्सो इन दर्डर एट अटैचमेंट कोर्ट जो है, है so यहाँ पे सब रूल व, uh, वन को फॉलो नहीं किया उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे अटैचमेंट जो होगा वो अवॉइड माना जाएगा क्लियर नाउ नेक्स्ट इज योर जो बात करता है टेम्परेरी इंजेंशन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर की अब टेम्परेरी इंजेंशन बेसिकली क्या होते हैं जहां पे आप जो है ये ऑर्डर लेना चाहते हो कोर्ट से कि उस पर्टिकुलर पर्सन से कहा जाए कि आप ये पर्टिकुलर काम करो या फिर उसको रिफ्रेन उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि आप ये पर्टिकुलर काम मत करो राइट दैट इज योर यशन उसको हम इंजेंशन कहते हैं नाउ रूल नंबर वन क्या कह रहा है केसेज एन में से टेम्प्रेरी इंजेंशन में भी ग्रांटेड कौन से में आप टेम्परे इंजेंशन ग्रांट करोगे वेयर जर ऑफ बी वेस्टेड डैमेज और एलिनेटेड बाई एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुल्ड इन दूशन ऑफ द डिग्री जहां पे एफिडेविट द्वारा ये, ये चीज प्रूव हो जाती है की जो प्रोपर्टी जो डिस्प्यूट में है किसी सूट के वो क्या डेंजर में है या फिर डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड कि भाई वो वेस्ट हो जाएगी ऐसा खतरा उस प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया है या एलिनेट कर दिया गया है बाय एनी पार्टी टू द सूट और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में या फिर डिफेंडेंट थ्रेटेंस और इंटेंट टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिस प्रॉपर्टी व्यू ऑफ डी फ्रॉडिंग केस में या फिर और अदरवाइज कॉज इंजरीज टू प्रफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन द डिस्प्यूट इन दि सूट अब यहाँ पे कह रहे हैं इन तीनों ग्राउंड अगर ये तीनों ग्राउंड अवेलेबल होंगे तो इंजेंशन टेम्परेरी इंजेंशन कोर्ट जो है आपका ग्रांट कर देगी क्लियर आगे नेक्स्ट इज द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांड टेम्परे इंजेंशन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट ऑर मे सच ऑर्डर फॉर दर्पज ऑफ स्टेइंग

नहीं कर सकते आप डैमेज नहीं हो जा सकते प्रॉपर्टी को आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते इसको हम कहते हैं आपका टेम्परेरी इंजंक्शन और अगर ये ग्राउंड आपके प्रूव हो जाते हैं तो टेम्प्रेरी इंजंक्शन क्रोड ग्रांट कर देता है इंजेंशन टू रिस्ट्रेन रेप कंटेन्स ऑफ ब्रीज अब यहाँ पे कह रहा है बेसिकली इतनी सी बात कह रहा है कि इंजेंशन ग्रांट हो सकता है कि भाई आप जो आपसे कहा गया करने को आप उसको बार बार मत करो ठीक है आपसे कहा गया आप ये काम मत करो तो दैट मीन यू शुड नॉट डू दैट ठीक है अब इन दैट रिस्पेक्ट कह रहा है इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जहां पर आप डिफेंडेंट से कहा गया है जहां पे डिफेंडेंट से कहा गया है कि उसको रिस्ट्रेंट किया जा रहा है डिफेंडेंट को फ्रॉम कमिटिंग एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ना करो या अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वेदर कंपनसेशन इज क्लेम इन द सूट और नॉट चाहे कंपनसेशन क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है द प्लेंटिफ मे एट एनी टाइम आफ्टर द ऑफ दिस सूट जो है किसी भी टाइम पे के बाद एंड आइदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट या बिफोर बिफोर या आफ्टर जजमेंट अप्लाई द कोर्ट फॉर टेम्प्ररी इंजेंशन उस केस में भी कोर्ट को टेम्प्ररी इंजेंशन अप्लाई कर सकता है इवन आफ्टर जजमेंट और बिफोर जजमेंट टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट ताकि उसको रोका जा सके कि वो बार बार कमिट ना करे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी कंप्लेट ऑफ उट ऑफ दिलेटेड तो इस रिस्पेक्ट में भी जहां पे डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन किया जा रहा है कि भाई आप बार बार बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मत करो तो उस केस में भी टेम्पररी इंजेंशन कोर्ट से ले सकती है पार्टी ना तो कोर्ट में ऑर्डर कोर्ट uh, में बाय ऑर्डर ग्रांसेंशन ऑन सच टर्म ड्यूरेशन ऑफ द इंजेंशन

और आप उस इंजेक्शन का डिफेंडेंट जो है ब्रीच करता है या डिसोबे डिसोबे करता है तो उस रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ एनी इंजेक्शन ग्रांटेड और अदर ऑर्डर मेड अंडर रूल वन और रूल टू और एनी ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑन विच द इंजेक्शन वाज ग्रांटेड और द ऑर्डर वाज मेड द कोर्ट ग्रांटिंग द इंजेक्शन और मेकिंग द ऑर्डर और एनी कोर्ट टू व्हिच द इज सूट और प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ

आपके डायरेक्शन करते हो या फिर आप उसका ब्रीच कर रहे हो तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जाएगी और तीन महीने के लिए सिविल प्रेजेंट में भी डाल सकती है कोर्ट आपको क्लियर तो ये तीन महीने वाला टाइम जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए मूविंग अहेड नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन वन ईयर अब यहाँ पे कह रहा है अटैचमेंट जो आप किया है इस, रूल में वो कब तक फोर्स में रहता है एक साल तक के लिए फोर्स में रहता है। अटैच में बी सोल्ड एंड आउट ऑफ द कोर्ट में थिंग्स टू दर्टी अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके बावजूद भी एक तो एक साल तक आपका अटैच रहती है प्रॉपर्टी उसके बावजूद भी आप जो है कंटिन्यू डिसोबे कर रहे हो इंजेंशन को या ब्रीच कर रहे हो तो उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाता है जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाता है और जो भी उससे पैसे आते हैं वो जो है इंजर्ड पार्टी को एज एन कंपनशेशन दे दिए जाते हैं क्लियर नाउ थ्री ए रूल जो है वो बात कर रहा है कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंजेंशन विद इन थर्टी डेज नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इंजेंशन की एप्लीकेशन कोर्ट जो है तीस दिनों में डिस्पोज ऑफ कर देता है ये आपका प्रेलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है

वेदर बिफोर और आफ्टर डिग्री नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अपॉइंट uh, होने के लिए तो यहाँ बहुत क्लियरली दे रखा है और आफ्टर डिग्री कैन बी अपनी रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम दोजेशन और दी कस्टडी ऑफ दी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है कि उसमू कर दिया जाए उस पोजेशन से उस कस्टडी से प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कमिट द सेम टू दी पोजेशन कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर और उसको जो है और कोई कोई प्रॉपर्टी है कोई चीज है कुछ चीज की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है उसको रिसीवर को दे दिया जाता है अपॉन द रिसीवर ऑल सच पावर्स वो सारी पावर्स दी जाती हैं एज टू ब्रिंग एंड डिफेंडिंग सूट ताकि वो डिफेंड कर सके सूट को एंड फॉर द रियलाइजेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ये सारी चीजें कौन करता है रिस, आपका रिसीवर करता है द कलेक्शन ऑफ द रेंट एंड द प्रॉफिट देयर ऑफ प्रॉफिट भी कलेक्ट करता है रेंट भी वही कलेक्ट करता है द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सच रेंट एंड प्रोफिट एंड दीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज दी ओनर हिमसेल्फ

कि क्या क्या पावर्स तो दी, जा, दी जाती है, रिसीवर को जब अपॉइंट किया जाता है तो बेसिकली रिसीवर क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का टेक टेक केयर कर रहा है ठीक है ना तो उस प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा है ना ही डिफेंडेंट कर रहा है बट उसके लिए कोर्ट ने राधर कोर्ट ने एक इम पर्सन रिसीवर को अपॉइंट कर दिया है ताकि वो उसको प्रिजर्व करे उस प्रॉपर्टी को उसके सारे जो भी रियलाइजेशन तो रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वो कलेक्ट करे सारी चीजें उसको इम्प्रूवमेंट करे सब कुछ रिसीवर ही करता है क्लियर नाउ

Uh, uh, क्या कहते हैं रिसीवर। अपील फ्रॉम ऑर्डर फोर्टी टू अपील फ्रॉम अपेल एंड डिक्री फोर्टी थ्री अपील फ्रॉम ऑर्डर एंड नेक्स्ट इज फोर्टी फोर जो बात करता है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन नाउ दीज आर बेसिकली इंडेक्स uh, बेस पूछ लेते हैं हेड uh, नोट से पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर्स में में क्या क्या दे रखा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री दे रखा है तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से कौन से ऑर्डर में क्या दे रखा है मतलब हेड नोट इसका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नेक्स्ट इज अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट दैट इज ऑर्डर थर्टी सॉरी फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स रेफरेंस फोर्टी सेवन रिव्यू एंड फोर्टी एट दैट इज मिसलेनियस इन सबके प्रोविजन जो सेक्शन में हमने डिस्कस किए हैं एज इट इज ए डिटेल फॉर्म में यहाँ बता रखा है रूल्स के रिस्पेक्ट में आपको एग्जामिनेशन के लिए बस और बस इसका ये पता होना चाहिए कि फोर्टी सिक्स में रेफरेंस दे रखा है फोर्टी सेवन में रिव्यू दे रखा है एंड सिमिलरली फोर्टी सिक्स में अपील टू सुप्रीम कोर्ट दे रखा है राइट एंड दास्ट टू दीज आर मिसलेनियस प्रोविजन आपका है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इज फोर्टी नाइन चार्टर्ड हाई कोर्ट एंड प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट दैट इज योर फिफ्टी थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंटायर सेशन ऑन सी पी सी आई होप आपके लिए अच्छा रहा होगा आपको समझ में अच्छे से आया होगा आई होप आप आपका रैपिड रिविजन हो गया होगा सी पी सी सब्जेक्ट का ना वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग की लाइफ फाउंडेशन बैच टू आ गया है जिसकी क्लासेज आपकी बारह जुलाई को स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे इस लाइफ फाउंडेशन बैच में आपकी प्रिलिम से लेके इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाती है इतना ही नहीं आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लेक्चर नोट्स आपको डेली एम सी क्यू कर्शन प्रोवाइड किए जाते हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में ताकि आप सेल्फ इवेलुएट कर सकें कि आपको कितना समझ में आया I accession e

कोड आपको देता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट एंड दैट श्री लाइव प्रोमो कोड लगा के आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ फाउंडेशन बैच तो इस लाइफ फाउंडेशन बैच में अगर आपको परचेज करना है तो बाय नाउ पे क्लिक करें अप्लाई करें प्रोमो कोड श्री लाइव एस एच आर आई एल आई ई जैसे ही आप श्री लाइफ कोड अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप ये खुद देख सकते हैं कि आपको जो ये कोर्स मिलेगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन में मिलेगा श्री लाइफ के कोर्स से और इसकी वैलिडिटी रहेगी ट्वेंटी फोर मंथस की मतलब आपको आपके पास ये कोर्स रहेगा दो सालों के लिए तो आप मल्टीपल टाइम्स इसकी वीडियोज को देख सकते हैं और आप अपने लेक्चर नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं वंस से और कोर्स कंप्लीट तो यहां पर इस लाइफ फाउंडेशन बैच में आपका कोर्स कवर कवर अप करा दिया जाएगा एक साल में और नेक्स्ट वन ईयर के लिए आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा और यहां पे आपकी पूरी तैयारी जाएगी प्रलिम से लेके इंटरव्यू तक की सो so, जल्दी से जाके एनरोल करें डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड श्री लाइफ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट